भाई साहब हाँ प्राइवेसी वार्निंग मिल रहा है इधर। हाँ पहले नहीं मिल रहा था। आवाज आई तुमको हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया कि भी? रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्टेड। हाँ नहीं बात सही है। अरे जिसको करना रहता है फिर कर ही लेता है, स्क्रीन कैप्चर करके आ क्या है। हाँ वो तो तो थर्ड बताओ पार्टी कुछ अब। यूज कर लो। हाँ नहीं पहले मैं भी था ना कि पॉडकास्ट के नाम पे, हेलो एक्साइटमेंट ये है क्या है, एंथुसियाज्म दिखाओ, पूरा स्क्रिप्टेड रखो। मैं कह नहीं, फ्लो के नहीं नहीं साथ चलो। पॉडकास्ट वैसा होना ही नहीं चाहिए। हाँ पॉडकास्ट का मतलब ही है कि भाई बातचीत करो, डिस्कशन करो, जो अच्छा हाँ लगे वो करो, मजे में हाँ रहो। फ्लो के फिर साथ वैसे चले हो जाएगा अब। ना, स्क्रिप्ट रहेगा वैसा रहेगा। हाँ हाँ टॉपिक डिसाइड कर सकते हो कि ये टॉपिक रखना है। भाई साहब लस्सी वाला ग्लास नहीं हो, उसको पानी प्यास ज्यादा लगती है ना, तो बार बार निकालने मन नहीं मैं करता है तो बॉटल ही इसलिए। रख लेता हूँ, डेली डांट पड़ता है कि ग्लास से पानी पियो, ग्लास से पानी पियो। हाँ नहीं बस मैं बॉटल से। यहाँ, मैं मेरा भी उसी वही प्रॉब्लम है। मैंने इधर एक पानी की टंकी ले आके रखी हुई है, तो फिर उससे निकालने। सही। हाँ एक्चुअली यही पे पास तुम ही में अपने ही रखा घर में हूँ। रहते हो ना? हाँ मैं अपने ही घर में रहता तब इतना कट ऑफ भाई, पानी हूँ। वानी सब अटैच्ड, और वॉशरूम भी है क्या? नहीं, वो कुछ ज्यादा हो तो फिर जाएगा। रूम से निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ नहीं तब भी अच्छा था। तब क्या हुआ वो हेल्थ वाला प्रॉब्लम जो बता रहे थे? हेल्थ वाला अभी समझो कि 98% रिकवर हो चुका है। चेस्ट पेन हाँ जो है वो जा नहीं रहा है। डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ 1-2 महीना लगेगा, वो धीरे धीरे रिकवर हो अच्छा, एक जाएगा। महीना अब बोलने में अब दिक्कत नहीं ना आ रही पहले थोड़े बोलने में? में उतना तो नहीं आती है, खांसी हाँ अभी भी बीच बीच में आ जा रही है वापस, कभी भी कोई ठीक नहीं है। हाँ और ब्रीदिंग का थोड़ा इशू, क्या पता कब होगा यार, रिजॉल्व ही नहीं। और हाँ नहीं नॉर्मल वो मतलब वो फेज से पहले वाला जो नॉर्मल लगता था ना, वैसा नहीं हो पाता है तुम्हें क्या क्या वैसा। लगा कि ये कहाँ, तुम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। भाई मेरे को लग रहा है जो आती है मेड आती है जो झाड़ू पोछा करने घर में, उसी के थ्रू आया है। क्योंकि उसी के वो फिर हाँ उसी के थ्रू घर में आया, मुझको हुआ, मेरी मम्मी को हुआ। पापा ने कैसे अच्छा। भी वैक्सीन लिया हुआ था पहले से, पापा मेडिकल लाइन से हैं तो उनको वैक्सीन बहुत पहले पड़ गया था, अच्छा तो ओके। उनको कुछ नहीं हुआ। तो मेड को, मेड का फिर भी टेस्ट हुआ क्या? मेड कहाँ टेस्ट करवाएगी, वो 5 दिन में घर में रही, ठीक हो गई। अच्छा ठीक यहाँ भी हो गई। ठीक भी हो गई, इसको फीवर बुखार सब सारे सिम्टम आए, हाँ वो छुट्टी ली 5 दिन, वो घर पे रही, ठीक भी हो गई। फिर इधर हम लोग बीमार हो गए उसके लगता है जस्ट 1-2 दिन बाद, तो मम्मी बोली कि अब मेड को क्या करना है, मेड को छुट्टी दी कि आप घर पे रहो, जब हम लोग रिकवर होंगे तभी ना वो वापस आएगी। देखो उसका इम्यूनिटी सिस्टम तुमसे तगड़ा है, हाँ ठीक वही, अब होता ही है ये है। ना। नहीं, बात सही है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं ना, वो सिनेरियोज में काम कर रहे होते हैं जहां हाँ हम तुम सब नहीं काम कर पाते। हाँ वही वही, हम लोग आराम से पले बढ़े, हाँ और क्या हो हल्के क्या। से नाजुक नाजुक लोग। नहीं सबकी अपनी ड्यूटी होती है कि सब यही काम करने लगेगा तो ग्राउंड लेवल के काम कौन करेगा। लेकिन हाँ बहुत गंदा चीज है भाई, झेल गया। हाँ लेकिन जो वो फेस था ना, एकदम अभी हाँ लगता है सोच के कि सबसे बुरा फेस था भाई। हाँ खांस रहा खांस रहा खांस रहा, खाली खांस रहा, रात भर नींद नहीं आ रही, वैसा वाला बहुत गंदा फेस था। हाँ नहीं अभी मेरा मेरा कुछ अभी दिन पहले गला बैठ गया था, ऐसे मोहित भाई के साथ भी ऐसे बात की थी हम लोग। तो मैं हाँ जाके हाँ टेस्ट करवा लिया तो घर वाले चिल्लाने लगे कि कैसे गए थे, मास्क लगाए थे कि नहीं, हाँ कितने तरह के लोग आते हैं उधर। बड़ा बड़ा हल्ला ये हुआ था। रिस्की है, हाँ ये रिस्की ये रहता मेरे है दिमाग में थोड़ा, नहीं आया, मतलब ये मेरे दिमाग कि में भाई नहीं अगर आया। कोविड नहीं भी है, अगर हाँ तुम वैसे जगह जा रहे हो तो हाँ हो सकता है कि तुमको ना हो, लेकिन 6 दिन बाद पकड़ ले, हाँ वो कुछ भी भी हो बात सही सकता है, है। लेकिन थैंकफुली नहीं आया मुझे और मेरा चलो गला भाई ही खाली बैठा था। बस बस इसी रूम में रखो, पानी की टंकी और वॉशरूम का भी इंतजाम कर लो, रूम से बस निकलना इसी नहीं भाई। यहाँ से नहीं निकलना। मेरा मेरा होने के बाद हिम्मत नहीं हुआ कि घर से हाँ बाहर कदम रख, हाँ ऐसा हाल हो गया। मतलब देख रहे हो बाल का मतलब ये सब लगाना पड़ रहा हाँ है, बाल यहाँ अप टू ईयर आ गया है। अरे वही मेरे क्या कहते हैं, जिससे मैं बाल बनवाता हूँ उसकी भी तबीयत खराब हो गई है। फिर ओ तुम्हारा फटा होगा कि भाई क्या पूरा पूरा भाई मसाज करवा के आया था कंधे का। हाँ लेकिन तब से मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, कहते मेरा तो नॉर्मल चल रहा है कि तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सही है। अरे बहुत लोग को एसिम्प्टोटिक भी रह रहा है ना, कि कोई सिम्टम कुछ नहीं फिर भी पॉजिटिव।
नहीं कितने लोग हो जाते हैं, जैसे कि 2 दिन तक मेरा गला बैठा रहा तो मैं भी टेंशन में हो गया था कि भाई क्या बात हो गई मेरे से। बहुत, के मेरे को तो पहला खांसी आया लगता हाँ है नेक्स्ट मॉर्निंग आया था, मतलब मॉर्निंग में आया जैसे खांसी, मेरे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, अजीब सा खांसी या लगता, वो ड्राई कफ एकदम अलग सा। हाँ मम्मी को बोला मम्मी आप दूर ही रहो रूम से, मेरे को लग रहा हाँ हो गया है। मम्मी बोली यार कुछ नहीं होता। फिर हाँ इवनिंग तक फीवर आ गया मेरे को और मम्मी को भी फीवर कफ, चल मैं सोचा कि हो गया, चलो टेस्टिंग कराओ, उसी टाइम मेडिकेशन स्टार्ट हो गया। फिर कोविड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री निमोनिया मिल गया मेरे को हाँ उसी में, कोविड से उतना नहीं है जितना साइड हाँ में कॉम्प्लीमेंट्री दावत लेके आता ना वो, हाँ कि ये भी नहीं ले लो ये भी ले लो, वही निमोनिया के साथ इशू हुआ भाई। खाली कोविड रहे तो उस तब भी टेंशन पांच छह रहती दिन है, सात दिन लेकिन में हाँ लेकिन रहती है, उसके लेकिन साथ और भी उसमें चीजें आए। रिकवर वीक कर देता है, बहुत इम्यूनिटी खराब हाँ कर देता है। वो चलो, आया उसके बाद अब डेली इंजेक्शन में स्पॉट इंजेक्शन चलो इस चलते रहा। पॉडकास्ट को इतना नेगेटिव नहीं रखते हैं, और भी चीजों पे बात हाँ करते हैं, खाली इसी पे चलो बात हाँ, करेंगे। अरे ज्यादा हाँ लंबा रहेगा तो क्रॉप कर देना हाँ नहीं, वैसे क्योंकि जो अभी रॉ, मैं ला पता, मैं सोचा पूरा हाँ रॉ डाल दूं, पिछले भाई मोहित भाई वाला 3 घंटे का पॉडकास्ट डाल दिया पूरा, भाई साहब और मैं नहीं एंगेजमेंट देखा मिल अभी। रही है, कसम से एंगेजमेंट मिल रही है, लोग हाँ देख रहे हैं। जो मेरे 5-10 मिनट सही है वाली फिर। वीडियोस है ना, वो नहीं देख रहे, वो एक 2 घंटा 1.5 घंटा 3-3 घंटे की वीडियो पे अच्छा खासा वॉच टाइम मिल रहा है। सही और है फिर तो, और क्या, हाँ मेरे को भी देख लेना, मैं डाल हाँ दूंगा फेस हाँ रिवील। नहीं, अरे पहले से बहुत चेंज हो गया भाई तुम, तुमको मैं पता अरे नहीं, बहुत बहुत पहले, बहुत शायद मैं साल भर पहले मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पे देखा था। उस टाइम तो चिकना रहता था, हाँ हाँ नहीं फिर चिकना। ऐसे मेरा बाल इतना लंबा कभी नहीं रहता है, हाँ वो कोविड का फेज है समझ लो, हाँ और वेट भी थोड़ा गेन हुआ है, हाँ नहीं ऑब्वियस नहीं दिख होगा रहा, ही, दिख रहा है मेरे वर्क फ्रॉम होम को। चल रहा है तो भाई दिन भर तकिए में लेटे हुए टेबल चेयर काम का नहीं है, टेबल चेयर पे खाली यूट्यूब का काम होता है, हाँ ऑफिस का काम बाकी बेड पे लेटे ही लेटे। बाकी बाकी सब ऐसे ही। ऑफिस वाले क्या कह रहे थे? ऑफिस वाले तो भाई 20 दिन मेरा छुट्टी रहा, मैनेजर बहुत सही है, मैनेजर डेली कॉल करती थी, हाल चाल लेती थी मेरा भी मम्मी का अच्छा। भी, तो ऑफिस से उतना कुछ इशू नहीं हुआ, कोई 20 दिन छुट्टी मिल गया, उसके बाद अब नॉर्मल, अब जैसे पहले खटाते थे वैसे खटाना चालू हाँ हो क्या, गया। बस काम चलू, बहुत दिन आराम हाँ हो बस गया। अब वसूलो, हाँ अभी क्या बहुत दुख हो रहा है ऑफिस में वो भी, देखा, क्या कहते हैं, जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड? नहीं देख पाया ना नहीं अभी तक, देख नहीं पाया, देख पाया। नहीं देख पाया, अब देखना ऐसा काफी। मत बोलना कि भाई नहीं कुछ तो देखा ही नहीं, नहीं डिस्कशन क्या पे करें। नहीं 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 उसकी बात नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, लास्ट मूवी मैंने देखी है शायद बहुत पहले देखी है थिएटर में, जो मार्वल की रिलीज हुई होगी आई थिंक सो, और फिर ये देखा था स्नाइडर कट देखा था लास्ट, हाँ उसके बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी। कोई भी मूवी मैं नहीं इन देखी। नहीं, हाँ इनविंसिबल स्टार्ट किया था, 2 एपिसोड देखा है, हाँ डेली सोच रहा हूँ कि अब देखूंगा, टाइम ही नहीं मिलता नहीं कहीं देखो, पूरा। इनविंसिबल काफी अच्छा है, इनविंसिबल हाँ अच्छा है। इनविंसिबल सब बोल रहा है, इनविंसिबल देखने के लिए सब बोल रहा है, इसलिए मैं स्टार्ट भी किया कि देखता हाँ हूँ देखता हूँ। चलो जुपिटर्स लेगेसी आया है, लेकिन मैं तो भाई ठीक ही है, उसने कुछ भाई खास नहीं किया। जुपिटर्स लेगेसी का मेरे को ये समझ में नहीं आया, उसकी एक एक्ट्रेस ने मेरे को अपने पोस्ट में टैग किया, हाँ वही, अरे यार कॉपरनिकस, क्यों किया। अरे मैं तुमको हाँ कोसी लिए कॉल कर रहा था कि अरे तुमको टैग किया, लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया, मेरे फिर बाद को, में बात हुई लोगों अरे से। उस दिन जिस दिन तुम्हारा कॉल आया, मैं सोचा कि हाँ वापस, मैं बैठा हुआ यहाँ पे, वो चेस्ट कैन वाली मशीन मशीन होती है ना, हाँ मैं उस पर लेटा हुआ, पॉकेट में हाँ फोन है, वाइब्रेट होना चालू, हाँ मैं सोचा कि भाई अब क्या करूं, फोन उठाऊं कि ये करूं। मैं टेस्टिंग कराने गया हुआ था वो निमोनिया का, कि क्या है क्या नहीं है, उसी टाइम तुम्हारा कॉल आया, फिर सोचा कि अच्छा चलो घर चल के कॉल बैक करूंगा, फिर ध्यान से निकल गया। हाँ नहीं, फिर अभी फिर बाद में फिर मैं बात किया और लोगों से, कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो पता चला कि कोविड से। हाँ मैं बोला चलो हाँ ठीक है हाँ यार, टाइम दो बंदे को, कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन यार मैं मुझे देखा है मुझे तुमको टैग किया उसने मुझे यार, कम से कम समझ में नहीं आया, कम्युनिटी की मैं इज्जत बढ़ कब, गई यार भाई, और क्या। मैं फॉलो भी नहीं करता, मैं हाँ जुपिटर्स लेगेसी का एक पोस्ट भी नहीं डाला, हाँ मैं कुछ नहीं, मतलब ट्रेलर भी हाँ नहीं देखा था जुपिटर्स हाँ लेगेसी का, क्या पता आउट ऑफ नोवेयर ऐसी टैग हो गया मैं, और मुझे 2-3 दिन पहले पता चला है, हाँ वो अभिषेक है ना सुपर एक्सपोज से, उसने हाँ मैसेज किया कि क्या भाई टैग हुए हो, मैं कौन टैग किया है,
बोला जुपिटर्स लेगेसी के एक्टर, बोले कहाँ टैग किया ये तो बताओ, मैं जाके टैग सेक्शन में सर्च कर रहा हूँ कि कोई इमेज में टैग हो गया होगा। अरे नहीं, कमेंट में टैग था, तो कमेंट में टैग तो नोटिफिकेशन चला जाता है, वो ऐसे दूसरा नहीं, स्पेसिफिक तौर से पोस्ट में टैग हुआ था, क्या पता क्यों और कैसे। नहीं हो, देखो उससे भी मेरे ख्याल से उनकी टीम होगी, ऐसी बात नहीं है, वो लोग जो सुपर हीरो वाली पीआर टीम तो सारे नोटिस करते ही है ना, हाँ कि मतलब कौन क्या प्रमोट करे, क्या चल रहा है। तुमने कभी कोई न्यूज़ कवर की कि नहीं जुपिटर्स का? जुपिटर्स कोई न्यूज़ है तो उसी लिए टैग किए थे, और कोई बात नहीं, कवर करो कवर करो। और वो पोस्ट भी टैग हुआ था जब मैं इनएक्टिव था चैनल से पूरा, इसलिए मैं इंस्टा पे नहीं था, व्हाट्सएप पे नहीं था उस टाइम, तो बस बेड पे था, तो इसलिए मेरे को पता ही नहीं चला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। उनकी पीआर टीम चाह रही थी कि तुम इंडिया में से कवर करो, ठीक है। नेटफ्लिक्स वाले तो भाई, अगर पीआर टीम नेटफ्लिक्स वाले सुन रहे हो, फ्री में कुछ नहीं होता, फ्री में कुछ नहीं होता, फ्री में नहीं होता, फ्री में सिर्फ डीसी और मार्वल का हो रहा है, हाँ बस, बाकी मेरा मन करता अंदर से तब करता है। जुपिटर्स लेगेसी में ऐसे नहीं, अगर एक्टिव रहते, अगर एक्टिव रहते तो 100% तुम मेंशन कर देते, क्योंकि टैग किया था उसने, तुमको टैग किया था, मेंशन कर देता या फिर अपने स्टोरी में डाल देता इंस्टा पे, इतना तो कर देता, हाँ छोटा सा टैग हुआ हूँ, अपनी ही न्यूज अपना कोई कैसे बताएगा? मैं देखा कि 20 दिन पुराना पोस्ट हो चुका है, अब करे के कोई फायदा नहीं है। वो भी नाराज हो गई होगी कि यार मेरे अमीश ने नहीं किया। सब कमेंट में आके लिख रहा है, भाभी मिल गई, भाभी मेरे को समझ ही में नहीं आया। और किसी ने बोला भी कि कमेंट में यूट्यूब में 2-3 ने बोला कि जुपिटर्स लेगेसी की एक्ट्रेस ने तुम्हें टैग किया। हाँ। मैं टैग में ढूंढ रहा, मिल नहीं रही, अब नोटिफिकेशन में कमेंट का चला जाता है, उतना नोटिफिकेशन अब मिल नहीं रहा। फिर परसों पता चला, परसों या तरसों पता चला, जब अभिषेक ने मैसेज किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, सीजन 2 आओगे तो कॉन्टेक्ट मी, और क्या, सबको कॉन्टेक्ट करो, एक एक लोग को नहीं, सामूहिक प्रमोट किया जाए। वही हम लोग पूरे कम्युनिटी में करेंगे सीजन 2 को प्रमोट, बस कांटेक्ट कर लो। और अरे क्या क्या होता है कि अगर इतना कांटेक्ट, उनके पीआर टीम से कांटेक्ट करके एक अच्छा खासा इंटरव्यू लेते हैं, क्या उसके कैरेक्टर का नाम है क्लोई, ठीक है, हिंदी में बोल लेती है, क्या टेंशन है। हाँ, मैं वही पोस्ट में देखा, ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी हो जाएगा, बिल्कुल भाई, हिंदी में हम लोग करेंगे, हाँ हिंदी में पहले कांटेक्ट करते हैं, सीजन 1 चलवा देते हैं हम लोग, और क्या है, अरे पूरा यूट्यूब पे हल्ला मचवा देते हैं, हाँ जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की वीडियो में बना रहा था उसी की बंदे करती। पहले अगर वो लोग मार्केटिंग इंडिया में करते कि एक्ट्रेस हिंदी बोलती है, हिंदी गाने पे डांस करती है, तो ऐसे ही हो जाता प्रमोट, और क्या, एक बार नाम ले लेते, कौन है पीआर टीम, एक बार नाम ले लेते तो मैं प्लेन की टिकट कटा खुद आ जाता, ठीक है, वही हम लोग पहुंचते, और लॉकडाउन होने के बाद भी पहुंचते कि अरे आपने हमें टैग किया था। मेरे को मन किया मैं मैसेज करके पूछूं, और कमेंट सेक्शन में देखो, अगर उसके कमेंट में कमेंट सब सिंप ना हो जाए। नहीं अभी हो जाएगा ठीक है, अभी हो जाएगा हैशटैग देसी नट सिंप। अरे मेरे मेरा भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मेरा नाम तो बदनाम ही चल रहा है इसमें। तुम कंटेंट जो बनाते हो भाई, बीच बीच में अचानक वो फ्राइडे नाइट वाली कंटेंट, अरे मेरा तो हो जाएगा, खुद ही नहीं मूड पता चलता है कि मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा हूँ। जो मूड किया बना दिया मैंने, उसके बाद क्या, उसके ही और कमेंट में देखा था, उसमें वरुण धवन ने भी कमेंट किया था, जो कि वो टैग नहीं हुआ था या कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ मैं वही सोच रहा था कि भाई यार, मेरे देखा था उसका फॉलोअर्स कितना है, थिंक उतना नहीं था, क्या नाम क्या है एक्ट्रेस का, लीना कॉपरनिकस को मैं फॉलो किया था, हाँ आ गया कॉम्पोरिस, तो क्या है, मैं एलिना कैम्पोरिस ELENA KAM कैसे है। उस क्या कहते हैं, वरुण धवन ने भी कमेंट किया था, मैं सोच रहा था भाई अभी 6 महीने भी नहीं हुए तेरे शादी के यार, आराम से। वही बात है भाई, 93K बेचारी का यार दिल टूट गया, लेकिन वो समझ जाएगी। जुपिटर्स लेगेसी छोड़ो, जुपिटर्स लेगेसी को कोई नहीं देखा लगता है, नहीं उतना कुछ खास भी नहीं है।
क्या स्टोरी कॉन्सेप्ट है क्या उसका? देखो कहानी चलती तो ठीक है, लेकिन उसका पे ऑफ निकलता है ना कि मतलब कि हाँ सुपर हीरो बनने के बाद एक जो स्ट्रगल्स होती हैं इनिशियल सुपर हीरो वो स्ट्रगल्स उन्होंने अब जवानी की जगह वो जो पावर मिलने के बाद होती है वो स्ट्रगल्स दिखाने की जगह उन्होंने बुढ़ापे की स्ट्रगल्स दिखा दिया डायरेक्ट। अच्छा बूढ़े सुपर हीरो का क्या होता है? बूढ़े सुपर हीरो के मतलब इतना समय हो गया उनका जो उनका कैरेक्टर आर्क है अपने एंड मोमेंट पे उन्हें अपनी सारी चीजें टूटती हुई दिख रही है कि अब अच्छा। ये जो फैमिली हमारी सुपर हीरोज वाली अब ये बिखर सही है कॉन्सेप्ट तो सही है। हाँ लेकिन एक होता है ना सुपर पावर्स मिलने के बाद आप जब पूरे मेरे ख्याल से आठ टोटल एपिसोड है तो 5-6 एपिसोड तक शायद 10-8 जो भी होंगे पिछले 2 एपिसोड में लास्ट सेकंड या थर्ड एपिसोड में आप दिखा देते हो पावर मिल गए तो आदमी के अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ चलो भाई 7 या 8 एपिसोड तक आप दिखाए हो जर्नी पूरी कितना स्ट्रगल किया है पावर मिलने के लिए तो फिर कुछ उसका पे ऑफ तो होना चाहिए ना कि जैसे स्पाइडरमैन को पावर मिलती है तो कैसे वो स्ट्रगल करता है उससे जाले निकालने में उसको परेशानी होती है दीवार चढ़ने पे होती है परेशानी कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पाता है क्या स्पाइडरमैन वाले ये सारी चीजें मिसिंग लगी वो इनिशियल फिर डायरेक्ट हमारे पावर मिल गई दुनिया को बचा रहे हैं रेस्टोरेंट में है और बस यही सब कहते हैं अरे इतनी आसान जिंदगी हो जाती है सुपर पावर मिलने के बाद तुरंत ही से टिपिकल नॉर्मल सुपर हीरो बना दिया गया है कुछ भी मतलब जो हाँ मतलब जो 2000s में चलता कि हाँ भाई पावर उस समय चल जाता चालू हो गए हाँ अभी के टाइम पे 18+ है लेकिन वॉयलेंस के नाम पे भी कुछ नहीं है। अच्छा और न्यूडिटी तो नहीं है ठीक है कुछ ऑब्जेक्शनल वर्ड है उसके लिए 18+ वो तो अब रेटिंग पे तो उनका कंट्रोल नहीं है अब जो जो वर्ड्स को यूज करते हैं और शायद कुछ जेस्चर्स हैं इसी हीरोइन के साथ ठीक है अच्छा तो जेस्चर्स है तभी 18+ है मेरे ख्याल से 18 कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता इंडिया में 18+ मैटर नहीं करता है। देखो 18+ वो भी वॉयलेंस के नाम पे ठीक है ना मैं अपनी फैमिली के साथ कितना भी वॉयलेंस बैठ के देख सकता हूँ ठीक है ना सर फट जाए पेट फट जाए टांग टूट जाए कोई दिक्कत नहीं वो तो इंटरेस्ट के साथ मैं और पापा साथ में बैठ के देखेंगे भाई इंटरेस्ट के साथ और क्या कि अगर कोई 100 का कैरेक्टर पेट फाड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है मैं देख लूंगा अपनी फैमिली के साथ लेकिन वो बस किस नहीं करना चाहता चाहिए उसको वो बस क्या बस यही होता है आदमी को जिंदा चीर दो चल जाएगा लेकिन बस किस मत करना उसके आगे की बात तो छोड़ ही दो बस इतना में ही हो जाता है क्या वही है ही टिपिकल इंडियन फैमिली का वही है ठीक है होना भी चाहिए यही सबका अलग मजा है यार ये अटक गया हेलो हेलो आवाज आ रही है हेलो हेलो हाँ नेट गया क्या तो है आगे 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 तुम्हारा आ गया हाँ मेरे एंड पे भी तो नेट था क्या पता कुछ हुआ होगा चलो ठीक है जो भी है ठीक है अच्छा योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल आ गया मेरे अरे इधर बारिश हो रही 3-4 दिन से अरे उसका क्या कहना है यार कि ये अभी जो डिज्नी वालों ने क्रुएला निकाली इंडिया में अगस्त को रिलीज होगी हाँ अच्छा यूएस में फॉरेन कंट्रीज में हो गई है रिलीज डिजिटली प्लेटफॉर्म पे लेकिन पायरेसी की बात करें तो अवेलेबल है तब क्या है पहले अब ये मेरे को कभी समझ में नहीं आया है कि कहीं मूवी पहले रिलीज कर दो इतने बड़े बजट वाली मूवी कहीं पहले रिलीज कर दो और उसके बाद फिर सोचो कि फिर दूसरे कंट्री में हम लोग 4 महीने बाद रिलीज करें कभी नहीं 4 दिन बाद रिलीज करोगे तो दिक्कत हो जाता है व्यूअरशिप चला जाता है थिएटर्स वाला मामला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला जब से प्रॉब्लम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज की हो भाई वो समझो कि ब्लूरे मिल रहा है लोग को फ्री का और क्या यार ब्लूरे मिल रहा है वही वो भी नहीं कि पहले जो आता था एचडी कैम रिप तो ना, ये ना, तो ना, वो भी नहीं वो क्वालिटी अप टू द मार्क मैच मिल जाती है ठीक है अभी अब रिलीज करना है तो सेम टाइम पे अब आदमी सोचेगा कि मैं 4K में देखूं डॉल्बी एटम्स साउंड के साथ तो भाई सबके घर में 50,000 का टीवी 2.5 लाख का साउंड सिस्टम नहीं होगा नहीं होगा वो आदमी फोन में ही देखता है ठीक है हाँ
उसका अरे इसका ब्लैक विडो का क्या है? ब्लैक विडो का भी कुछ ऐसा ही है ना, सेम टाइम पे थिएटर में रिलीज कर रहे हैं और डिज्नी प्लस पे भी। हाँ, पर क्या ये वो भी अलग अलग डेट पे किए होंगे कहीं ना कहीं? नहीं शायद इंडिया में है फैन फॉलोइंग एमसीयू वाली, तो शायद सेम डे। मेन बात उनके चार्जेस ज्यादा है ना, मेरे ख्याल से $20 या $30 तो क्रुएला का मांग रहे हैं। अच्छा, 20 या 30 यहाँ के लिए शायद, यहाँ के लिए शायद अवेलेबल भी नहीं है वैसा। अभी तक तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया था वैसा कुछ रहा। अगर डिजिटली रिलीज करना ना किसी भी स्टूडियो को, सेम टाइम पे करना चाहिए। हाँ, नहीं, हर जगह नहीं तो मत करो, कोई एक जगह हाँ, भी नहीं करो। नहीं, मेन बात क्या है ना, अब क्या कोई जानता थोड़ी ना था कि ये कोविड की प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, अब किसी भी मूवी को जितना ज्यादा टालेंगे तो भाई इन्वेस्टर्स को उतना ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, उसके लिए सारी मूवी तो खींच गई है। वही ना, एक दो मूवी क्या, मैं कोलकाता में था, क्या फेस चल रहा था, एक मूवी भी मिस नहीं होता था, एक मूवी भी नहीं। मतलब कि मेरा रूटीन था कि मैं फ्राइडे को आऊंगा, मूवी देखने जाऊंगा, चाहे जो भी रखा लगा रहे, हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, तमिल तेलुगु जो रहे, मैं घुस जाऊंगा। मैंने मेरा वही रूटीन था, भैया नेक्स्ट शो क्या गया है, सीधे जाके काउंटर पे, आईनॉक्स के काउंटर में, नेक्स्ट शो कौन सा है, ये मूवी है, नाम नहीं सुना, ट्रेलर नहीं देखा, घुस गया। ऐसा पहले मैं एक ऐसे मूवी में गया था, मैं एक और फ्रेंड था, उसका भी सेम बिहेवियर, मेरा रूममेट था वो जब कोलकाता में था, तो उसका भी सेम बिहेवियर, चल मूवी देखने, चल मूवी देखने, चलो ऐसे ही पार्टनर तो चाहिए और क्या। और क्या, गए हम लोग, भैया नेक्स्ट शो क्या है, वो कोई मूवी बोला, मेरे को याद नहीं, हॉरर जॉनर की मूवी थी, दे दीजिए। हम लोग अंदर घुस गए, जावेद जाफरी हीरो, जावेद जाफरी हॉरर, नाम नहीं सुने होगे। हाँ, हॉरर, तुम सर्च मारो ना जावेद जाफरी हॉरर मूवी, में भी शायद मिल जाए, नाम नहीं याद है मेरे को। वो कौन सी मूवी थी जावेद जाफरी, रिसेंट, मतलब आई थिंक 2019 दिखा रहा है। सोचो, ट्रेलर भी देखे थे क्या? मैं नहीं सुना था, मैं नाम सुना था लेकिन मैंने कुछ इंटरेस्ट नहीं जागा इसे देखने के लिए। मैं नाम भी नहीं सुना था, मैं डायरेक्ट चला गया था देखने। इतनी बेकार मूवी है। अच्छा। इतनी बेकार मूवी है। हॉल में 6 या 7 लोग थे, वो भी उनमें से भी एक दो छोड़ के चला गया बीच में, हम लोग भी आराम से लेटे हुए हैं पीछे जाके रिक्लाइनर पे, मजे हॉरर के नाम पे कुछ डर नहीं लग रहा है, लेकिन वो मजा अलग है कि भाई कुछ बिना जाने जाके देख लिए। नहीं, पहले ऐसा होता था, मैं मेरे को याद भी नहीं थी, याद भी नहीं रहता था कि मैंने ट्रेलर देखा है कि नहीं देखा। मेरे दोस्त से अपनी उसकी डीवीडीज मंगाता था मूवीज की, तो मैं क्या यार, मैं डायरेक्ट लगा के देखना चालू कर दिया। मुझको नहीं पता पिक्चर PG-13 है कि आर रेटेड है कि क्या है क्या नहीं है, पर चला था। वो अलग रहता है ना, एक होता है मूवी को अगर तुम पहले से किसी का रिव्यू देख लो तो दिमाग में बैठ जाएगा कि मूवी ऐसा ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो कि नहीं मैं एकदम निल होकर देखूंगा, कोई मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन किसी ने बोल दिया कि बहुत ही औसम है, हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। वो औसम बोला था तो औसम हो गई, किसी ने बोल दिया खराब है, एक्सपेक्टेशन रहता है। तो वही एक्सपेक्टेशन, अगर नहीं चाहते हो तो एकदम कुछ मत देखो, ट्रेलर मत देखो, कुछ नहीं देखो, रिव्यू नहीं देखो, सीधे मूवी देखो। और क्या, सीधे किसी किसी की मत सुनो, किसी की भी मत सुनो, मूवी देखो, फिर जो देखना है देखो। वही करता हूँ मैं, वैसे मूवी देखना रहता है। मैं कोरियन मूवीज इधर देख रहा था कुछ दिन पहले, क्या सही सही मूवीज बना रखी है उन्होंने। नहीं, बस सही होगा, विदाउट एक्सपेक्टेशन देखोगे तो सही रहता है, मूवी का फीलिंग आता है कि भाई हाँ, ऐसा वो कुछ नया है ना, मतलब कोरियन, मतलब सब दे रहे हैं। कि मेरे ख्याल से एक आख ही मैंने कुछ देखी है, जैसे कि कॉमेडी, ड्रामा, मिस्ट्री। मैं मेरे को नाम याद नहीं रहता, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत कोरियन मूवीज देखता है, दिन रात कोरियन कोरियन मूवीज, कोरियन ड्रामा क्या देखते रहेगा। वो बोलेगा भाई ये मूवी देख, अजीब सा नाम बोलेगा, मैं सर्च मारूंगा भाई, डाउनलोड करूंगा, कहीं देखो पायरेसी नहीं हो रहा है। सबको पायरेसी नहीं हो रहा है, पायरेसी नहीं हो रही है, कोरियन मूवीज इजीली अवेलेबल नहीं है, नेटफ्लिक्स पे ऑफलाइन डाउनलोड करके देखते हैं। वैसे भी कोरियन मूवीज इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत सारा अवेलेबल नहीं है, ना के बराबर है। बस देख लेता हूँ बहुत सही सही मूवीज, बहुत सारे का तो कितना हिंदी रीमेक बन जाता है। भाई ये सलमान खान की मूवी आई थी अभी भी शायद, जो राधे आई, वो भी रीमेक है, वो भी आउटलॉज आर रेटेड पिक्चर का PG-13 रीमेक। मैं 12-13 मिनट देखा राधे, बंद कर दिया। मैं इनविंसिबल देख रहा था, मैं नहीं बनाने वाला था राधे वीडियो, ठीक है। अच्छा, फिर देख रहा है ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है, 2.5 लाख
ट्वीट्स के साथ, ठीक है, इससे ज्यादा एंगेजमेंट नहीं मिलने वाली है। वही देखा हूँ लास्ट में कुछ पता नहीं, मतलब कि ऐसा मैं बताऊ, मैंने रिव्यू में ही अपने बोला है कि ऐसा लग रहा है कि पिक्चर एक महीने में शूट की गई है, दो दिन में स्क्रिप्ट लिखा गया होता ही होता ही है। देखो इसका इंटरव्यू देखा था एक बार, आई थिंक इसका था, क्या नाम है यार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। वो उससे पूछा भी था कि सलमान खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस और शाहरुख खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो क्लियरली बोला था कि शाहरुख खान के साथ है कि भाई अगर टेक अच्छा नहीं है तो वो दोबारा टेक देगा, डायरेक्टर बोला कि हाँ एक और टेक चाहिए तो वो देगा, शाहरुख खान देगा। लेकिन सलमान खान का है, भाई ने दे दिया, हो गया। उनको जब तक गलत नहीं लगेगा तब तक वो दूसरा नहीं। हाँ 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 बस, तो वो तो होता ही है ना। और सब तो अब आजकल सारे एक्टर्स अपनी मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डायरेक्टर का भी हिम्मत नहीं होता है कुछ बोलने का। हाँ नहीं, अब चलो नहीं, एक बात सही है ना कि अगर अपने तौर से प्रोड्यूस करता है तो आदमी कमर्शियल तौर से सोचता है ना कि भाई अपने पैसे को, पैसे थोड़ी ना कमाने हैं किसी को, अपने पैसे लगा रहा है। लेकिन आदमी को अपने एक्सटेंड भी समझना चाहिए ना। अभी हम लोग भाई है फिक्शन सुपर हीरो जॉनर के फैन, सलमान खान या ये सब जो अभी एक्टर है, मतलब जो 80s 90s के एक्टर अभी भी खींच रहे हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन क्या पता क्या हो गया है। आई थिंक क्या पता क्या हो गया है, मेरे को समझ में नहीं यार। सलमान खान कोई बुरा एक्टर नहीं है, नहीं पुराने मूवीज में ठीक बहुत अच्छा है यार। मैं बता, वही बहुत सारे मूवीज है उसकी, एक तेरे नाम, हाँ तेरे नाम देख के मैं बहुत इमोशनल हो गया था यार कि यार क्या बता, बुरा एक्टर नहीं है लेकिन क्या पता आजकल क्या हो रहा है। मेन बात क्या है ना कि आदमी को एक समय के बाद अपने एक्सटेंड समझ जाने चाहिए कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरी लिमिट क्या है। क्योंकि एक उम्र के बाद उम्र घटती है फिर बढ़ती नहीं। जैसे कि तुमने वो डेव बटिस्टा का ट्वीट हाल फिलहाल में सुना होगा कि किसी ने पूछा था कि शायद कब तक क्या रिलीज हो रही है, कब तक क्या मर जाएंगे। हाँ, क्योंकि लोगों उसी के हिसाब से कलर में आया था ना गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के, तो क्या आप मर जाएंगे। तो डेव बटिस्टा ने कहा था पोटेंशियली कि वो अब गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के बाद ये रोल और आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि जब 2023 में निकलेगी तो वो 53 या 54 के रहेंगे। उन्होंने ट्वीट में ही बोला कि इस उम्र के बाद सब कुछ झूलने लगेगा, ठीक है। वो क्लियरली बोला भी कि शर्टलेस सीन प्रॉब्लम भी है। हाँ, प्रॉब्लम है ट्रैक्स के कैरेक्टर के लिए। हाँ, अब इसी भाई वो ऐसा कैरेक्टर वाला एक्टर समझ रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, उसी मतलब उस एज के हिसाब से उस तरह का रोल लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाई अपने ही करियर को हार्म पहुंचेगा, दूसरे को नहीं पहुंचेगा। वो पैसे के लिए मर थोड़ी ना रहा है कि जिंदगी में खाने के लिए मरेगा। वही मतलब एक एज के बाद एक्टर को उसी मतलब उसी कैटेगरी में रोल लेना चाहिए कि भाई हाँ मेरे एज के हिसाब से मैं हीरो नहीं बन सकता, मैं स्कूल का स्टूडेंट नहीं बन सकता वैसा। अब जिस एज का एक्टर है उस एज की माँ है, बेटी की एज की हीरोइन है, यही तो हो रहा है। मतलब क्यों, क्या समझ नहीं आता है कि जरूरत ही क्या, समझना चाहिए जरूरत है। वही सही बात बताया कि भाई भाई है, मना कौन करेगा। हाँ, ठीक है, कौन रिटेक देगा, कौन भाई गुस्सा आ गया तो डायरेक्टर चेंज हो जाएगा मूवी का। और वो भी किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं यार, वो मतलब कि रेमो डिसूजा, प्रभु देवा, आई थिंक यार वो ठीक बना रहे थे 5-10 साल पहले, सही पिक्चर बनाते थे। मैंने उनकी रावड़ी राठौर भी देखी है और ट्रिपल आर 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 राजकुमार भी देखी है, ठीक है। पिक्चर एक मसाला एंटरटेनमेंट देती है, लेकिन उस समय की कॉमर्शियल पिक्चर थी। आज के टाइम में इंडिया में वैसा नहीं चलेगा, नहीं चलता, वैसा नहीं चलेगा। देख मैं जान रहा हूँ ना कि कुछ महीने पहले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का इतना क्रेज था, कुछ भी मैं बना के डाल दू माइंडलेसली सोच के, उसपे अच्छे खासे लोग उसपे व्यूज आते थे। उसका कैंपेन, उसका पीआर बहुत अच्छे से किया गया था, बहुत तगड़ा है वो। मेरे को ना गॉडजिला कॉन्ग का पीआर देखकर एकदम डायरेक्ट आया याद सिविल वॉर। हाँ,
मेन बात क्या है ना, पिक्चर पिक्चर में बना दिया उन्होंने कि पिक्चर में गॉडजिला में वो पिक्चर सही था भाई, सही था। और उन्होंने जो मार्केटिंग किया ना कि टीम गॉडजिला टीम कॉन्ग किसके तरफ हो, फैंस आपस में लड़ रहे हैं, पूरा ट्विटर पे वॉर चल रहा है, एकदम मेरे को सिविल वॉर का याद है कि भाई उस टाइम भी ऐसी ही मार्केटिंग किया गया था कि टीम आयरन मैन टीम कैप्टन किसके तरफ हो। तो मार्केटिंग बहुत सही होता है, और सही चीज का मार्केटिंग होता है तो चल जाता है। वही ना, उन्होंने बिल्डअप ठीक कराया ना, गॉडजिला को लोग जान रहे थे, किंग कॉन्ग को लोग 2005 से जान रहे हैं, पीटर जैक्सन की पिक्चर, तो किंग कॉन्ग भी कोई पुराना नहीं है, भले उसके रीबूट करके आया लेकिन कि बंदर को जानते हैं, एक बड़ा सा बंदर है, किंग कॉन्ग को सब जानते हैं, 2005 की जो किंग कॉन्ग आई थी उसके बाद से सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो दोनों तरफ से फैन हैं उसके तरफ। और उसका जो बताया यार कसम से, लेकिन गजब एक्सपीरियंस था। देखो हॉलीवुड की कॉमर्शियल पिक्चर यह होती है, ठीक है, और इंडिया की मजा आया था मूवी देखने में, मजा आया था वो मूवी देखने में, मजा आया था, भले थोड़ा सा अजीब लगा बीच बीच में, फिर लगा कि नहीं कुछ सेंस नहीं बनता है ज्यादा कुछ, हाँ, उसका कोई भी सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक्साइटेड फील करता हाँ। कि मेन बात क्या था ना, हम बंदर और छिपकली को लड़ते हुए देखने आए थे, वही देखा वही देखा, और जो एक्सपेक्टेशन था कि भाई मेरे को मारपीट देखना है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि तुम इमोशन फील कर पा रहे थे दोनों कैरेक्टर का, वो बहुत हार्ड होता है, जैसे जानवर वाली मूवी बनाओगे इमोशन फील करना, कि तुम गॉडजिला जैसे कैरेक्टर का इमोशन फील कर पाते हो बिना डायलॉग बोले कि वो क्या सोच रहा है, वो भी यार वो जो लड़की है जो बोल नहीं सकती है, वो कसम से वो बहुत जोरदार एक्टर की एक्टिंग की, शायद आई थिंक सच में वैसी है। हाँ नहीं, एक क्या हुआ ना, क्या उसका इंटरव्यू आया गॉडजिला कॉन्ग रिलीज होने के बाद यूट्यूब पे ही, और मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, मैं मुझे पता नहीं था उस टाइम तक, मैंने वीडियो प्ले किया, मैं वॉल्यूम बढ़ाते जा रहा हूँ, आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही, फिर बाद में फिर रियलाइज हुआ, अरे बाप रे बाप यार ये सच में मेरे को पता नहीं था, लेकिन यार कसम से बहुत जोरदार काम किया लड़की ने, वही सोचो बिना बोले एक्सप्रेशन से सिर्फ सब कुछ डिस्प्ले कराना ये आसान नहीं होता में भी तो है, इटर्नल्स में भी तो एक कैरेक्टर है जो बोल नहीं सकती है, ऐसा क्या जो तेज दौड़ लेती है, शायद मैकरी नाम है इसका, मेरे को याद नहीं, अच्छा, जो तेज दौड़ सच में नहीं बोल सकती या कैरेक्टर उसकी नहीं बोल सकती, नहीं वो सच में ही नहीं बोल सकती है, तो भाई कैरेक्टर पिक्चर में कैसे बोलेगा, क्या बात कर रहा हूँ, ये शमिताभ नहीं चल रहा है, सुपर पावर्स नहीं पता था मेरे को, नहीं पता था इसके बारे में, नहीं नहीं उसका भी इंटरव्यू फिर मैंने देखा कि सब बोल रहे हैं, फिर वही नहीं बोली, तब पता चला कि हाँ सच में नहीं बोल सकती, क्योंकि कैरेक्टर मैंने जान रहा था कि नहीं बोल सकती, होता है ना कि मैं कैरेक्टर के बारे में, इटर्नल्स के कैरेक्टर के बारे में उतना डिटेल में पढ़ा ही नहीं वो मैंने विकिपीडिया ही देखा था, देखो मेरे को इंटरेस्ट इटर्नल्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्या पता जब से, बिल्कुल मेरे को भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट लाइक द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझको कॉमिक बुक्स देखना कुछ पसंद नहीं है, मुझको मूवी तक ही अच्छा लगता है, ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा, बट ऐसा लग रहा है कि स्टोरी गेस कर लिया, वैसा लग रहा है मेरे को, अब कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देंगे मूवी में, तब जब वही बात है ना कि आज के टाइम पे जहां अमेज़न स्टूडियोज और नेटफ्लिक्स वाले सब एकदम आर रेटेड के नाम पे पूरा चाप दिए हैं, अब ये लोग PG-13 के नाम पर क्या नया दिखा सकते हैं, हाँ देखो क्या अनएक्सपेक्टेड करते हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर नॉर्मल स्टोरी गेस किया जाए तो बस पूरा एमसीयू का हिस्ट्री पास्ट से लेके कि ह्यूमन इवोल्यूशन से लेकर अभी तक करंट टाइम में लाके पटक देंगे, और जहां तक यही स्टोरी है इसकी, पहला ही पार्ट है, तो बेसिक सी कहानी यही है कि फैमिली जो है सब एक साथ होगी, फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो कि हैरिंगटन वाला वो एक ह्यूमन वॉरियर है, उसको प्यार मोहब्बत को लेकर कुछ प्रॉब्लम होगी, फिर इन दी एंड सब साथ में हो जाएंगे, वही अब बस एक ही क्वेश्चन के लिए सब मूवी देखने वाले हैं कि इसके अंदर होगा क्या, नहीं एक इन्फिनिटी वॉर में क्यों नहीं है भाई तुम लोग, बस यही जानना है सबको, जैसे कैप्टन मार्वल के लिए देख लिए थे कि कहां गए थे, मैं फिर बोलूंगा भाई मेरे को गाली पड़ेगा, पिछले बार भी लगता है कहीं बोला था कमेंट में आके से बोल रहे थे कि भाई तू कैप्टन मार्वल को ऐसे बोल रहा है, ब्री लार्सन को ऐसे बोल रहा है, ऑस्कर जीती भाई, मेरे को नहीं पसंद है कास्टिंग उसकी, मेरे को नहीं पसंद आता है, क्या पता नहीं पसंद आया, बस देख मेन बात क्या, मैं पोटेंशियल उस कैरेक्टर में देखता हूँ, मेरे को एक्टर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है,
लेकिन जिस तरीके से वो कहानी लिखी गई है वह बहुत बेकार लगता है। याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था, सोचो ऐसा सही था। मेरे को सच लिटरली बस ये याद है कि एमसीयू की सबसे बुरी पिक्चर है, मैं ये बता रहा हूँ। मेरे को बस एक ही सीन याद है टेजरेक्ट वाला, कि लास्ट में बिल्ली टेजरेक्ट निकालती है, बस और कुछ नहीं याद है मूवी में उतना, क्या पता। मजाक ये बता एमसीयू का ये मजाक वाला ना बहुत खराब लगने लगा है, जैसे कि उन्होंने मैंडरिन के साथ मजाक किया, फिर निक फ्यूरी की आंख के साथ मजाक किया, फिर वांडा विजन में क्विक सिल्वर के साथ मजाक कर दिया। ये बहुत गंदा था, वो बहुत गंदा था, वही ना इतना, मतलब क्या क्या नई थ्योरी बन गई। एक्सपेक्टेशन ऐसे बढ़ा के होता ना, ऐसे छत से ढकेल दो, तो ऐसा काम या था कि भाई ऐसा लगा कि हाँ फाइनली कुछ तो एक्समैन का कनेक्ट होने वाला कुछ है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ नहीं तो फिर क्या एंडिंग में राल्फ बोनर नाम है, बस वही खत्म, बस खत्म उसके बाद और कुछ नहीं। क्या पता क्या इन लोग पता क्या क्या पता क्या सोचा सोचो था? सोचो यह आइडिया उन लोग को ना, ये बोर्ड मीटिंग में बैठ के आया होगा, मीटिंग में बैठ के लिखते हैं ना कहानी, पहले इनिशियल की पॉइंट्स बनाते हैं क्या क्या हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट में, सब डिस्कस करेंगे, चार पांच राइटर आजकल तो चार पांच राइटर बैठते हैं, चूतिया काट देंगे। चलो सही था एक तरह से, फिर भी मानो तो सही था। वांडा विजन मेरे को क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही लगा कि हाँ यूनिक था। हाँ नहीं आज की जो जनरेशन है थोड़ा छोटा किया जा सकता था, 6 एपिसोड में रहता तो बेटर। मैं बताऊँ ना, अगर शुरू के 2 या 3 एपिसोड नहीं, 3 एपिसोड नहीं भी देखोगे तो भी तुमको कहानी समझ में आ जाएगी। हाँ 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 हाँ, क्योंकि बस सबका एंडिंग देख लो, लास्ट का 10 मिनट देख लो, लास्ट का 10 मिनट देख लो पहले के स्टार्टिंग एपिसोड का, और फिर उनको थोड़ा छोटा रखते तो बेटर रहता, लेकिन एक्सपेरिमेंटल था। वही ना आज की जनरेशन वो पुराने वाले सिटकॉम्स के बारे में नहीं जान रही थी कि भाई कैसा किस तरीके से, इंडिया में तो ऐसे भी नहीं जान रहा था कि उधर का क्या फॉर्मेट था, इधर तो भाई अलग चलता था, इधर भाई देख और क्या क्या चलता था, इधर तो दूसरे ही टाइप से अपना सिटकॉम्स बना करते थे। हाँ तो इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इंडिया के लोग। कुछ लोगों को बुरा भी लगा पहले 2 एपिसोड देख के, और पहले 2 एपिसोड देखने के बाद ही बहुत लोग छोड़ चुके हैं, आगे बढ़े ही नहीं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। और ये मुझे किसी भी कहानी से ये बात इसी में बुरी लगती है ना, कि जब आप बता देते हो कहानी आगे बढ़ाने वाले हो और आप बस उसी में फंसा के रख देते हो, कुछ हुआ नहीं। हमारी एक ठो काल्पनिक दुनिया थी, हम उसी में खेल रहे थे, कहानी बिल्कुल आगे बढ़ी नहीं एक्चुअल वर्ल्ड की कहानी। आई थिंक ये पूरा फोकस किया गया था ना वांडा विजन का शो, सिर्फ क्या नाम है इसका, एलिजाबेथ ऑल्सन के कैरेक्टर को थोड़ा सा बिल्ड अप करने के लिए पूरा शो, बस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए, डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, बस उसके लिए बिल्ड अप किया गया इसका, बस एक तरह से कह सकते हो ना पूरा ओरिजिन दिखाया गया, थोड़ा और पावर्स दिया गया, बस और कोई पॉइंट नहीं था वांडा विजन का। सोचो सीरीज का बजट 250 मिलियन था, पैसे पूरे लगाते, तुम खा गए कि कहाँ डाल दिए पैसे भाई, सिटकॉम बनाने में कितने मिलियन फूक जाते हैं। और सब में लोकी वोकी का भी वैसे ही है बजट। अरे हाँ लोकी का 200 मिलियन मैं चेक कर रहा हूँ, 200 मिलियन, और मैं ख्याल से लोकी वो बेहतर होगी क्योंकि वो लोकी का कॉन्सेप्ट स्पेस ऑपरा तक जा रहा है ना, स्पेस तक जा रहा है पूरा। उसमें तो बहुत ज्यादा, मैं तो देख के ट्रेलर देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रेजी व्रेजी हो जाएगा, अलग अलग प्लैनेट्स भी खत्म हो रहे हैं, और खत्म हो रहा है तो फिर वो शायद लेडी लोकी से बात भी कर रहा है। क्या पता उसमें क्या चल रहा है, तुम गेस नहीं कर सकते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब क्या गया, क्या प्रॉब्लम आ गई। वांडा विजन का देख के, कास्ट लिस्ट देख के पता चल गया था कि हाँ ये हो सकता है, हाइप थोड़ा क्रिएट हो गया मेफिस्टो के चलते, मेफिस्टो आ रहा, मेफिस्टो हो रहा, और मुझे लगता है कि मार्वल वालों को ये पता था कि मेफिस्टो का हाइप चल रहा है, उन्होंने बीच बीच में ईस्टर एग्स घुसा दिए, लो भाई फैन थ्योरीज बनाओ। अब वो मार्वल खेला जान गया है, ट्रेलर गलत सलत रिलीज करता है, ठीक है, आदमी को ट्रेलर में कुछ ऐड करके एक्स्ट्रा सीन डाल देते हैं लोग कहानी। पूरा यही ना, अभी देखो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के टाइम पे एक थ्योरी आई थी, उससे रिलेटेड मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि जो शुरू में जो वैक्सीन
नहीं दिखाते ट्रक से चोरी कर रहे हैं क्या ले जा रहे हैं. एक्चुअली में उस वैक्सीन का कंक्लूजन कहीं निकलता नहीं है पूरी सीरीज में. चुराए ही क्यों उन्होंने वैक्सीन वो वैक्सीन भी इतनी मात्रा में. मेरे को कार्ली की जो कैरेक्टर थी कुछ समझ में नहीं आया क्यों थी वो. इम्पैक्टफुल ही नहीं लगी मेरे को. बस स्टोरी रिवॉल्व जो हुआ फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का, तुम गौर से देखोगे कार्ली सेंटर पॉइंट होनी चाहिए सब कुछ की, मतलब कि सब कुछ उसके अराउंड हो रहा था, सब कुछ उसी के चलते हो रहा था. बट फिर भी पूरा शो देखने के टाइम तुम ध्यान ही नहीं देते हो कार्ली के कैरेक्टर के तरफ. बहुत वीक कैरेक्टर था. मेन मुझे को लगता है ना कि इन्होंने कहानी चेंज की जो पोस्ट पैंडेमिक के बाद, जो ना 2020 वाले के बाद, क्योंकि ये कहानी एक्चुअल मेरे को लगता है ना इन्होंने इतनी ज्यादा रियल लिख दी थी. मतलब कि आपने होने से पहले ही कहानी बना के पिक्चर बना दी पूरी. फिर तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कॉर्पोरेट्स को सब पता होता है ये लोग क्या है क्या नहीं है. ये इन्होंने इसीलिए इस कहानी को चूज किया कि इन्हें पता था कि ये हाइप बनने वाली है, ये चलेगा. हो सकता है, हो सकता है पॉइंट से, इसीलिए थोड़ा सा स्टोरी लाइन को थोड़ा दबाया गया. क्योंकि और एक्चुअली में जो वो क्या कहते हैं जो कार्ली की जिसको वो मामा डोनिया बोलती है, वो जो मरी मर के पड़ी हुई एक्ट्रेस, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है. अच्छा, बहुत बड़ी शायद. और उसका कुछ नहीं पता है उसमें रोल. बता रहे थे लोग रोल था, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, गोल्डन ग्लोब्स तक का ऐसा कुछ अवार्ड अवार्ड बहुत अच्छा। बड़ा मिला हुआ. और सोचो वो उसको अच्छा। तुम खाली लाश बनाने के लिए लिए हो पिक्चर, किसी को भी उठा मुझको बुला लिए होते. मैं स्कर्ट पहन के लेट गया था. बहुत सारा सीन कट किया गया है इसीलिए वो कैरेक्टर थोड़ा वीक हो गया. वही बात है ना. इसलिए मैं पूरा सीरीज देखा, मैं उसके बाद ट्वीट भी किया था कि मेरे को फील नहीं आया इस कैरेक्टर का, मतलब कुछ खोया खोया सा लगा कि हाँ मतलब क्या क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा. बस भाई फाल्कन है, बकी है, और वो क्या नाम था उसका, अरे यार यूएस एजेंट है. हाँ, यूएस बस एजेंट. इसी तीन के अराउंड चल रहा है. एक्चुअली मैं ना देखो मेरे को उस एक्शन एक्शन सीक्वेंस की वजह से वो थोड़ा सीरीज और बेहतर हो सकती थी. अगर एक्चुअली में अगर मेरे को भी रेक्टिफाई करना होता. आवाज ज्यादा तेज नहीं ना रही है पंखे की? नहीं 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 परफेक्ट है. नहीं नहीं चलो ठीक है. मैं बोला था उस सीन को अगर मेरे को ही रेक्टिफाई करना होता तो जहाँ पे फाल्कन शायद गाड़ी को पकड़ के ऊपर धकेल रहा होता है बचाने के लिए, तो पिक्चर है ये सीरीज है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की, खाली फाल्कन की नहीं है. आखिरी में देखते हो कि वो स्पीच दे रहा होता है तो बाकी दोनों कोने में खड़े रहते. अरे लेके आओ ना भाई यार, कोई किसी को नहीं तो यार विंटर सोल्जर को लेके आओ. सीरीज दोनों के ऊपर है. विंटर सोल्जर को साइड कैरेक्टर बना के छोड़ दिया. साइड में खड़ा क्यों किए हुए हो? दोनों है तो दोनों के साथ में लाओ, दोनों के इंक्लूड करो. लेकिन अभी किसी राइटर ने बोला है कि अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है विंटर सोल्जर के कैरेक्टर को. हाँ नहीं वो पढ़ा था कि वो गवर्नमेंट का वैसे कुछ देखता होता है ना, तो अच्छा काफी अच्छा दिखा सकते हैं उसे. हाँ उसका बोला है वही कि अभी जो कैरेक्टर है वो पहले से भी बहुत ज्यादा फ्री है. पहले से मतलब होता है ना एक तरह से वो बंधा हुआ कैरेक्टर था स्टार्टिंग से, अब पूरा अच्छे से ओपन अप हो गया है. उसके पास एक प्रॉपर फैमिली है, मतलब एंडिंग में तो दिखाई था कि वो बकी बकी कह रहा फाल्कन के सैम के फैमिली के साथ है इन्वॉल्व, सब रहेंगे वैसा टाइप का. तो उसको एक कम्युनिटी भी मिल गया है पूरा मिलने जुलने का, तो अब वो उसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. और देखो लेट सी क्या होता है उसका. नहीं वही बोल रहा था कि एक्शन सीक्वेंस गाड़ी बचाने वाला, अगर तीनों मिल के गाड़ी बचाया होता है, क्योंकि यूएस एजेंट भी चेंज हो गया था उस मोमेंट उसका कैरेक्टर, और फाल्कन विंटर सोल्जर और यूएस एजेंट तीनों मिल के अगर उस कार को बचा रहे होते तो वो सीन मैं सोचा और भी अच्छा आइकॉनिक हो सकता था. हाँ हो सकता था सही, लेकिन खैर उन्होंने जो सोचा अपना किया. हाँ ये मतलब सारा जो सीरीज चल रहा है डिज्नी प्लस वाला, मेरे को लग रहा है बस सारे कैरेक्टर्स को सेटअप कर किया जा रहा है, बस सेटअप किया जा रहा है, कुछ नहीं किया मतलब कुछ मतलब ज्यादा नहीं निकल रहा है अभी. हाँ मतलब एवरेज स्टोरी के साथ सेटअप किया जा रहा है बड़े मूवी के लिए. जैसे इसके बाद अनाउंस कर दिया कैप्टन अमेरिका 4 बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर वांडा विजन के बाद भाई एंडिंग में दिखा दिया एस्ट्रल प्रोजेक्शन में कि भाई अब तो सब वेट कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का,
अब देखो, वो अब भी ना लोकी के मेरे बाद को देखो क्या करते हैं। लोकी का उम्मीद तो है, उम्मीद ही कर सकते लोकी हैं का और क्या कर सोल, लोकी को मूवी देना चाहिए था सकते यार, हाँ यार मूवी उसको देना दे देना, चाहिए था उसको मूवी देना चाहिए था। उसको मूवी देना चाहिए था। हाँ चलो इसको देखते हैं क्या करता है। चलो जैसे भी उन्होंने दिया, वो भी हाँ ब्लैक वीडो के साथ भी मेरे को ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि उसकी भी ब्लैक कहानी विडो, ब्लैक एमसीयू को आगे विडो नहीं बढ़ाएगी। हाँ ये क्योंकि तो वो हाँ आगे प्रीक्वल ही की है, स्टोरी है ही नहीं, वो तो वो प्रीक्वल प्रीक्वल है, है। आगे हाँ स्टोरी नहीं बढ़ने वाली। हाँ तो फार फ्रॉम होम के बाद स्टोरी आई थिंक अब डायरेक्ट स्पाइडरमैन नो वे होम इसी साल आ रही ना शायद, वो अभी कब आ इटर्नल्स रही? पहले आएगी नवंबर में, अच्छा तो इटर्नल्स आ रही। हाँ इटर्नल्स भी वो इटर्नल्स है। अपना एकदम पूरा एग्जिस्टेंस से लेकर फेज 3 तक की कहानी हाँ दिखाएंगे। हाँ फेज फोर वो, वही डेवियंट वाली उनकी प्रॉब्लम होगी, खानदानी एंशिएंट और प्रॉब्लम उसके वाला, बाद हाँ डेविएंट उसके के बाद में भी बाद वो ना सीक्रेट प्रॉब्लम। इन्वेजन हाँ सेटअप कर लें, फिर मे बी उसके सीक्रेट वही इन्वेजन या ना, फिर कुछ सेटअप करें। इटर्नल्स अगर अपनी खानदानी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे तब ना एमसीयू की कहानी की ओर बढ़ेंगे आगे, वरना बाकी आगे क्या हो। वो तो पूरा एक एरा दिखाया जाएगा इटर्नल्स हाँ का। इटर्नल्स को बस स्टैब्लिश किया जा रहा है एमसीयू में कि हाँ ये भी है मेरे पास, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा एमसीयू में उनका इम्पैक्ट अभी दिखाया देख जाएगा वही ना, ये गार्डन्स ऑफ द याद। गैलेक्सी जैसा ही रिस्क है। हाँ, हाँ किसी वो को रिस्क कुछ ले रहे पता हैं नहीं था कि क्या है। वो। फिर आउट ऑफ नोवेयर अगर चल गया, हाँ चल गया तो एकदम प्रॉपर पूरा सेटअप कर दिया जाएगा, बिल्डअप कर जाएगा, भाई इटर्नल्स ही सब कुछ है, इटर्नल्स ही है, इटर्नल्स वो हाँ है। उनसे नहीं पावरफुल चला कोई नहीं है, क्या है तो क्या नहीं है धीरे से उसमें। साइड कर देंगे मार्वल वाले, वही होता है हर जैसे बार होता इंक्रेडिबल है। हल्क को कर दिए थे हाँ, गायब, वही काम खत्म। होता ही। तुम इन ह्यूमंस की पूरी सीरीज बोला उन्होंने, पहले बोला कि एमसीयू में मूवी बनाएंगे, फिर सीरीज बनाया, अब मानते ही नहीं है वो लोग कि वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। हाँ कैनन में है उनके ना। हाँ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्टिंग ही नहीं है, तो फिर कहां से होगा। मेरे को अरे लग रहा है कि उनका इटर्नल्स के बजट देखे साथ यार, मैं ट्रेलर देखा है, मैं इच्छा खत्म हो गई थी यार। इन ह्यूमंस और बजट के चांद पे, ये चांद पे रहते अरे उनका हैं। वही है वो सेट, वो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर सेटअप करते हैं कि हाँ चल गया तो सही है, नहीं तो धीरे से निकल जाओ साइड में। नहीं बहुत सारा वो भी है ना स्टोरी अब लाइन भी है, शैरन कार्टर और इसका स्टोरी हम। लाइन है, कैप्टन अमेरिका का स्टोरी लाइन है, हाँ स्टीव रॉजर्स का। उनको मेरे ख्याल से अजीब ना, स्टोरी लाइन नहीं है, बीच में क्या हाँ होने लगा था, क्या होने लगा था, और अचानक से फिर क्या हो गया भाई, अचानक से एंड गेम होते होते भाई भूल गया शैरन कार्टर को, चला गया पास में पेगी कार्टर के पास, क्या हो गया। अगर सोचा तो बहुत ज्यादा इलॉजिकल हो जाता है, लेकिन वही है कि ये भी देना पड़ेगा एडवांटेज कि ये स्टोरी वही एक बात बार है में ना नहीं कि लिखी जो जाती है। फैंस होते हैं ना कभी कभी बहुत ही, जो फैंस भी बहुत चूतिए सवाल पूछ देते हैं, ठीक है, इनका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है जब मान लो जस्ट लाइक शैरन कार्टर नहीं भी आई होती तो बस एक सवाल रहता कि कहाँ है वो, बस हाँ उतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, बस आई दिख जो। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आए कुछ और गए और आज तक नहीं दिखे। पता नहीं है, अब हर एक कैरेक्टर मैटर थोड़ी ना करता है कि आपको उसका जवाब देना नहीं ही हर जरूर है। जगह कहाँ है कहाँ नहीं है, मे बी इन फ्यूचर यूज करे, मे बी यूज ही नहीं हाँ करे, और नहीं क्या। पसंद आया। जैसे शायद स्टीव और शैरन का जो कैरेक्टर था दोनों में चल रहा था वो हाँ पसंद नहीं आया था फैंस को, ना तो फैन मार्वल ने सुना कि चलो ठीक है चेंज कर दिया है, क्या हाँ दिक्कत और क्या। है। जॉश वीडन ने भी अपना भाई ब्रूस और ब्लैक विडो का चला दिया, नहीं पसंद आया फैंस को, चलो हटाओ क्या हाँ कर नहीं सकते फिर हो। भी है जो है कि अभी वो सुना जॉश वेडन से याद आया जैक स्नाइडर, ठीक जैक स्नाइडर है। अरे उन दोनों का नाम ना जन्मों पूरा जन्म में बंधन बंध गया है, जब उसका नाम जैक आएगा तब स्नाइडर तो उसका। अब खुल के बोल रहा है भाई, हाँ डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, उसका पूरा बोले हुए। वो नहीं देखा कि लेट नाइट शो वाला सक यू वार्नर ब्रदर्स, सकेट, हाँ सकेट वार्नर ब्रदर्स बोला है, खुद बोला जैक स्नाइडर ना भाई, जैक कहता स्नाइडर बोला कि भाई बहुत कुछ, अभी आज ही आया है। एक अपडेट आया था कि वार्नर ब्रदर्स वाले को टाइम ट्रेवल का सीन समझ में नहीं आया था फ्लैश का, ठीक है सीन कटवा दिया इसलिए। सोचो अब मैं पता नहीं कौन चूतिया आदमी बैठा है उनका, जो कट उट करता है कि क्या, कौन तय करता है कि सीन में कट कट होगा क्या होगा। अगर भाई तुम्हें सीन चाहिए कि कट, पिक्चर 2 घंटे की बने, ठीक है, दिन में 8 शो चले और ज्यादा टिकट बिके, पैसा कमाओ, तो अपने स्क्रीन प्ले राइटर से कहो कि पिक्चर 2 घंटे के हाँ लिए 60 पन्नों की लिखो। जैक स्नाइडर हाँ ने उसी स्क्रीन प्ले नहीं अकॉर्डिंग लिखा में बनाओ था, ना,
क्रिस टेरियो ने उसी के स्क्रीन प्ले लिखा था, तो क्रिस टेरियो को कहना चाहिए था, और क्या 60 पन्ने के लिखो, क्या जरूरत है 100-120 पन्ने के लिखने की, जबरदस्त अच्छा स्टोरी था। स्नाइडर कट देखने के बाद डिफरेंस लगा कि भाई बिल्डअप जो अच्छे से किया है। मैं बता रहा हूँ, मैं दो ही बार में बैठा हूँ, लेकिन मेरे जैसे कि एक बार बैठा 2 घंटे हो गया, फिर मेरे को कुछ काम था, फिर मैं हो गया एक बार में देखा था, लेकिन मेरे को कुछ फील नहीं हुआ कि यार पिक्चर कहीं भी बोर कर रही है कि क्या है क्या नहीं। मैं 4 घंटे लगातार देखा, मैं बोर नहीं हुआ। वैसा इतना सही मूवी बनाया है, सही डायरेक्शन है। और ये मैं बता रहा हूँ कि अगर जैक स्नाइडर के पिक्चर में भले ही उनकी पिक्चर थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक ना, ज़ॉम्बी ऑफ द डेड कैसी है मैं तो नहीं देख पाया। आर्मी ऑफ द डेड मैं बता रहा हूँ कि ना थोड़ी लंबी लगती है। हाँ, आर्मी ऑफ द डेड, सॉरी, वो थोड़ी लंबी लगती है, ठीक ना, 2 घंटे 30-40 मिनट ऐसे है, 45 मिनट जो भी है, लेकिन थोड़ी लंबी लगती है 10-15 मिनट के लिए, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाता है कि हाँ हर एक कैरेक्टर के लिए पिक्चर में जगह है, तुम्हें हर एक कैरेक्टर समझ में आएगा। अच्छा, मतलब जैसा जैक स्नाइडर का स्टाइल है, मतलब किसी को छोड़ा नहीं है, किसी कैरेक्टर को छोड़ा नहीं, बीच में साइड ही छोटे कैरेक्टर भी जो टीम में है, जो लोग एकदम सोचते हैं कि अरे अभी आएगा 5 मिनट स्लो मोशन होगा, वैसे ही हाँ होता ना कि अरे ये भी ऐसे बहुत चूतिया कैरेक्टर है, इसे 5 मिनट में मार के खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं किया, उसको भी उन्होंने अच्छा तरीके से डिफाइन कर दिया। अगर मारना भी है तो भाई अच्छे से बिल्डअप करके मारो। हाँ, अरे मारे मारे गजब मारे कसम से, तुम देखो, देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा, देखूंगा। तो एक सीन, पता नहीं, स्पॉइल नहीं करूंगा मैं तुम्हें, एक सीन आता है जहां पे लड़की लड़ रही होती है, उम्मीद खत्म हो जाती है यार, बस अब नहीं बच पाओगी, बिल्कुल नहीं बच पाओगी, लेकिन फिर भी क्यों इतना लड़ती जा रही हो तुम, क्यों लड़ती, अरे यार इधर उधर 10 लोग पकड़ लिए हैं सारे ज़ॉम्बी, लेकिन फिर भी हिम्मत हारे नहीं हुई है, लड़ते जा रही है, लड़ते जा रही है, और सब बाहर है। गजब था, सही रहता है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था ना कि अरे सही रहता है जैक स्नाइडर का मूवी। जैक स्नाइडर का कोई भी मूवी देखना है ना, सारी मूवी तो ये भी कितने लेंथ कितना लंबा होगा, अरे हाँ नहीं, थोड़ी सी मैं बताऊं ना कि 10-15 मिनट काटा जा सकता था, इसी बात नहीं थी। हाँ, वो रहता है, वो रहता है, लेकिन मूवी देखने के बाद एपिक वाली फीलिंग आती है। हाँ, नहीं, कि भाई एपिक मूवी, मैं बताऊं ना, इस उन्होंने कहानी, जैसे बोलते हैं ना विजनरी डायरेक्टर, आगे की सोच है उन्होंने इस कहानी को लेकर, आगे की सोचा है, पिक्चर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कि आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, तुम खुद ही देखो कि तुमको इतनी सारी चला ही है ना, अच्छा खासा चला है मूवी। हाँ, होप किया जा और शायद नेटफ्लिक्स वालों ने पार्ट 2 और 3 के लिए भी ऐसे कुछ कह दिया है बनाने के लिए। नेटफ्लिक्स वाले सही है, बताओ पिक्चर रिलीज होने से पहले पिक्चर रिलीज होने से पहले इसका प्रीक्वल भी बन गया, डायरेक्ट भी हो गया, बस रिलीज करना है पिक्चर बनने से पहले। सही, और वो जैक स्नाइडर का ही है क्या डायरेक्शन? नहीं, वो पिक्चर का एक्टर ही है, जो लीड एक्टर है वही डायरेक्ट कर रहा है। सो जो पिक्चर बनने से पहले कोई स्टूडियो ग्रीन लाइट कर दे कि कॉन्फिडेंस, इसका सीक्वल नहीं प्रीक्वल बनाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। हां, वार्नर ब्रदर्स से, वार्नर ब्रदर्स में क्या पता क्या चलता है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। मूवी के डायरेक्टर वायरेक्टर नहीं, कंटेंट क्रिएटर हम लोग जैसे, आप लोग जैसे, सब सब सबका बुरा हाल है भाई, कुछ भी करो। मैं तंग आ गया हूँ, सही में, मैं लिटरली बोलता हूँ वार्नर ब्रदर्स से मैं तंग आ चुका हूँ। मेरे को मन करता है वीडियो बनाने का, मैंने डीसी पे सब यही कंप्लेन रहता है सबका कि भाई डीसी नट डीसी का वीडियो नहीं बनाता। हाँ, हाँ। फिर कमेंट आएगा, एक सबसे इन लोग का नया वर्ड है मार्वल टार्ड। हाँ हाँ, मार्वल टार्ड। मेरे को समझ में नहीं आता, मैं डीसी पे वीडियो, मैं बहुत सही से वीडियो बनाया हूँ, मतलब डीसी पे जितना वीडियो बनाऊ ना, मैं प्रॉपर रिसर्च करके बनाया, और जितने भी वीडियोस बनाया हूँ सब पे कॉपीराइट है वार्नर ब्रदर्स का। अरे इधर एक प्रॉब्लम क्या आ गई है ना कि भाई अगर सुपर हीरो मूवीज या किसी की बात कर रहे हो, तो जब इतने वॉल्यूम में आप बात कर रहे हो, तो किसी वीडियो में कुछ अच्छा बात करोगे, किसी वीडियो में कुछ बुरा बात करोगे, ठीक है। और इधर ऐसा हो जाता है ना कि अगर अच्छा बात कर दिए तो भाई भक्त हो गए किसी स्टूडियो के, किसी यूनिवर्स के, और अगर बुरा और बात करने लगे तो फिर लिब्रांडो हो जाते हो। मेरा वही है ना कि भाई मूवी अच्छी लगे तो अच्छा बोलो, खराब लगे तो खराब बोलो, अपना पर्सनल फीलिंग शेयर। मेरे को कैप्टन मार्वल एमसीयू की ना मूवी नहीं पसंद आई, उसमें भी गाली पड़ेगा,
अरे मैं बता रहा हूँ, मैंने जो पहली वीडियो डाली थी कैप्टन मार्वल के ऊपर, तुमने कमेंट भी किया था हमारी सोच कितनी मिलती है, जिसमें मैंने कुछ नहीं बोला था वाली वीडियो। अरे उसमें एक कमेंट मैंने देखा है कि ओ शायद लड़की के ही अकाउंट से, तो बता रहे थे कि वो सेक्सिस्ट है पीजे। अरे बाप रे बाप गया मैं, ये कब से हो गया कि कुछ मैंने बोला तक नहीं। बोलो ब्लैक विडो के फैन हो क्या यार, गजब आदमी है मतलब। वही वही मैं तो मेरे को बहुत सारी एमसीयू की मूवीज देखो, मेरे MCU की मूवीज में कैप्टन मार्वल मेरे को उतना पसंद नहीं है। एंटमैन में देखता हूँ सिर्फ वो जो कैरेक्टर है, क्या नाम है उसका, जो स्टोरी बताता है भाई, वो एपिक कैरेक्टर है वो, अच्छा वो जोरदार है। उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, क्या तो मैक्सिकन वैक्सिकन नेम है उसका, मैक्सिकन है ऐसे कुछ। हाँ तो उस कैरेक्टर के चलते मैं मूवी देखता हूँ। एंटमैन की मूवी मेरे को पसंद नहीं है, दोनों में बेसिक है, बेसिक है, बेसिक मार्वल टिपिकल मूवी, जो टिपिकल मार्वल जिसको बोलते हो वो है, वो मेरे को पसंद नहीं आई। और बहुत बहुत सारी मतलब रहता है कि हाँ ये बहुत सही मूवी थी, ये नहीं। वैसे ही डीसी में भी है, तो एंड द एंड वही आता है ना बाद में कि तुमको मूवी पसंद आ रही नहीं आ रही, स्टूडियो का बात तो आता ही नहीं है। हाँ, नहीं कि एमसीयू की है या डीसीयू की है, हाँ, वो बात आता ही नहीं है। मूवी पसंद आया कि नहीं आया, हाँ, सीधी सी बात यही होती है भाई। स्नाइडर कट पसंद आया तो आया, अब स्नाइडर कट अच्छा बोलोगे तो कोई मार्वल का फैन आके बोलेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, तू ये है तू वो है। और हाँ, कोई डीसी के फिल्म को वैसे बोलते हो तो मतलब वही है, मतलब आपस में मेरे को समझ नहीं आता किसी एक स्टूडियो के ऐसा क्या फैन होना। हाँ नहीं, वो मूवी एंजॉय करो। अभी मैंने मैंने जस्टिस लीग पे दो ही वीडियो बनाई थी स्नाइडर कट पे। हाँ, पहली वीडियो पहले मैं उसकी मीनिंग पे ऐसा कुछ बनाया था, और दूसरी वीडियो मैं ये देख के पक गया था ना कि सब इसे मास्टरपीस मास्टरपीस बोलना चालू कर दे रहे हैं। मैं बोला कि यार पिक्चर मास्टरपीस तो नहीं है, अच्छी है, मास्टरपीस नहीं है ये। मास्टरपीस उस मूवी को कहेंगे जो लाइक जनरेशन तक याद किया जाए, वही जैसे कि कुछ इम्पैक्ट डाले, जैसे कि सोशली इन्फ्लुएंस कर दे लोगों को भाई। हाँ, जैसे मास्टरपीस में मैं बोल सकता हूँ कि शॉशैंक रिडेम्पशन एक बहुत सही मूवी थी। अरे यार गजब, वो अभी तक तुम मतलब कि होता है ना कि उसके टाइम बैरियर नहीं है कि 90s की मूवी बनी हुई है, तुम आज भी देखोगे, तुम आज भी एंजॉय करोगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने वो पिक्चर अपने अंकल को दिखाई थी, आवाज आ रही है? हाँ मैंने अंकल को दिखाई थी और मैं बोला था कि आप देखिए ये बंदा ऐसे ऐसे, वो ओवरव्यू दे दिया था उन्होंने, रात के 11 बजे चालू की थी, ठीक है, और ठीक है कहते अगर ठीक लगेगी तो देखते रहेंगे, नहीं ठीक लगेगी तो एक घंटे में देख के बंद कर देंगे, सो जाएंगे अपन। लेकिन उनको इतनी अच्छी लगी वो देखते रहे रात भर, पूरा पिक्चर खत्म होने के बाद उठे। मूवी मूवी वही होता है ना, इसमें टाइम का लिमिट नहीं होना चाहिए। तुम 90s के मूवीज, 90s के मूवी को आज भी देख के एंजॉय करो, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। तुम अगर बॉलीवुड में अभी 90s का कोई भी मूवी उठाओगे तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे, जितना भी हो नहीं कर पाओगे। आई थिंक कुछ बनाए भी होंगे तो शायद हम लोग को पता नहीं हो, मे बी ऐसा कोई मूवी हो जो हम लोग को पता नहीं हो। नहीं ठीक है, आप तो देखो इधर बोलते हैं ना कि अरे क्या इंडिया में अच्छी पिक्चरें नहीं बनती, तुम सब देखते ही नहीं हो, तुम लोग की हिपोक्रेसी है क्या। मैं बोला कि ठीक है तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये देखो ना कि हॉलीवुड की कॉमर्शियल पिक्चर क्या होती है और इंडिया की कॉमर्शियल पिक्चर क्या होती है। हॉलीवुड की कॉमर्शियल पिक्चर है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, कुछ मतलब नहीं निकलता पिक्चर का लेकिन वो काफी मजे देती है फिर भी। और इंडिया की कॉमर्शियल पिक्चर है राधे, लेवल देखो इनका। तो वही यहाँ सुपर हीरो मूवी क्यों नहीं बना, यहाँ एक्टर होते ही नहीं है, यहाँ हीरो बोला जाता है। हाँ, आज इधर आज भी पिक्चर एक्टर के नाम से चलती है, स्टूडियो के नाम से नहीं चलती। वही यहाँ तो वैसा होते ही, तुमको स्टूडियो का नाम ही पता नहीं होगा। तुम कभी ऐसे देखने गए हो कि यशराज प्रोडक्शन की पिक्चर में देखने जाऊंगा? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तुम एक बार के लिए बैनर ब्रदर्स के नाम से देखने चले जाओगे। वही वो यहाँ अगर नया का यहाँ सब करते रहते हैं ना, ये बहुत होता है। मैं एक वीडियो बनाया था कि बॉलीवुड में अवेंजर्स की जैसी क्यों मूवी नहीं बन सकती, उसमें मैं डिस्कस किया था कि यहाँ की ऑडियंस डंब है। बुरा नहीं मानना, ऑडियंस डंब इसलिए है क्योंकि सब बोलेगा, अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस, उसके बाद सब बोलेगा कि भाई नेपोटिज्म नेपोटिज्म ये वो, लेकिन अगर वही प्रोड्यूसर्स
100 करोड़ लगा के नए एक्टर्स के साथ मूवी बनाने का रिस्क लें, कोई देखने नहीं जाएगा, कोई नहीं देखने जाएगा, मैं सही कोई नहीं देखने जाएगा, कोई नहीं देखने जाएगा। तो क्या होता है ना कि लगाएंगे क्यों, वो कुछ बार रिस्क लिए भी है, जैसे कि सलमान खान भी अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ रिस्क लिया, कुछ नए एक्टर्स के साथ बिग बजट एक्शन मूवीज बनाया, और शायद एक मशीन पिक्चर कोई आई थी बनाए, वो भी फ्लॉप चली गई, एक्शन पिक्चर जो कि मैंने देखी नहीं, ठीक है, लेकिन बिग बजट एक्शन पिक्चर थी, लेकिन तब भी लोग कोई देखने नहीं गए। आप नया क्या दे रहे हो, ठीक है, अभी जैसे कि होती है ना कि ट्रैप मूवी तुमने देखी है इंडिया की, नहीं देखो, वो जो 9th या 10th फ्लोर पे फंस जाता है, वो देखो, तुमने नाम सुना ना, मैं देखा भी है, मेरे को देखा भी है ना, मैं चूहा मार के खाता है, सही वेजिटेरियन होने के बावजूद भी, मतलब कि ये इसीलिए मैं उस पिक्चर को देखा कि ये क्या नया लेके आ रहे हैं, ठीक है, और अब हॉलीवुड था मूवी, मैं ट्रैप को उतना एपिक मूवी नहीं कहूंगा लेकिन सही था। जैसे कि हॉलीवुड वाले ऐसा रिस्क लेते हैं, कुछ एकदम नया करेंगे, कुछ अलग से करेंगे, और नया के नाम पे नया के नाम पे लोग जाते हैं देखने, पॉइंट ये है कि हाँ हमने कुछ नया किया तो आके देखेंगे लोग, यहाँ नहीं होता है वैसा, नया किया अरे यार इसमें हीरो कौन है, पहला क्वेश्चन ये रहेगा, हीरो एक्टर कौन है, नहीं हीरो कौन है, इसलिए अब फिर बोलोगे सुपर हीरो मूवी क्यों नहीं बनती, भाई यहाँ सारे एक्टर सुपर हीरो हैं तो क्यों बनाएंगे सुपर हीरो की अलग से मूवी, क्यों अलग बनाना। बात पे भी, इस बात पे भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि हीरो कौन है, ठीक है, हमने पिछले दो पॉडकास्ट में बात की, इज लाइक एक रिचुअल हो गया कि हर एक पॉडकास्ट में बात हो रही है। एलिजाबेथ बैंक्स ने एक टाइम पे स्टेटमेंट दिया था, शायद सुना होगा तुमने, जब उनकी 40 एंजल्स आई थी, कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मर्दों से कि औरतों की पिक्चर देखने जाया करें, ठीक है, मर्द नहीं आते हमारी पिक्चर, कौन मर्द नहीं जाते हैं भाई, एलिजाबेथ बैंक्स, ठीक है, हाँ ये स्टेटमेंट सुना मैंने, और उसके बाद फ्लॉप हुआ था मूवी, उसके बाद सब यही बोल दी कि सारे मेन के चलते फ्लॉप हुआ है, मैं उसके खराब रिव्यू के चलते फ्लॉप हुआ है। मैंने फिर बताया, मैं कभी ऐसे नहीं सर्च करता, लेकिन मैंने फिर स्टैटिस्टिक्स सर्च की, एक्चुअली में 51% औरतें पिक्चर देखी गई है 2019 में, 49% खाली मर्द पिक्चर देखने गए हैं यूएस में अलोन, वो भी 1% कम ही, और बात कर, और बात हो रही है कि मर्द पिक्चर नहीं देखने जाते, आधी जनसंख्या आप ही की नहीं देखने गई, जिनके लिए आप रिक्वेस्ट करने गए, ये इस तरह का स्टेटमेंट अजीब हो जाता है। इंडिया का तो कुछ समझ में आता है ना कि लड़कियां अपने पति के साथ जाती हैं, बॉयफ्रेंड के साथ जाती हैं, अकेले दोस्तों के साथ जाती हैं, अकेले मर्द चले जाते हैं, लड़कियां अकेले पिक्चर नहीं देखने जल्दी जाती, लेकिन बाहर का कल्चर तो समझ में आता है ना कि भाई क्या है, देखने जाते होंगे लोग, इंडिया से ज्यादा ही आजाद है उधर, ठीक है, ऑब्वियस है, लेकिन तब भी आप दोष दे रहे हैं, अरे मैं 40 एंजल्स का हद से फैन हूँ, मैं बचपन से फैन हूँ देख के, मैं लेटेस्ट वाला नहीं देखा, मेरे को ट्रेलर देख के इंटरेस्ट नहीं आया, आया ही नहीं, क्या पता क्यों नहीं, देखो 40 एंजल्स नहीं देखा भाई, ओरिजिनल देखे ही हो ना, नॉस्टैल्जिया है वो, वो ना वो अपनी क्वालिटीज का फायदा उठाती है, ठीक ना, वो जानती है कि हमारी एक्ट्रेस खूबसूरत है, उस खूबसूरती का फायदा उठाया जाए, ठीक है, क्या देखने चाहते, क्या देखना चाहते हैं लोग, वो एक्शन है, वो अडल्ट ह्यूमर है, लेकिन उसमें वो मर्दों की बजा रही होती है, ठीक है, तो भी अच्छा लगता है, ठीक है, बजाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूँ, मुझको बुरा नहीं लग रहा, तुम 10 कुमार हो, तुम 20 कुमार हो, मैं सपोर्ट हूँ, सीधी सी बात, लेकिन इस मूवी में ऐसे ही अब मेरे में यही क्वेश्चन आ रहा है कि चलो यहाँ पे फीमेल मेल को धो रही है, सब एंजॉय कर रही है, यही ऑपोजिट कर दिया जाए प्रॉपर वे में, जैसे नॉर्मल मूवी में, सुपर हीरो मूवी में नहीं, नॉर्मल मूवी में, तब तो यहाँ पे सब उछलने लगेंगे कि भाई ऐसे कैसे मार सकते हैं, ऐसे कैसे मार सकते हैं, मेरे को हंगामा हो जाएगा। मेरे को अच्छी वुमेन ओरिएंटेड मूवी लगी थी चार्लीज थेरॉन की एटॉमिक ब्लॉन्ड, वो एक नंबर पिक्चर थी यार, मतलब कि वो जॉन विक लेवल के बात कर रहे हैं उसको, अच्छा, अरे गजब की एक्ट्रेस कोरियोग्राफी की है, गजब की एक्शन वाली, थोड़ा सा मतलब जॉन विक किल बिल है, किल बिल है, फिर
किल बिल वो टैरेंटिनो का अपना अलग स्टाइल है उनका हाँ, उससे क्या उसको सब अप्रिशिएट करते हैं, कौन हेट करता है, कोई नहीं हेट करता। उसमें भी फिर कुछ बात हुई थी कि क्या है क्या नहीं, कि औरत की पिक्चर की एक औरत को डायरेक्ट करना चाहिए, कि अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं मिलती है, कि क्या है क्या नहीं। ये तो बहुत ये तो मैं बताऊं, मैं बताऊं, मेरे को देखो मैं ओपनली बताता हूँ ठीक ना। एक्चुअली में अभी शायद लोगों को बुरा भी लगेगा, एक्चुअली में औरतें बुरी पिक्चर बनाती है ठीक है। अब मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ ठीक है, क्योंकि औरतों को कम पिक्चर बनाने दिया जाता है, इसीलिए औरतें कम पिक्चर बुरी पिक्चर बनाती है। क्योंकि हाँ, अगर उतना नंबर्स के तौर पे देखोगे कंपेरेटिवली तो औरतों से ज्यादा बुरी पिक्चर मर्द बनाते हैं, नंबर्स के तौर ज्यादा पे। हाँ सारी पिक्चर मर्दों की थोड़ी ना अच्छी होती है, बहुत ज्यादा बुरी होती है, फ्लॉप होती है। मेल फीमेल आई थिंक यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता है अगर आप अगर क्वांटिटी दोगे बनाने के लिए उन्हें ठीक है, क्वांटिटी में दोगे, जैसे मार्वल क्या है ना, क्वांटिटी में पिक्चर बना रहा है बहुत ज्यादा, हर जो सीरीज आ रही वेब सीरीज आ रही है सब कुछ आ रहा है। अब उसमें कुछ अच्छी चलेगी कुछ बुरी चलेगी, ऐसी बात नहीं है। और तो अच्छी को लोग याद रखते हैं, बुरी को वो खुद ही साइड कर देता है कि आप भूल जाइए इसको। वो तो स्टोरी लाइन की साइड में, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और क्या, और एक्चुअली में इस बात को और भी अच्छे तरीके से जस्टिफाई करने के लिए कि मर्द अच्छी पिक्चर बनाते हैं, वो क्या कहते हैं क्वाइट प्लेस की एक्ट्रेस, क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा, देखिए क्वाइट प्लेस, अरे एज ऑफ यार टुमारो देखी है? एमा स्टोन नाम है ना नहीं शायद, एमा नहीं है क्या शायद, अभी क्वाइट प्लेस टू भी जॉन आई। क्रेहेंस्की और उसकी वाइफ है ना, हाँ क्या नाम वो है इसका, नाम नहीं याद आ रहा है उसका। काफी खूबसूरत नाम है, एमिली ब्लंट ठीक है। हाँ एमिली ब्लंट, हाँ हाँ उन्होंने उन्होंने भी खुद ही कहा कि मर्द औरतों से अच्छी पिक्चर बनाते अब टूट पड़ो भाई, अब टूट पड़ो। क्या एक्चुअली में ना उन्होंने अपने करियर में मर्दों के साथ ज्यादा काम किया है ठीक है, जो मर्द फीमेल ओरिएंटेड मूवीज बनाते हैं उन्होंने कहा है कि मर्द अच्छी पिक्चर बनाते हैं। और एक्चुअली में नहीं क्वाइट अगर प्लेस अगर वन और टू एक का टाइप डायरेक्टर की भी उनके पति ही है ठीक हाँ है, तो वो बोलेंगे तो ठीक नहीं, अरे एक रिसर्च भी था ना कि है। मेल रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, हाँ ज्यादा नहीं देखो ये मर्द इसीलिए ज्यादा रिस्क बेवकूफ लेने होते के लिए, हैं ठीक है, हाँ ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं मर्द इसीलिए फीमेल बेवकूफ से। होते हाँ हैं। अब कहीं भी रिस्क का फैक्टर आता है ना तो सक्सेस और फेलियर दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही क्या। होता है। डायरेक्शन में भी रिस्क लेना, अगर लाइक कुछ अलग कर रहे हो तो रिस्क लेना पड़ता है, नहीं बात सही। कुछ अलग करना पड़ता है, तो उसमें भी रिस्क का फैक्टर आया था। वो हो सकता है वो जो तुम रिस्क लिए वो पसंद नहीं आया तो तुम्हारी फिल्म गई, ठोक गई भाई, कोई नहीं देखा, या पसंद आ गया तो भाई चल गई मूवी एक तुम्हारे नाम से कि भाई हाँ जैक स्नाइडर मूवी बनाता है तो हाँ स्टोन में रहेगा, स्लो मोशन रहेगा, कैरेक्टर बिल्डअप रहेगा, पूरा और क्या, ऐसा और जैक स्नाइडर रहेगा। ऐसा नहीं ना है कि वो विक्टम कार्ड खेला कि क्या नहीं खेला, वो अभी भी अपने नहीं स्टैंड से कुछ खड़ा नहीं रहा भाई, ठीक वो ना। बोलते रहा, वो अभी तो खुल के अभी बोल अगर दिया ना जैक स्नाइडर भाई पे कि जेंडर चेंज कर दो, उसकी यहाँ औरत को कर दो ना, विक्टम कार्ड खेल गया होता तो कहता एक औरत भाई होने की वजह से वो ये है वो हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ यह हुआ। तो फिर वो तो फिर वो तो फिर भाई स्नाइडर कट कब का रिलीज हो गया होता फिर, सोच रहे हो स्नाइडर स्नाइडर कितना झेल गया, वो इतना कितना कुछ आगे काम कर लिया होता है यार, इसके चक्कर में वो इसीलिए फंसा वही रह कब गया। से अटका पड़ा है, हाँ कब से अटका पड़ा है एक ही प्रोजेक्ट हाँ में। लेकिन और क्या। सही था, एक बिल्डअप हुआ मूवी का, मेरे को लगा कि सही हुआ। हाँ अरे उसके वजह से चलो जो भी हुआ। उस टाइम रिलीज होता तो उस टाइम शायद डीसी का वैसा बना हुआ था ना फेज, वो डीसी का फेज अच्छा फेज नहीं था जो उस टाइम था, अरे लगातार ही क्योंकि पिक्चर हाँ पूरी आती जा हाँ रही थी हाँ उसकी। हाँ तो सबके दिमाग में एक मेंटेलिटी हाँ था कि भाई ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा ऐसा ही हाँ होगा, लेकिन फिर ये अगर उस टाइम रिलीज होता तो शायद इतना अच्छा जैसा भी रिस्पॉन्स मिला उस टाइम नहीं मिलता। नहीं और बात उस सही टाइम है। अगर जैक स्नाइडर कट अगर रिलीज भी किया जाता, लेंथ किया भाई, तो 4 घंटे का किसी को नहीं मिलता, 2.5 से 3 घंटे मेन का बात मैक्स। वही ना एक्चुअली। हाँ ढाई ढाई घंटे या 2 घंटे का ही मिला होता हाँ एक्चुअली। मिला वो भी होता, यार डायरेक्टर कोई इतना पागल नहीं होता है कि 4 घंटे की, 4 घंटे की पिक्चर कोई थिएटर में लगाता चार नहीं, लगता घंटे की मूवी कोई नहीं लगाएगा कोई कॉमन, नहीं लगा। अगर कोई उन्होंने स्टूडियो तो सोच रहा ना, वही ना जस्टिस लीग टू पार्ट में ही सोचा था उन्होंने। कोई थिएटर वाला लेगा ही नहीं मूवी को, अगर नहीं 4 घंटे की लेगा मूवी रहेगी तो वही कोई ना। नहीं लेगा वही। और तो जस्टिस हाँ लीग उन्होंने कॉमर्शियली दो, वार्नर ब्रदर्स ने सही है, हाँ दो मतलब पार्ट में कॉमर्शियली सोचा सोचा गया था। है। हाँ दो पार्ट में सोचा था, मेरे ख्याल से 1.5 पार्ट की पिक्चर एक एक हद दो तक पार्ट में भी रिकॉर्ड हो गई। परफेक्ट रहता, हाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप रिलीज करते भाई हाँ 6-7 महीने बाद ही,
आराम से चलता। 6-7 महीने बाद, 1 साल आदमी इंतजार कर लेता, क्या एंड गेम टाइम इंतजार ना कर लिया। एंड गेम और ये स्नाइडर कट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा कनेक्टेड लगता है। मेन मतलब बात क्या है ना, इसी पिक्चर से तुम सोच सकते हो कि स्नाइडर कितनी आगे की सोचता है। एंड गेम के क्या है, एंड गेम तो अभी 2019 में इन्होंने टाइम ट्रेवल को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, दिखाया पूरी तरीके से। और अगर ज़ैक स्नाइडर की पिक्चर ढंग से रिलीज होती तो वो 2017 में ही दिखा चुके होते, मार्वल के वही आ जाता। 2 साल पहले ही दिखा चुके होते कि टाइम ट्रेवल ऐसा है। उस टाइम सही से रिलीज हो जाता। क्या पता, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ अब स्नाइडर कट को उस टाइम पे। मेरे को लग रहा है सही अभी परफेक्ट टाइम था। नहीं सही था, जो भी हुआ ऑनलाइन रिलीज भी है, आराम से देखा भाई। अरे वो दिन था कि भाई कोई बड़ी पिक्चर देख रहा हूँ मैं सब अपने सब शेड्यूल्स कैंसिल कर दिया था, आज कोई वीडियो शेड्यूल नहीं आएगी, मैं हाफ डे छुट्टी लेके देखना स्टार्ट किया था भाई। अगर उस दिन लॉकडाउन या कोविड भी नहीं होता तो भी मैं कह देता आज कुछ काम नहीं होने वाला, आज छुट्टी है। क्या छुट्टी है, पिक्चर देखने जा रहे। कोई कोई मूवी रहता है कि वेट होता है कि हाँ आएगा, देखा जाएगा। लेकिन अब ब्लैक वीडियो का तो हाइप खत्म हो गया, अब खत्म, न्यू म्यूटेंट्स की तरह खत्म हो गया उसका, मैं बता रहा हूँ। इतना रिलीज आगे आगे वीडियो बनाया, मैं वीडियो न्यू म्यूटेंट्स पे वीडियो बनाया, लोग कमेंट में बोल रहे हैं ये पिक्चर रिलीज कब हुई। मेरे को खुद नहीं पता चला कि रिलीज कब हुई। मैं सोचा था रिव्यू करूंगा, मैं देख नहीं पाया, मन ही नहीं किया देखने का। नहीं वही था, वो लोग भी छोड़ दिए थे कि भाई अब प्रमोशन में पैसा नहीं लगाना, नहीं, कुछ नहीं, नहीं, नहीं करना, रिलीज कर दो, खत्म करो। उसका ट्रेलर जब पहला आया था इतना हॉरर बना रहे थे कि बाप। मेरे को लगा कि हाँ सही है सही है सही है, अब आएगी। 4 महीने 5 महीने और लेट होते ना, तो अभी तक रिलीज नहीं कर पाते। वही दिक्कत होती है ना, जब रिव्यू आए 3-4 महीना हो चुका है, मतलब कि फॉरेन में रिलीज हो गई है, तो वहां से लोग रिव्यू डालने लगते हैं ना कि अरे पिक्चर बहुत बुरी है, ये है वो। डिज्नी फॉक्स का डील हो गया तो फिर एमसीयू से हट के फॉक्स की मूवी देखना, एक ऐसी फ्रेंचाइज की जो अब मान लो, मतलब एक्समैन की फ्रेंचाइज अब खत्म ही होगी ना उधर। हाँ लेकिन ये बात तो है, फॉक्स रिस्क बहुत लेता था, रिस्क बहुत ले, बता उसने डेडपूल के साथ ऐसा रिस्क लिया, न्यू म्यूटेंट्स के साथ लिया। सोचो कोई कंपनी अपने घुटनों पे है, बिकने के कगार पे है, लेकिन उसने रिस्क लिया कि हम कुछ नया बनाते हैं। लेकिन मेरे को वही अच्छा लगा, रिस्क तो मेरे को लग रहा है कि मार्वल वालों ने वांडा विजन के साथ लिया। मैं बताऊं, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो एक्चुअली में वांडा विजन के क्रिएटर्स ने कुछ नया नहीं किया, जो पुराना सोर्स मटेरियल लगा था तो उनके पास, उन्होंने वैसे ही फिर से रेप्लिकेट किया उसको, फिर उसको समझाया, फिर एंड में थोड़ी बहुत कहानी उन्होंने कुछ दिखाई कि भाई वांडा को सिटकॉम पसंद थे तो उसी के हिसाब से, बचपन में सिटकॉम पसंद थे तो उसी के हिसाब से कहानी उन्होंने। नहीं वो मेरा रिस्क लेने का फैक्टर मैं इस पॉइंट से बोल रहा हूँ, मार्वल जनरली टिपिकल मार्वल मूवी क्या होता है भाई, सुपर हीरो विलन, आजकल विलन ग्रेट होने लगे हैं मार्वल के भी, सिंपैथेटिक होने लगे हैं सब भाई। हाँ हाँ, मतलब बैक एंड रहता है भाई की बैक स्टोरी है, ऐसी स्टोरी हुई है भाई, बहुत लाचार और मजबूरी में विलन। पहले की टिपिकल मार्वल मूवी देखोगे या तो हेट हुआ या चिड़ हुआ, जलन हुआ, विलन बन गए, यही था, यही मतलब टिपिकल विलन, टिपिकल हीरो, फाइट हुआ, एंड हुआ, खत्म हुआ। अरे आज और बीच में थोड़ा थोड़ा कॉमेडी, आज तो आज के टाइम पे चश्मे के ऊपर पूरी पिक्चर बन जाती है। किसमें था, फार फ्रॉम होम में यार, याद नहीं तो। अच्छा हाँ, एडिट एक चश्मे के ऊपर पूरी पिक्चर बना दी तुम। हाँ, हाँ। तो उसमें तो वो भी ठीक ही था, फ्रॉम होम ठीक था, उसका इफेक्ट VFX ये सब अच्छा था, काफी अच्छा था VFX, अच्छा था मेरे लिए। अब सरप्राइज फैक्टर, जिनको मिस्टीरियो के बारे में नहीं पता होगा उनके लिए सरप्राइज रहा होगा, लेकिन सब जितना हम लोग थे सबको तो पता ही था कि भाई मिस्टीरियो क्या है, इस काम में है तो पता चल ही जाता है। हाँ, कि भाई मिस्टीरियो क्या है क्या नहीं है ये तो पता था। लेकिन ये मेरे को सोनी वालों की तरफ से बहुत ही अच्छा लग रहा है कि स्पाइडरमैन अभी इधर एमसीयू में अपने जवानी के मजे ले रहा है, गर्लफ्रेंड बना रहा है, घूम फिर रहा है, और सोनी उसकी पता है सामूहिक मारने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसने वेनम, विलेन के ओरिजिन मूवी बन रही है, वेनम, मॉर्बियस, वल्चर को उठा लिया, और कौन से आ रहे हैं, कार्मेन द हंटर आ रहा है, ये कुछ अलग हो रहा है भाई, और ये डॉक्टर ऑक्टोपस भी, के भाई डॉक्टर ऑक्टोपस तो है ही इस मूवी में,
वो तो कंफर्म हो गया। ये तेरी स्पाइडर मराने वाली बहुत बुरी। भाई ये पूरा सिनिस्टर सिक्स का सेटअप कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ये पिक्चर दो पार्ट में बने, सिनिस्टर सिक्स वाला, सीधी सी बात। नहीं सही चल रहा है कि प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी सारे विलेंस की दिखा दो। विलेंस की ओरिजिन स्टोरी बहुत कम। ये मॉर्बियस और वल्चर साथ हो ही गए, ट्रेलर में ही हमने देख लिया। अभी मॉर्बियस वल्चर तो हो गए, अभी बचा अपना क्रेवन द हंटर कंफर्म हो गया, वो भी आ गया। वेनम को भी मेरे ख्याल से मल्टीवर्स नाम पे उठा लेंगे। मल्टी बोला ही है, आज ही बोला है उठा लेंगे। और एक और क्या है यार, मिस्टीरियो, मिस्टीरियो है अब उसको कहीं से लाएंगे या फिर मे बी। लेकिन जैक जिलेनहॉल नाम है ना एक्टर। हाँ, जैक जिलेनहॉल। इतने बड़े एक्टर को सिर्फ एक मूवी के लिए, मेरे को लग रहा है कि भाई कुछ तो हो करेंगे। मतलब कि एक टीम का एक आदमी होता है ना, लीडर टाइप। लेकिन बहुत सब बहुत बड़े बड़े एक्टर है, ऐसे माइकल कीटन भाई, जेरेड लेटो, और यार तुम्हारे टॉम हार्डी, जे गिलन हॉल। हाँ। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस वाले नाम याद नहीं आ रहा। काफी बड़े बड़े एक्टर, छोटे मोटे एक्टर नहीं है सब। सही में मतलब सही, मतलब सही एक पूरा स्पाइडरमैन का तो है ही कि भाई इसका एक अलग यूनिवर्स। ये लेकिन मैं बताऊं बहुत बुरी तरीके से इसकी मराने वाली है, मात्र दो या तीन स्पाइडरमैन के। स्पाइडरमैन के जितने विलेन है सारे जानवर से रिलेटेड रहेगा, ये फिक्स रहता है कि भाई रहेगा ही रहेगा। मिस्टीरियो कौन जानवर पे नहीं है ना, इल्यूजन वाला पे है। इल्यूजन हाँ, इस पे कोई नहीं है, बाकी सारे कोई जानवर से रिलेटेड ही रहते हैं। स्कॉर्पियन का टीज हुआ था ना पोस्ट। हाँ, स्कॉर्पियन भी तो जेल में था। स्कॉर्पियन हाँ, भी जेल में साथ में। हाँ, वो फार क्राय वाला हीरो था अपना। हाँ, फार क्राय वाला। अरे मैं उसको कितना उम्मीद कर रहा था यार कि फार फ्रॉम होम में आएगा। फार क्राय से याद है, फार क्राय से पहले तो उसको इसमें देखे हो गए। अरे उसका स्पिन ऑफ सीरीज देखे हो क्या, ब्रेकिंग बैड का? नहीं, बेटर कॉल सॉल। अरे देखो सही है, सही है। ब्रेकिंग बैड देखा है वो? नहीं, मैंने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा अभी। अरे देखो, ट्राई करो देखने का। मैंने उसी के चक्कर में मैंने हमिंग बर्ड प्रोजेक्ट देखी थी, बिजनेस मूवी थी। काफी काफी अच्छा रोल किया बंदा, काफी अच्छा एक्टर है। तुम एक बार ब्रेकिंग बैड देखना स्टार्ट करो। पांच सीजन है, स्टार्टिंग में तो बस चार पांच एपिसोड है, बीच में पांच छह एपिसोड करके। बहुत सही सीरीज है ब्रेकिंग बैड। सुना है कैरेक्टर आर्क अभी तक का सबसे बेस्ट वेब सीरीज में बना हुआ। अरे उसका सीरीज भी बेस्ट है, फिर उसका मैं मतलब अराउंड 2015-16 में मैं ब्रेकिंग बैड देखा था। फिर मेरे को मन किया कि भाई नॉस्टैल्जिया लेना है, मेरे को फील करना। मैं रिसेंटली लगता है लॉकडाउन में ही लास्ट ईयर फिर से देखा। फिर उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि चलो इसका विकिपीडिया पढ़ा जाए थोड़ा, क्या क्या हुआ है। फिर देखा कि स्पिन ऑफ सीरीज बेटर कॉल सॉल भी बना है इसका। और फिर मैं उसका रिव्यू ये सब पढ़ा थोड़ा, देखा कि इसको माना जाता है कि सीरीज में बेस्ट स्पिन ऑफ सीरीज बनाया गया है। बेस्ट सीरीज में हाँ, मतलब कि एक कैरेक्टर को लेकर बेटर। उसमें एक ब्रेकिंग बैड में एक कैरेक्टर रहता है, लॉयर रहता है सॉल नाम का, सॉल गुडमैन। उस एक कैरेक्टर को लेकर एक सीरीज बनाया है। और वो सीरीज जो मतलब वो सीरीज भी बहुत सही है, मतलब मजा आया देखने में। वैसा नहीं लगा कि जैसे फ्रेंड्स का था और फ्रेंड्स के बाद फिर जोई का एक सीरीज निकाल दिया था जो कि कोई नहीं देखना चाहता, तो वैसा नहीं हुआ इसके साथ। और जनरली सीरीज का स्पिन ऑफ बनाना थोड़ा हार्ड हो जाता है। मूवी का तो रहता है कि चलो भाई एक मूवी है, स्पिन ऑफ बनेगा, देख ही लेंगे लोग। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस खींचे जा रहे हैं ये लोग। इसका रिव्यू अच्छा नहीं आया इसका, फास्ट एंड फ्यूरियस का। भाई फास्ट एंड फ्यूरियस 5 या 6 के बाद किसी को कोई 5 के बाद आई थिंक 5 मतलब 7 में पॉल वॉकर वाला गिरते जा रहा है बस। उसके बाद पॉल वॉकर के बाद मेरे को कुछ याद नहीं। गिरते जा रहा है हाइप इसका, मतलब कुछ फास्ट एंड फ्यूरियस रहा ही नहीं। मतलब हर पिक्चर की कहानी है वही ना, मतलब फैमिली ठीक है आपका, लेकिन हर पिक्चर की कहानी फैमिली तो आप दे नहीं सकते। अरे तो ये बात होता है ना कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज चालू हुआ था कि भाई कार रहेगा, रेसिंग होगा, ये होगा। फिर धीरे धीरे ट्विस्ट होते होते ये कब रोहित शेट्टी की मूवी बन गई मेरे को पता ही नहीं चला। अरे मतलब खानदान है कि कोई जिला है कि ये इसकी मतलब बहन, उसके भाई, भाई वो मेरा भाई है क्या है कि पहले तुम लोग क्लियर करो यार क्या क्या है आदमी, फिर बात फैमिली मैटर सॉल्व करो फिर मूवी बनाओ। पिक्चर सोचो कि आज से 5 साल बाद देखो कि फास्ट एंड फ्यूरियस आ रही है 15-16, कह दें ये कौन है, ये मेरे फुआ का लड़का है। भाई टीम बनाएंगे, चोरी करेंगे। अब मेरे को अब सही में
यूनिवर्सल का है ना मेरे को सच में, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर बाद में कहेंगे कि अवतार के साथ क्रॉसओवर हो रहा है गजब पैसा फूक देते है यार, मैं हैरान हो जाता हूँ। सीरीज पे कोई इतना पैसा फूक दे तो बाप रे बाप। भाई पैसा ही बन रहा है ना उनके पास, मतलब कमी नहीं हो रही है। वो लगाते हैं, अगर 200 मिलियन लगाए होंगे तो हो सकता है 500-600 मिलियन खींच लिए होंगे। अरे वो पता नहीं इन लोग का इनका बिजनेस स्ट्रेटजी अलग से ही क्या होता है, रिलीज होने से पहले ही पैसा उसका निकल जाता है, इनिशियल पैसा। वो तो पूरा ये लोग एक्चुअल में जो बताते हैं ना, पिक्चर फ्लॉप हो गई, बॉक्स ऑफिस बॉम्ब थी, तो लेकिन उसके अलावा कुछ राइट्स वाइट्स वाला मैटर होता है इन लोग का। मूवीज का तो वही रहता है ना, पहले म्यूजिक राइट्स बेचते हैं, फिर ट्रेलर दिखाने का राइट्स बेच देते हैं कि हाँ भाई इस चैनल पे ट्रेलर दिखाया जाएगा और ये सब होगा। फिर उसके बाद फिर मूवी टीवी पे दिखाने का राइट्स बेच देते हैं कि हाँ 15-10 साल तक तुम ही दिखाओगे अपने चैनल पे। जैसे सूर्यवंशम का ले रखा है लगता है 60-70 साल का, भाई वो दिखाएंगे मैक्स वाले। और शायद डायरेक्टर्स भी शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं, जैसे कि जैसे नहीं जैक स्नाइडर इतना यूनिवर्सल से परेशान है तो किसी और के साथ क्यों नहीं गया। और जैसे कि एम नाइट श्यामलन, एम नाइट श्यामलन है वो भाई यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ ही कहा अपनी पिक्चर बनाते हैं। ओल्ड वी आई यूनिवर्सल पे, स्प्लिट ग्लास, अनब्रेकेबल, सब यूनिवर्सल के साथ कुछ रहता होगा कि हाँ जैसे कि, कैसे सारे एक्टर्स लोग का राइट्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि 10 मूवी मेरे साथ करोगे। तो नेटफ्लिक्स ने क्लियर किया है कि डेविड फिंचर की आने वाली 3 या 4 मूवी जो भी बनेगी वो डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे आएगी। बाकी अवार्ड अवार्ड वाला वो मामला संभाल लेता है नेटफ्लिक्स, वो ऑस्कर्स में जाने होने का उनका जो भी रहता है प्रमोशन पैसा वैसा। और फिर मैंने जब उसके ऊपर ऑस्कर्स के ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी तो पता चलता है एक पिक्चर को अच्छे से प्रमोट करने के लिए 10 से 40 मिलियन तक पैसा फूकना पड़ता है एक अवार्ड के लिए। भाई साहब 10 से 40 मिलियन तक। और ये भी बात पता चली है कि जो जो रिव्यूअर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, कुल मिला के 250-300 जजेस हैं अगर एक स्पेसिफिक जॉनरा की एक अवार्ड की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो उनकी उनके घर तक पहुंच जाते हैं उनको घड़ियां देने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए। अच्छा। सोच रहे हो न्यूज़पेपर्स ने बात कवर की है कि भाई जजेस को घड़ियां मिली है लेकिन अवार्ड बिलीवेबल भी लगना चाहिए। हाँ, जैसे कि नहीं पहले इधर ही सब इधर ही गाली देते हैं ना फिल्म फेयर को। रिसेंटली अभी मेरे को याद आया, इसी अवार्ड से याद आया, एमटीवी अवार्ड्स अभी शायद हुआ था, एमटीवी टीवी अवार्ड्स, उसमें वांडा वर्सेस एगाथा हार्कनेस के को बेस्ट फाइट का सीन मिला, मतलब बेस्ट फाइट का अवार्ड मिला। क्या अवार्ड क्या था उसमें बेस्ट फाइट? कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनो बता, अवार्ड का नाम भी अपने आप ही चूज कर लेते हैं। सोचो कि ब्लैक विडो क्या बोलते हैं अपने स्कारलेट जोहानसन को बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड, मतलब क्या परफॉर्मर, क्या जॉनर है तुम्हारा, किस बेसिस पे तुमने अवार्ड दिया उसको? वही 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 समझ में नहीं आता ना मेरे, बेस्ट फाइट इस सीन को, मतलब बेस्ट फाइट तो मेरे को तो किसी भी एंगल से नहीं लगा कि इससे बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा एपिक फाइट हमने देखा है। मैं बताऊं ना, इससे अच्छा देना ही नहीं चाहिए था, मैं बताऊं। मत कोई जबरदस्ती नहीं है, थोड़ा सा ये होता है ना कि भाई ठीक है कर रहे हो कुछ, अपना जुगाड़ लगा हुआ है, बिलीवेबल बनाओ, बिलीवेबल बनाओ, चोरी करो तो ऑब्वियस मत करो, ऑब्वियस मत करो कि मतलब चलो ठीक है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दे दिया, चलो मान लिया कि होगा भाई पूरे एक साल में लास्ट में कोई आपसे अच्छा एक्टिंग नहीं किया होगा, चलो मान लिया। अब बेस्ट फाइट जब दिया ही, चलो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे साल में ऐसा कोई एक सीरीज वीरीज नहीं आया जिसमें इससे अच्छा कोई फाइट सीन नहीं था। अभी वही ऐसा तो नहीं था। उसमें अभी अभी मान लो कोई ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल का एक्सपीरियंस ले लेते, कोई है अवार्ड अवार्ड सबको मिल रहा है, किसी को एक बेस्ट रिएक्शन चैनल का को दे दो अवार्ड, मतलब क्या बस देख रहे हो तुम यार रिएक्शन चैनल का, ये कोई अवार्ड का मतलब होता है? वही कोई मतलब नहीं है, मतलब
बिलीवेबल बनाओ अगर कर रहे हो तो। और क्या, हर जगह होता है। बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोग कमेंट में भी आएंगे कि नहीं भाई हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। नहीं, हॉलीवुड में भी होता है। देखो आइडिया वहीं से शुरू होता है, इधर किसी को अपने आप दिमाग नहीं आया फिल्म यहाँ कोई बना है। यहाँ अवार्ड का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है भाई, वहीं से। ये मार्केटिंग में पैसा वैसा फूकना सब वहीं से सीखा आदमी। जो भाई कोई कमेंट में आके कोई बोलेगा ही, पक्का बोलेगा भाई हॉलीवुड में ऐसा नहीं था। होता है भाई, हॉलीवुड में भी नेपोटिज्म होता है, होता हर जगह होता है। अरे नेपोटिज्म वाला जब मैटर अपने पीक पे था ना, सुशांत सिंह राजपूत वाला, उसी समय टेनेंट मूवी निकली थी। टेनेंट मूवी का मेन हीरो डेंजल वॉशिंगटन का बेटा है, किसी ने बोला नेपोटिज्म है? मैं उस टाइम पूरा वीडियो बनाया था कि भाई रॉबर्ट डॉनी जूनियर को भी उसके बाप ने लॉन्च किया था। अब भले ये है, ये मान सकते हैं हम लोग कि यहाँ वहां टिकते नहीं है लोग लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यहाँ में भी टिक जाते हैं। यहाँ चांस मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, चांस मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कॉमन आदमी जा रहा है, नहीं लॉन्च हो पाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत सारे यहाँ बहुत सारे अच्छे एक्टर्स होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, स्ट्रगल फेज में, लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। बट इफ तुम अच्छे एक्टर हो, लेकिन अच्छा बाप भी है तुम्हारा अमीर, तो तुम लॉन्च हो जा रहे हो, तो बड़ी बात है भाई। वो बड़ी कनेक्शन मैटर करती है भाई, कि तुमको तुमको मौका मिला ना एटलीस्ट। बहुत टैलेंट का कमी नहीं है, सिंगर एक्टर डायरेक्टर का कमी नहीं है, और क्या, इंडिया में या कहीं भी। मौका मिलने के लिए अगर तुमको कोई कनेक्शन है तो वो होता ही है। क्या? अरे आजकल क्या है ना कि आजकल पैशन के नाम पे हमको आगे क्या करना है, सिंगर, मेरे को एक्टर, मेरे को वो, हाँ वो तो चल ही रहा है कि एक नया फैशन का वर्ड आ गया है और फैशन चल गया है कि भाई ये करना, ये करना, म्यूजिक प्रोड्यूस करना है कि क्या है, हाँ वो करना, वो दिमाग में बैठ जाता है। है इंटरेस्ट तो चलो ठीक है, वो अलग टॉपिक। लेकिन नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं लोग, बॉलीवुड या हॉलीवुड क्यों फोकस कर रहे हैं? नेपोटिज्म तुम्हारे घर में नहीं है जो बात ये बोल रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारे पापा तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे और क्या? कुछ का जरूरत होगा तुमको तो, और क्या, अगर सॉल्यूशन होगा तो। अगर अगर भाई किसी के फादर किसी पोजीशन पे है, ठीक ना, मैं स्पेसिफिक नहीं पकड़ना चाहता किसी प्रोफेशन को, किसी का, हाँ कहीं भी है, कहीं भी मान लो, ठीक है, तो तुम्हारा हेल्प तो होगा ही ना। बिल्कुल, जस्ट लाइक मेरे पापा का बिजनेस है, ठीक है, तो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने में उतनी मुश्किल नहीं आएगी। वही तो, ऑलरेडी तुम्हारे पापा ये तो, तुम्हारे पापा ये नहीं ना बोलेंगे ये लो बेटे 50 रुपए कमा के दिखाओ, ऐसा नहीं ना होगा। नहीं नहीं, तो एक एस्टेब्लिश कुछ मिलेगा तुमको, हाँ ये है, पैसे ना चला भी के दे, दिखा। वो पैसे पैसे से मतलब नहीं, पैसे ना भी दे, बस वो रास्ता दिखा दे कि यह सही बंदा है, इससे जाके बात कर। हाँ तो वो होती है ना, मेरा नाम बता दे इसको, ठीक है, तो इसी को तो नेपोटिज्म बोला जाता है, इसी को तो नेपोटिज्म कहते हैं। वो खाली मेरे पापा के नाम पे मेरे को काम करने शुरू कर देगा। एक्टर्स भी तो वही कर रहे हैं भाई, अब उनका करण जौहर से कनेक्शन है, बातचीत है डेली का, वही हो गए जैसे तुम्हारे पड़ोसी वाले शर्मा जी। शर्मा जी बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, सबको नौकरी देते हैं। करण जौहर वही कर रहा है भाई, ठीक है लॉन्च कर दूंगे तुमको भाई, मैं बता रहा हूँ कि तुमको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। वही ना, मैं जब अपने फैमिली बिजनेस से हट के एक बिजनेस शुरू कर रहा था, तो मेरे सब कुछ नया था, तो भाई मेरी फैमिली हेल्प नहीं ना कर पाएगी, एकदम नया बिजनेस। तो उसके लिए जब मैं नहीं जान रहा था कि भाई बंदा सही है कि बंदा गलत है, तो जो भी मिला, तो भाई जो भी मिला, तो भाई उसको मक्खन लगाना जरूरी है। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल सर। अरे मैं रात के 3-3, 2-2 बजे तक मैं घूमता रहा उन लोग के साथ कि भाई नहीं है, काम सिखा रहे हैं। मतलब क्या आदत है यार इन सब की, यार 3 बजे रात के कौन घूमता है बाजार में। लेकिन हाँ उतना करना पड़ा मेरे को, काम खुद ही करना पड़ता है, काम खुद ही करना। अगर इफ नेपोटिज्म से भी लॉन्च हो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम टिक जाओगे, जरूरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तुषार कपूर नहीं टिका क्योंकि नहीं हो रहा था उससे, कोई टिका तो मतलब कि उसमें कुछ तो है। अरे यार रणबीर कपूर अगर अभी तक टिका हुआ है तो है, अच्छा एक्टर है, भले उसको एक इजी लॉन्च मिला, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अच्छा एक्टर है वो। देखो फैमिली क्या होती है ना, कि वो एक बार दो बार मदद कर देगी, ठीक है, बार बार वो अपनी वैल्यू डिग्रेड करके आपकी मदद नहीं करेगी। फैमिली समझ जाएगी कि भाई कुछ कर नहीं सकता ये लड़का, रास्ता अपने से फिर बनाना पड़ेगा।
वे दिखा दिया जाएगा आगे जाके कौन गली में मुड़ना है तुमको, वो तुम्हारा डिसीजन होगा। और क्या फिर भाई, जैसे मैंने बताया ना, अगर मेरे फैमिली ने रास्ता बता दिया तो भाई मेरे को करना पड़ेगा, मेरी मेहनत है ना। मैं रात के 3 बजे घूमू या फिर 10 बजे ही बंद करके फोन सो जाऊं, मेरे को काम करना है तो वो मेरा स्ट्रगल है, मैं कर रहा हूँ। नेपोटिज्म होगा, हर जगह होगा, हर जगह है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। भाई दिन भर में 6-6 घंटे जिम में बिताना भी कोई आराम की बात नहीं होती है किसी पिक्चर के लिए। हाँ, वही, 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 हो सकता है तुमको बहुत मन कर, तुमको बहुत मन करता होगा जिम करने का, लेकिन हो सकता है किसी को मन नहीं भी करता है जिम करने का। और जिम तुमको तभी तक मन करता होगा जब तक तुम्हारा, जैसे होता है ना कि अगर कुछ तुम कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, चलो मूवी देख रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, अब कोई बोल दे कि डेली का 3 मूवी देखना यही तुम्हारा काम है, इसी के पैसे मिलेंगे, मूवी नहीं देखोगे तो, मतलब मूवी नहीं देखोगे तो पैसे कट जाएंगे। तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि भाई 3 मूवी डेली का देखना, हाँ कोई मूवी का मजा खत्म हो जाएगा। तो वही होता है ना कि जिम, जब ये कोई रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन अनाउंस हो गई थी तो 2 साल पहले से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। सोचो कौन बंदा इतना इनपुट दे पाएगा। सोचो नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, मैं जब पहली बार जिम जाना शुरू किया था तो मैं पहले दिन उल्टी कर दिया था जिम। मेरा मेरे साथ ही सेम। अरे भाई मेरा भाई, मैं पहले गया जिम, मेरे को याद है 2014 यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, जिम जाना है मतलब पूरा डेडिकेटेड होके, मैं 4 साल पूरा डेडिकेटेड होके जिम किया, पूरा डेडिकेटेड होके। फिर तो जॉब लग गई तो पूरा छूट गया। पहले दिन जिम गया, ट्रेनर देखा, छोटा सा जिम था, एकदम छोटा होता ही है स्टार्टिंग में, भाई स्टूडेंट है हम लोग, कितना बजट ही रहेगा। हाँ, कितना भाई, वही 300 रुपए वाली जिम में ही गया कि 300 रुपए मंथली देना है, बहुत है, 300 रुपए दे दूंगा और अंडे खा लूंगा, हो गया। हो गया तो गया, डंबल भी कम थे, 4 लोग हम लोग पहुंचे, जिम भर गया उसका पूरा, खुश ट्रेनर पूरा बॉडी वाला भाई। पहले आते पहुंचते के साथ वो अपना अपसेल करने लगा, प्रोटीन पाउडर ले लो, प्रोटीन नहीं है ही नहीं, पैसे ठीक है, डंबल था 4 अलग अलग वेट का, सब उठाते गया लास्ट में बचा सबसे भारी वाला, उसने मेरे को दे दिया कि उठ लो। अब जो 5 किलो का लिया हुआ है उससे भी सेम रेप करवा रहा है, अब मैं 15 किलो लिया हूँ मेरे से भी सेम एक्सपेक्ट कर रहा है वो। करते करते मैं डंबल ऐसे साइड में गया, मैं सीधे टप बैकआउट हो गया। अरे सीधे मेरे साथ क्या हुआ था कि एक्चुअल ट्रेनर था नहीं, उसके फादर थे, ठीक है, जो भी था, लेकिन वो भी थोड़ा हार्श था ट्रेनर, दूसरे दिन 2-3 दिन में पता चलता। तो पहले दिन जब गया, उसके फादर ने बताया ये ऐसे ऐसे करो, तो उसने बताया कि 3 सेट करो, मैं 3 सेट कर दिया, कि ये भी करो, ये भी कर दिया। फिर और मैं पूछा, मैं और पूछता जाऊंगा, बताता जाएगा, मैंने पूरा एकदम करता चला गया। और फिर मेरे को ध्यान नहीं था, मेरा गला सूखता गया, मैं पानी पीता चला गया। और फिर मेरे को ठीक लगा, और फिर तो फिर मैं बाहर गया, मैंने कहा बाथरूम कहाँ है, और दरवाजा खोलते ही बाहर मैंने उल्टी कर दी। दरवाजा खोलते ही क्या वही, बस हो गया, वही होता है ये ओवरवर्क। पहले दिन पे ज्यादा करते हैं लगता है, थोड़ा ये लगता है ना, पहला दिन है भाई, मोटिवेशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे लग रहा होगा कि नहीं जाना है भाई, नहीं जाना, नहीं पता नहीं यार, 2-3 दिन भाई। मेरा तो वही हुआ था, मैं पहले दिन ज्वाइन किया, नहीं जाना भाई, 2-3 दिन नहीं गया, फिर लगा भाई 300 रुपए दिए, जाना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा। फिर जाना चाहता हूँ, धीरे धीरे मजा। लॉकडाउन के बीच में जब मेरे से मेरा गैप हो गया था, ये पिछले साल में, अभी एकदम बंद है, पिछले साल में जब लॉकडाउन के बाद में आया तो भाई एक दो महीना 3 महीने हो जाते हैं तो भाई बॉडी उतना ठीक नहीं होती। और पिछले वाला लॉकडाउन तो बड़ा खाने पीने को लेकर ग्लैमरस बीता था, ठीक है, तरह तरह के खाने, क्या है, घर पे रहना, थाली और ताली बज रही थी, पूरा सब हो रहा था। तो इसीलिए तब जब जिम गया, मैं कहता ठीक है आ जाए हैं, ज्यादा नहीं करना, कम करके चले जाएंगे, मात्र आधा घंटा किया हूँ, निकल गया हूँ, धीरे धीरे करेंगे, मेरे को दोबारा उल्टी नहीं करनी है। नहीं, समझ आ जाता है ना। हाँ, मैं तो बहुत किया, और मेरा तो एकदम मतलब डेडिकेटेड होके जिम किया प्रॉपर। हाँ, नहीं मैंने बॉडी देखी थी तुम्हारी, मैंने देखी थी, प्रॉपर किया एकदम डेडिकेटेड होके कि भाई जिम में जाऊं तो सब मुड़ के देखे। हाँ, वैसा किया था। मैं भी सोचा था यार, मैं भी जाऊंगा, पूरा हेनरी कैविल होके आऊंगा।
अरे बहुत सुपरमैन मैं जब ये जब एब्स बनाना स्टार्ट किया था तो लगता है एक साल तक चीनी नहीं खाया, मतलब शुगर खाना छोड़ दिया था, फास्ट फूड ये सब छोड़ दिया था, खाली चल रहा था मेरा डाइट डेली का। दो वीक में एक बार चीट मील, जिस दिन मैं कुछ भी खा सकता था, हाँ दो वीक में एक बार, मतलब एक मंथ में दो बार, वही मान लो एक मंथ में दो बार चीट मील रहता था। उस दिन मेरा खुला रहता था कि एक टाइम का खाना, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी जितना हो, एक मीडियम पिज्जा अकेले फेल देना, वैसा टाइप का एकदम फीलिंग रहता था। और पूरा दो वीक में जिम इसी मोटिवेशन में करता था कि वो एक दिन आने वाला है, वो एक दिन के लिए मेरे को करना है, बस यही रहता था, वो एक दिन आएगा मैं खाऊंगा, नहीं तो रुखे सुखे तो चल ही रहे। नहीं बात सही है, तो वही था अपना वेट के की बात में। तब से फिर लॉकडाउन तो चालू, पुरानी बात, अब तो लॉकडाउन है, कब हटेगा? मेरा तो वर्क फ्रॉम होम भी एक्सटेंड हो गया, ऑफिस वालों ने बोल दिया ये साल पूरा घर रहो, ये साल पूरा घर, ये चेयर, ये गेमिंग चेयर मैं लेता, ऑफिस वालों ने भेजा है, ऑफिस वालों ने गेमिंग चेयर भेज दी, ऑफिस वालों ने बोला कि 20,000 तक का टेबल और चेयर ले लो। मैं टेबल और चेयर 20,000 में पूरा कंप्लीट करके 20,000 का बिल दे दिया, उन्होंने पैसा दे दिया। बेहतर है यार, काफी अच्छा है, जब मिले पैसे तो पूरा कंफर्ट के साथ करे आदमी का, वो भी तुम तो बेड पे बैठ के कर रहे हो, उसके बाद ही मैं बेड पे लेट के कर रहा हूँ। ये मेरा पूरा हो गया कि भाई यूट्यूब का सेटअप है, मैं यहाँ वीडियो एडिट करता हूँ बैठ के, लेट के ऑब्वियसली एडिटिंग नहीं पॉसिबल है, लेकिन ऑफिस का काम लेट के हो जाता है। हाँ, वो हो जाता है। चलो अभी ऑफिस के काम में डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें ज्यादा लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या लगता है तुमको बैटमैन को लेकर, जो आने वाली है बैटमैन की मूवी, पैटिसन वाली? ये ट्रेलर से तो सही लगा, लेकिन लेकिन बैटमैन से मेरे को बस वही लगता है ना, सारे बैटमैन की मूवीज एक्सपेक्टेशन सेम ही रहता है, डार्क रहेगी, बहुत डार्क रहेगी, एकदम एक्सपेक्ट करो, कोई भी अगर सोच रहे हो कि लाइट मूवी होने, नहीं डार्क रहेगी, 70% ऑफ द मूवी अंधेरे में रहेगी, इतना रहता है, सही में अंधेरे में रहेगी और तुम उसी में फाइट देखोगे, लेकिन अलग क्या करते हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, रॉबर्ट पैटिंसन को बना दिया बैटमैन, लेकिन अलग क्या करते हैं जो हमने नहीं देखा अभी तक। नहीं बात सही है, वो वही, क्योंकि बैटमैन की स्टोरी सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और भाई क्रिस्टोफर नोलन की ओरिजिन स्टोरी देखने के बाद एक्सपेक्टेशन सबका हाई रहेगा। हाँ, तो मैं श्योर हूँ कि यहाँ ओरिजिन स्टोरी तो नहीं दिखानी चाहिए। नहीं, ओरिजिन नहीं है तो, हाँ, वो भी एक सम सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि बैटमैन अपने दूसरे साल में और अभी भी डेवलप हो रहा है। देखो मार्था उनके बाप को मार के फिर मारेंगे तो फिर से ये लोग ठीक है, फिर वही है, पहले ही दो बार अंकल बेन मर चुके हैं भाई, कोई अब वैसा नहीं देख पाता, फिर मारेंगे वो दिखाने के लिए, लेकिन क्या है, सही है, अगर एमसीयू में दिखा देते फिर से अंकल बेन को मरते हुए, अरे भाई सब मीम बनाना चालू करते हैं, और क्या, नोबडी अंकल बेन। नहीं, मेन बात क्या है ना कि भाई जब आंट में ऐसी है तो अंकल बेन भी भाई जोरदार होंगे, डैन बिल्जेरियन जैसे एकदम से अंकल बेन, लेकिन हाँ ये भी सस्पेंस है, इतने जवान अंकल बेन के साथ हुआ क्या भाई? हाँ मतलब कि तुम सोचो कि भाई आंट में जैसी औरत नॉर्मल आदमी के साथ थोड़ी ना जाएगी, वही शायद वो फैशन वोशन का ऐसा कुछ काम है, चैरिटी और फैशन के बीच में ऐसा कुछ काम है उसका मेरे ख्याल से। अंकल बेन का क्या पता, मेरे को लग रहा अभी तक कुछ बताया गया है अंकल बेन का, इन छोड़ो यार, अपने से अंकल बेन से क्या लेना देना, आंट में है ना बस, वो नहीं मरनी चाहिए। जिस दिन मर गई उस दिन मैं जाऊंगा मार्वल स्टूडियोज के ऑफिस, इसको दोबारा जिंदा करो। जरूरी भी है बाकी सब तो तुम लोग बकचोदी बतियाते रहते हो। क्या फिर उसके बाद हम लोग बैटमैन पे थे ना, बैटमैन पे, तो बैटमैन के लिए अब क्या कुछ नया करना होगा, और है इसमें रिडलर, तो रिडलर कुछ तो दे सकता है, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन, मैसेज वाली मेरे ख्याल से कुछ बात होगी, कुछ मैसेज रिडलर का तो भाई वही है, अगर गेम खेले हो बैटमैन की तो रिडलर का तो वही है भाई, बहुत पजल देता है, पजल पे पजल रहेगा तुम्हारा। अब वैसा कुछ
पसंद आएगा कि नहीं आएगा फैंस को क्या पता, बैटमैन से कि मोस्ट ऑफ द टाइम डिटेक्टिव का काम करे अगर फैंस मतलब रेडी है उसके लिए कि एक्शन से ज्यादा डिटेक्टिव का काम मिले। देखने में तो काफी अच्छा, काफी स्लीक नहीं होता है, स्लीक एकदम देखने में लग रहा है। ट्रेलर परफेक्ट लग रहा है। बैटमैन का सूट आर्मर वो भी परफेक्ट लग रहा है। बस वही है कि मेरे को ये लग रहा है ना कि इसमें हो सकता है कि 50% ऑफ द टाइम बैटमैन डिटेक्टिव का काम करे जैसा ओरिजिनली बनाया गया था बैटमैन को डिटेक्टिव पे। तो हाँ तो वैसा अगर फैंस मतलब रेडी है कि हाँ मैं देखने के लिए रेडी हूँ कि बैटमैन आधे टाइम रिसर्च कर रहा है, हैक कर रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है जो बैटमैन सच में करता है वही करता है, वो 90% ऑफ द टाइम वो रेडी रहता है अपने एनिमी के लिए। हाँ. कि हाँ सब कुछ जानता है कि हाँ उस मेरा एनिमी ये है ये है ये है, ऐसा कर सकता है जोकर से, इसलिए उसको आइडेंटिटी नहीं पता थी जोकर की, इसलिए वो कुछ पता नहीं कर पाता था जोकर का, जोकर को ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं जोकर के कैरेक्टर को, इसीलिए जोकर का कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि भाई बैटमैन को टक्कर दे रहा है। वही बाकी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट वाली बात वही फंसी रहती है ना कि भाई वो बुरा है, मरना डिजर्व करता है लेकिन बैटमैन मार भी नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तो लग रहा है भाई बैटमैन मार रहा है इस ट्रेलर में तो। भाई मार दे रहा है कि आई एम, मेरे को लग रहा है ना वो आई एम वेंजेंस वाला सीन है ना, मेरे को लग रहा है वो पिक्चर का आखिरी सीन है। मेरे को लग रहा है कि आखिरी में जब बैटमैन बदल गया है कि अब आखिरी में वो फाड़ डालेगा कि मारने के बाद आई मेरे को ऐसा लग रहा है ना वो इसका इनिशियल फेज में ऐसा दिखाएंगे ना कि भाई बैटमैन जब स्टार्ट किया था तो उसको ये सब फर्क नहीं पड़ता था, जिंदा मतलब अभी रहे, भी डिस्कवरी कर रहा है ना सोसाइटी को, वो किसी एक्सप्लोर कर रहा है। दूसरा ही साल है। हाँ मे बी इन फ्यूचर वो डिसाइड करे कि नहीं मारना नहीं है चाहे सामने वाला कितना भी बुरा रहे, अगर वैसा है तो हाँ एपिक हो सकता है वही अभी क्योंकि और आर रेटेड होनी चाहिए आई थिंक। आर रेटेड होनी ही चाहिए, मैं बता नहीं रहा तो मजा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। और ट्रेलर देख के लग रहा है कि आर रेटेड होगी बट कुछ नहीं कह सकते हैं भाई, स्टूडियो डिसाइड करे कि नहीं मेरे को पैसा और रिस्क ले सकता है। ठीक ना वैनर ब्रदर्स, अगर वो ऐसे देख के चलेगा कि ज्यादा ऑडियंस को दिखाए, लेकिन वैसे देखोगे ना पिक्चर का टोन सबके लिए नहीं है। ठीक ना, बच्चों के लिए नहीं समझ में आने वाली पिक्चर, बच्चों के लिए बहुत सारे मतलब जो अगर कुछ और एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे, डीसी की मूवी से जनरली लोग तो एक्सपेक्ट करती हैं कि डार्क है, लेकिन हो सकता है कि जैसा अभी शज़ाम और एक्वामैन चल रहा है वो ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके जाए कि मेरे को ऐसा मूवी देखना है, तब मेरे बैटमैन उनके लिए नहीं है, बैटमैन उनके लिए नहीं है। नहीं आर रेटेड होनी तो चाहिए, देखते हैं। लेकिन अभी क्या शूटिंग कंप्लीट हो ही गई है और पैटिसन ने एक पिक्चर के लिए और साइन किया हुआ है। पढ़ा था डीसी यूनिवर्स में। क्या यार, तब तो बढ़िया है, मेरे ख्याल से वो फ्लैश पॉइंट वाला कहानी कुछ कर वो लंबा साइन किया है, वो जो इस बार साइन किया है ना कॉन्ट्रैक्ट वार्नर ब्रदर्स के अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपनीज भी आते हैं ना, मतलब सीरीज वीरीज जिसमें बनते हैं वो सबसे लेकर सब के लिए साइन किया है। मतलब हो सकता है कि मूवी में नहीं तो हो सकता है किसी सीरीज में या कहीं भी दिख सकता है, कहीं भी मतलब वैसा साइन किया है। मैंने न्यूज़ ऐप बना के डाला, तुमने डाउनलोड करके देखा नहीं? अरे आज तुमने भेजा हुआ था तो मेरे को लगा कि किसी ने ऐसे ही बनाओ ना के कुछ नहीं ना किया तो तुमने डाला कि क्या, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा लिखा भी तो नहीं था उसपे। किसपे? इंस्टा पे? हाँ बस मतलब कि कुछ लोगों को टैग किया हुआ था और ऐसे ही कुछ देखे नहीं होगे? नहीं मैंने बहुत ज्यादा स्टोरीज हो गए थे, स्टोरीज बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए टैप 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 कर क्रिया आगे बढ़ गया। नहीं मैं देखा कि अभी डाउनलोड करो, अभी देखो अभी हाँ मैं सारी ऑडियंस से कहता हूँ ठीक है आप सब लोग डाउनलोड करिए। किस नाम से? किस नाम से? नडी न्यूज़ प्ले स्टोर पे। इतना मेहनत किया भाई, 4 महीने लग गए, सब करेंगे डाउनलोड मेरे साथ ठीक है ना। अभी पहले पे यार 4.9 की रेटिंग, क्या जोरदार। काफी हल्का है, बना दिया 7.7 एमबी का ही। अभी तो बहुत सारे बग्स हैं, पहला रिलीज है ना अभी। तुम मतलब इस कॉल से पहले मैं दूसरे मतलब एक और फ्रेंड के साथ मिलके सब इसी ऐप पे काम कर रहा, तो इसी का मतलब बग फिक्स पे ही काम चल रहा था अभी।
चलो कब तक ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी भगवान? 15 दिन 10 दिन में ट्राई करूंगा, फिक्स कर दूं। माइनर बग है, उतना कुछ मेजर नहीं। जो मेन काम ऐप का वो काम कर रहा है भाई, न्यूज हाँ दिखाता है, न्यूज हाँ दिखा रहा है, माइनर इधर उधर का बग है अच्छी बात वो है फिक्स यार, हो जाएगा। फिर 1-1.5 साल बेचना भी इसको भी 40-50 मिलियन डॉलर्स में। इन शॉर्ट वाले लोग खरीद अरे लें, यार टारगेट तो वही है। देखो क्या करते हैं, खरीदने के लिए बेचने के लिए आदमी थोड़ा तैयार। मैं जानते हो ऐप इसलिए बना दिए ना, हाँ बीच में इधर मेरे को क्या फील हुआ कि वर्क फ्रॉम होम में कभी कभी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा देख रहा देख रहा देख रहा देख रहा, देखा कि 1.5 घंटा मेरा खत्म हो गया। मेरे को लगा कि नहीं, इस टाइम पे कुछ कर लिया जाए तो बेटर है, हाँ अरे नहीं, लगा कि काफी चलो ऐप अच्छा है बनाए। बनाया कसम से, मतलब सही सही, मेरे को उसका इंटरफेस काफी अच्छा लग रहा है, अरे बहुत टाइम लगा भाई बहुत इसमें। खूबसूरत मतलब स्क्रैच इंटरफेस से है। नहीं हाँ बनाया गया है, टेम्पलेट लेके बनाया गया है, अभी फिर बहुत बैकएंड का खूबसूरत। पूरा काम किया है। अरे मेन बात अपना इसी का है ना, ज्यादा कुछ तो है नहीं। हाँ न्यूज मिल रहा है डेली का, और क्या चाहिए। वही, और जो और लोगों को चाहिए सुपर हीरो न्यूज, अच्छी बात है यार। कभी कभी अपन भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है क्या नहीं करना है, कम से कम ऐसे न्यूज तो मिलती रहेगी। स्वाइप अप करके देखते रहना। हाँ कि भाई क्या है कि चलो एक डाउनलोड बढ़ा कोई मेरा दिक्कत, अरे सब सब अचीवमेंट। करेंगे, इधर से इधर से सब करेंगे, सब डाउनलोड करेंगे। मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगा प्ले स्टोर की। अभी खाली प्ले चलो स्टोर पे है थैंक यू। कि ऐप स्टोर पे भी आ गया? नहीं, ऐप स्टोर पे नहीं, अभी किसी को वो आता नहीं था। स्विंग में बनता है शायद iOS का ऐप, मेरे फ्रेंड में कनेक्शन में किसी को नहीं आता था ना मुझे आता था। जावा का थोड़ा मोड़ा नॉलेज है तो उसी से देख लो, अगर कर लिया एंगेजमेंट ऑडियंस की अच्छी आ जा रही तो वो भी डालो, क्या iOS में। दिक्कत है। हाँ 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 iOS में वैसा रहा तो फिर भाई किसी से बनवाना पड़ेगा, और क्या यार, पैसा किसको iOS का खराब है नहीं। लगता है, मैं बता रहा हूँ। हाँ 10 रुपए आने चाहिए, जाने नहीं चाहिए, बस। कुछ वही, नहीं है तो दिन का एक कप चाय निकल जाएगा। और क्या। और क्या। तो यही यही चल रहा था मेरा हाँ लास्ट 2-3 मंथ से। बीच में तो ब्रेक लग गया, लास्ट हाँ 3 मंथ से 4 मंथ से मैं इसी मैप में लगा हुआ वही था। बात है ना, वही बात कर रहे थे पिछली बार हम लोग लाइव स्ट्रीम करते, लाइव स्ट्रीम देखे थे तुमने? चैरिटी लाइव स्ट्रीम की मैं थी मोहित के चैनल पे? देखा नहीं था, नहीं बहुत नहीं लंबा था भाई, मेरा हिम्मत नहीं बहुत, हुआ उस हाँ नहीं टाइम वो उतना मैं। लंबा किसी को हाँ देख, कोई नहीं देख पाएगा। हाँ लेकिन मैं हम देखा कि लोगों किया, ने फिर मैं स्टोरी में मेंशन किया भाई मोहित भाई को कि तीस तीस कॉन्ग्रेचुलेशंस, हजार तक सक्सेसफुल हुआ था। हम लोग उतरने वाले थे 30,000 पे। मोहित कह रहा था कि ठीक है हाँ मैं और ऐड करके हम उसको हाँ कर देंगे, लेकिन पता है और लोगों ने कहा, इंसिस्ट किया, नहीं 50 तक करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या, रात हो जाएगी यार, मेरा भी खुद मन उबने लगा था इतनी देर बैठे बैठे। कर नहीं, फिर बाद में जब बोला कि अब 50 पे उठेंगे तब लोगों ने करना शुरू किया। भाई तब कह रहे 52 सही है। 53,000 मेरे को मोहित भाई ने उस ला। टाइम मैसेज किया, उस टाइम जो मेरा कंडीशन था ना, मैं मतलब एक लाइन बोल रहा था, खांस रहा था, फिर सांस फूल रहा था, मेरा यही हो रहा था। मैं सोचा कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का भी कंसिस्टेंसी देख ही रहे होगा आजकल बहुत नहीं कमी आए, है। नहीं बहुत मेन हाँ बात क्या होती है ना कि कम्युनिटी अकेले कभी ग्रो नहीं करती है, जब एक लोग होना ही पड़ता साथ है। साथ में लोग जब चलते देखो हैं ना, तभी ये इफ कम्युनिटी लाइक इफ जिंदा आई रहेगी। यूट्यूब यूट्यूब चैनल अगर तुम बनाए हो तो प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी कॉपीराइट का इश्यू आएगा, कभी कुछ आएगा। उस कंडीशन में एक कम्युनिटी ही हेल्प कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और हम लोग का जैसा कैटेगरी है, कब डिसाइड करे डिज्नी वाला, वार्नर ब्रदर्स वाला, या कोई भी फिल्म प्रोडक्शन वाला कि नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए इसका कंटेंट, एक बार में 10 कॉपीराइट स्ट्राइक लगाएंगे, चैनल डेड हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कब कभी भी डिसाइड कर सकते हैं। डिज्नी वाले लीनियंट है इतना इसलिए ना कि भाई कितना भी उनका क्लिप उठा के डाल दो वो कॉपीराइट नहीं लगाते। नहीं, लेकिन कभी मेरे को कभी नहीं हुआ कि पहले हाँ भाई पहले मैं मेरे को एक एक डिज्नी मिनट कर वाले से दूं। प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा, जैसे ना आदमी थोड़ा थोड़ा रिस्क बढ़ाता रहता है कि चलो 2 सेकंड से 3 सेकंड करते हैं, 4 सेकंड करते हैं। कल मैंने 8 सेकंड की क्लिप डाली यार, कुछ नहीं हुआ। मैं 1 मिनट का पूरा क्लिप डाला हूं, कोई हाँ इशू नहीं हुआ। कोई इशू नहीं वार्नर यार। ब्रदर्स से मेरे को कितना दिक्कत है, मैं ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो बनवाया था जोकर का, ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो था, ओरिजिनल म्यूजिक था, ओरिजिनल सॉन्ग था, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्लिप जोकर का डाला हुआ था। अपलोड करते के साथ कॉपीराइट, अपलोड करते के साथ विद इन लाइक 15 या 30 मिनट्स में मैनुअल रिव्यू के साथ
मैनुअल रिव्यू के साथ बताओ, मैनुअल रिव्यू से कॉपीराइट लगाया। मैं उसका क्लेम किया कि ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो है, ओरिजिनल ये है, बीच में जोकर का क्लिप यूज किया गया है, और मैं मेंशन भी किया कि इससे प्रमोशन ही हो रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं है। उसके बाद भी रिजेक्ट कर दिया, नहीं मेरे को चाहिए इसके जो $50 बनेंगे वो मेरे को चाहिए, पूरे चाहिए। क्यों भाई क्यों? मूड भड़क जाता है वार्नर ब्रदर्स पे। मेरा, मैंने एक रूल बना के रख लिया है, जब उन्होंने मेरी शायद एक बार किसी वंडर वुमन वाली वीडियो पे उन्होंने कॉपीराइट क्लेम डाल दिया था, मेरा मूड भड़क गया था। कई लोग पूछते भी हैं, क्योंकि डीसी वाली कुछ वंडर वुमन हार्ली क्विन को लेके ज्यादा वीडियोस मेरी बनी हुई है उसके ऊपर। अच्छा। तो लोग पूछ रहे थे कि कैसे तुम क्लिप्स यूज कर लेते हो, तो मैं बताया कि कुछ भी हो जाए, धरती फट जाए, आसमान टूट जाए, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं 3 सेकंड के ऊपर जाऊंगा ही नहीं चाहे जो हो जाए। अच्छा। 3 सेकंड की क्लिप यूज करूंगा, फिर कुछ और करूंगा, फिर वापस आऊंगा। मैं तो मेरा तो ये हो गया है कि मैं अगर वार्नर ब्रदर्स की वीडियो बना रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट यूज करूंगा, वीडियोस यूज करूंगा ही नहीं। वीडियो मेरे में क्या पता, मैनुअल रिव्यू लगा रखा है, क्या कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, भाई वीडियो डालो तुरंत मैनुअल रिव्यू करके वार्नर ब्रदर्स वाले कॉपीराइट लगा देते हैं। मेरा एक वीडियो नहीं है वार्नर ब्रदर्स का जिससे मेरे को 1 रुपया आ रहा हो। अरे एक तारीख से ये भी तो इनका ये यूट्यूब का चालू हो रहा है कि उनका नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल वीडियोस पे भी अपना वो लोग ऐड आएगा, वो अपना पैसे छापेंगे, अपना देंगे नहीं। और एक ये भी है, मैंने इनकी पॉलिसी में पढ़ा था, जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस, मैंने इसे ऐसे ही पढ़ रहा था कि क्या है क्या नहीं, अपडेट आया था तो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि अगर आपने कोई वीडियो अपलोड की है और उसपे तो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ सकती है, ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपने वो वीडियो डिलीट भी कर दी है, इट डजंट मैटर कि वीडियो 3 साल 5 साल या 10 साल पुरानी है, अगर वो आज की कम्युनिटी गाइडलाइंस से मैच नहीं करती तो भी आपको स्ट्राइक आ जाएगी। डिलीटेड वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आएगी भाई साहब। तो ऐसे तो कितना रहता है, मैं तो WWE के वीडियोस बना के डालता था। सोचो मतलब उस टाइम जो रूल था अब आज के हिसाब से मैच नहीं करेगा, डिलीट कर दियो तो भी आएगा। स्टोर क्यों कर रखे हो भाई, मेरे प्राइवेसी का क्या बात हुआ? वही बात है ना यार, मैं तुमसे लैपटॉप के बारे में सर्च कर पूछ रहा था ना। हाँ, तो मैंने अभी मूड बना लिया है लेने का, तो मेरे को 3-4 दिन से बस यूट्यूब पे उसी के ऐड आ रहे हैं लैपटॉप के। वो तुम सर्च कर लिया अगर एंड्रॉइड में, एंड्रॉइड तो है भाई गूगल का, कीबोर्ड पे कुछ सर्च मार दिए तुम तो वो आना ही आना है। मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि मेरे को व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया कुछ को लेकर, जैसे कुछ दिन पहले मैसेज किया व्हाट्सएप पे क्या, तो आई थिंक डिश वॉशर के बारे में। मैं कभी सर्च नहीं किया डिश वॉशर, किसी ने मुझको ये व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई घर के लिए डिश वॉशर लेना है। मैं बोला भाई इतना तो अमीर नहीं हम लोग की घर में डिश वॉशर, हम लोग तो हाथ से ही धोते हैं बस इतनी बात हुई है। तो मुझे उसके बाद से मेरे को अमेजोन पे डिश वॉशर का दिखा रहा है सबसे ऊपर दिखा रहा है डिश वॉशर सबसे ऊपर। मैं सोचा कि भाई व्हाट्सएप से तो इतना नीडी आदमी नहीं हूं, और व्हाट्सएप से डेटा तो अगर लीक नहीं हुआ है तो इन द एंड बचता है कीबोर्ड। मैं कीबोर्ड में टाइप किया हूँ भाई, तो कीबोर्ड से भी वो लोग डेटा लेते हैं। तो ये आज के टाइम पे प्राइवेसी नहीं है, इसीलिए बताया मैं अभी ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो खुद ही रेकमेंडेशन नहीं देता उस पे। कीबोर्ड तो एंड्रॉइड का यूज कर रहे होगे। हाँ, लेकिन गूगल यूट्यूब से दूर से कहाँ जाओगे तुम, ठीक है। एक कोई वेबसाइट देखा था मैं, गूगल का ही है, गूगल वाला उसमें पब्लिकली बता देता है कि वो आपका कौन कौन सा डेटा लिया हुआ क्या था, तो उसमें तुम देख सकते हो कि तुम्हारा उसमें सारा रहता है, तुम्हारे क्या क्या इंटरेस्ट है ये भी है, तुम्हारा अगर सुपर हीरोज में इंटरेस्ट है वो भी है उसको पता गूगल को, तुमने क्या क्या सर्च किया पूरा हिस्ट्री रखा है। हाँ, नहीं, अच्छा बात ये कि वो तुम देख सकते हो। मैं क्या यार, उसमें है अच्छा कि भाई रिमूव कर सकते हो वहां से। मेरा क्या प्रोटोकॉल है कि अगर कुछ भी इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ चला रहा हूँ तो मैं लॉग इन नहीं रहता अपने कंप्यूटर में जब तक नेसेसरी नहीं। अगर वीडियो अपलोड करनी होती है लॉग इन करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर लॉग आउट करता हूँ, हमेशा लॉग इन नहीं रहता। मैं तो भाई सब चैनल वैनल हैक वैक जब हुआ तो, और
सबका चैनल हैक हो रहा था ना उधर, मैं सोचा कि भाई बहुत रिस्की चल रहा, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता ऑन ऑन कर लिया भाई डर के मारे पूरा, जब भी लॉग इन कर रहा ओटीपी आ रहा फिर कर रहा, तब सब तो कुछ बोल रहे थे कि की भी आता है कुछ थर्ड पार्टी की आता है, उतना करने का मेरा नहीं सोचा कि भाई मैं क्या अब खुद घर की चाबी तो मिलती ही नहीं है मुझसे, तो हैक तो जनरली वही हो रहा है, स्पॉन्सर ईमेल आते sponsor, हैं वो तो दिन भर आते ही रहता है। अरे एक एक स्पॉन्सर तो इतना रियल लग रहा था मेरे को कि अरे डोमेन वुमेन के साथ रहता है पूरा एकदम, आप कहते आप वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड करिए लिंक नहीं वो क्या ये वीडियो एडिटर मेरे पास ही आया है। अरे बाबा मेरे पास ही आया है, उसी के चक्कर मेरा एक लैपटॉप खराब हो गया ना पुराना वाला, अच्छा उसके बाद से मैं उसे ढंग से नहीं चला पाया कभी भाई। मैं स्पॉन्सर, मैं इसलिए स्पॉन्सर बहुत सिलेक्टिव लेता हूँ, बहुत सिलेक्टिव, कुछ लगा कि है तब लिया, मैं कैश करो वालों को भी नहीं ले रहा अभी मेरे को ये कैश करो वाले से लग रहा है कि भाई अब रहेगा मेरा जो रहेगा देखने वाला लोग है वो पैसा एक तरह से देगा किसी को, अब इनडायरेक्टली भले सामान ले रहा है जो भी कर रहा है लेकिन पैसा इन्वॉल्व रहता है जहां ऑडियंस का। अभी अभी बताए अभी आज ही एक ब्रांड से बहस हो रही थी, ठीक है, तो उन्होंने अभी पता नहीं, अभी डील कंफर्म नहीं हुई है, मैं अच्छे अमाउंट का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है नाम नहीं बताना, नाम स्ट्रीम के बाद वीडियो के बाद, हाँ मतलब कि उनसे एक बार काम कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। एक वीडियो आई थी, उन्होंने बोला था कि ठीक है आप वीडियो बनाइए क्या है कैसे नहीं है, तो मैंने वीडियो बनाई और इंटीग्रेशन लगाया सब कुछ क्या है ठीक है, बोले कि अप्रूवल होने में टाइम लगेगा, इंडियन ब्रांड होगा, हाँ इंडियन है, ठीक है अप्रूवल हो जाएगा आपका, आप पब्लिक कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिंक उंक लगा के सब कर दिया, मैं भैया बोला कि भाई मैं पेमेंट का इंतजार कर रहा हूँ क्या हुआ, तो बोल रहा है कि आपको हमारा जो URL है पूरी वीडियो में लगाना, मतलब वीडियो के ऊपर नहीं पूरे वीडियो में ही मेंशन URL दिखना चाहिए हमारा साइड में पूरे पूरे वीडियो में। मैंने उन्होंने बताया था URL रहना चाहिए, यह नहीं बताया था कि जो हमने इमेज प्रोवाइड तो, की है एकदम पॉप करके इमेज प्रोवाइड एकदम वाइब्रेंट तौर से पूरा वीडियो का एकदम कस्टम खराब हो जाता है, ठीक है जैसे नहीं मैच चलता रहता है फिर एक आ जाता है URL पूरी वीडियो। हाँ। तो मैं क्या यार, मैंने अपना इसे टेक्स्ट टाइप करके URL लगा दिया और उसकी क्या ओपेसिटी कम कर दी, ठीक है उसमें भी दिक्कत, हाँ वो दिक्कत। तो मैं बोला वीडियो चढ़े 2-2.5 घंटे हो गए यार इसको, अभी भी बोल रहा है अभी पेमेंट आपकी निकलेगी नहीं, आपने ऐसे अप्रूव हुआ नहीं है। अब मेरा दिमाग इसमें परेशान हो गया कि यार ये लोग तो पहले वीडियो बनवाए पब्लिक करवाए, मैं पेमेंट का फंसा रहे हैं, तो फिर बाद में मैंने उसको ब्लर किया जो मेंशन वीडियो में URL ब्लर किया, वीडियो एडिटर से वो मेंशन वाला पार्ट काटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैंने पूरी वीडियो में URL जैसे बताया था किया, क्योंकि अब तो फंस चुका था क्योंकि दो घंटे के लिए ऑडियंस तो देख ली ना उसको जो भी 40-50 हजार वीडियो एक बार लाइक इफ तुम अगर इतना सब्सक्राइबर के साथ एक वीडियो पब्लिक करके डिलीट करके फिर से री अपलोड नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं एक पूरा चैनल ये हो जाएगा। 5 मिनट का अंतर नहीं ना था, 2.5 घंटे का डिफरेंस था, वही 5 मिनट में करने में दिक्कत होता है और क्या, 5 मिनट में दिक्कत जो करना है पहले डिसाइड करो, रिव्यू करने का मतलब ही होता है कि भाई आप देख रहे हो पूरा देख के डिसाइड कर लो तब आप पब्लिक कर, वही ना मैं फंस गया उसके साथ में फंस गया था, फिर नेक्स्ट वीडियो में किया, फिर उन्होंने पेमेंट इनिशिएट की, तो फिर बाद में 3 दिन बाद मैंने खुद ही फिर काट दिया उसको, फिर ब्लर कर दिया दूसरी वीडियो में। अच्छा फिर वो भड़क गया कि क्या आपने ऐसा क्यों किया क्या नहीं किया, मैं बोला मैंने डायरेक्ट बोला कि मेरा आपके साथ काम का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है जो भी है। 3 दिन में भी उसको अच्छे खासे व्यूज आ गए थे, लेकिन कह रहा था कि आपको हटाना नहीं था, मैं बोला ये तो कोई बात नहीं हुई थी, नाम भेजो जरा, नाम भेजो जरा मेरे को ब्रांड का व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब उसके बाद से बंदा लिटरली मेरे को कम से कम 15-20 बार काम फोन कर चुका है पिछले 7-8 महीनों में, कर लीजिए ठीक है, हर बार इसी बात पे बात आके फंस जाती है कि आपको पूरी वीडियो में करना है। अरे अब छोटे में करके कर दीजिएगा, कह सारे मैं तुमसे बात छोटे में करके देख चुका हूँ तुम्हारे साथ,
मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या मेरा, काम है। मेरा वैसे ही एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, एक बार तो बहुत रिसेंट हुआ, मेरा दो बार हो चुका, एक बार बहुत ऐसे हुआ था, उसका मैं वीडियो पब्लिक किया ही नहीं, कभी नहीं किया। हाँ। मैं हटाया वीडियो एड वैड हटा के, मैं मेरा बस यही हो रहा था, जा रहा था रिव्यू के लिए दे रहा था, ये करो, फिर रिव्यू के लिए दे रहा था, ये करो, 4 दिन 5 दिन यही कर रहा करवाया, ये करना है ये हाँ, भी हाँ, एक ही बार में बता दो भाई, ये जो रिविजन्स कराते हैं ना ये बहुत खराब लगता है, ये चेंज करा करा के। मैं बोला कि मुझे नहीं करना है, मैं डायरेक्ट ईमेल में रिप्लाई किया कि मुझे नहीं करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। उसके बाद मैं वो वीडियो से एड क्रॉप किया, पब्लिक कर दिया। ये मेरा दूसरे चैनल का बात है, देसी नर्ड मूवीज वाले पे, दूसरे चैनल पे मैं ये किया। फिर रिसेंटली एक हुआ था, बहुत रिसेंटली हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रांड थी कॉन्टेक्ट की, आराम से मीटिंग हुआ, 1-2 घंटे की मीटिंग हुआ, पूरा डिस्कशन हो गया कि हाँ ये हो गया, फाइनल हो गया कि हाँ भाई तुम कर रहे हो। बोला उन्होंने कि करना, वीडियो का स्क्रिप्ट भेज देना, वीडियो बना के रिव्यू के लिए भेज देना, और नेक्स्ट डे हम लोग अप्रूवल करके भेज देंगे, उसके बाद पब्लिक कर देना। मैं बोला ठीक है, मैं डिसाइडेड डेट पे वीडियो बनाया, लिंक भेज दिया, सब कुछ कर दिया, उधर से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। हाँ। कुछ रिस्पॉन्स नहीं, ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद मैं बोला कि मैं वीडियो पब्लिक कर रहा हूँ, मैं वीडियो पब्लिक भी कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कितना वेट करूंगा रिस्पॉन्स हाँ। आने का। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग का डील फाइनल नहीं हुआ हो पाया था। तो मैं बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं, हम लोग कॉल में डिस्कशन हुआ, हम लोग का डील फाइनल हुआ है। हाँ। नहीं, अगर वैसा होता तो हम लोग ईमेल में आपको रिस्पॉन्स करते उस कॉल के बाद। तो भाई उस टाइम जब फेस टू फेस बात हो रहा था गूगल मीट पे, तो आपको उसी टाइम बोल देना था कि हाँ फाइनल नहीं हो पाया है, हम लोग नहीं इंटरेस्टेड आपके साथ। और वो बहुत बड़ी ब्रांड है, मतलब बड़ी ब्रांड है, मतलब बहुत बड़ी, बताऊंगा बाद में। तो ऐसा हो, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड, मैं कॉन्टैक्ट दिखाता हूँ, अगर देखता हूँ, अगर नाम सेव्ड नहीं है तो। मैं बताए, मैं एक्चुअली में ना स्पॉन्सर्स वाला मैटर ना, अगर फेस कैम वाली वीडियो है तो चेहरे पे देख के समझ जाता है कि आदमी क्या कर रहा है, ठीक ना। मैंने अमन का भी एक डेडिकेटेड स्पॉन्सर वाली वीडियो थी, ठीक है, डेडिकेटेड किसी चैनल के लिए थी, तुमने देखी होगी। मैं चेहरा देख के समझ जाता हूँ कि बंदा क्या फील कर रहा है, किसी ठीक चैनल के लिए थी, है। मैं मेरे को याद नहीं है। क्योंकि ये बात कुछ और करते हैं, फिर काम कुछ और करते हैं, क्योंकि बताए उस बंदे के साथ 3 दिन में उसको व्यूज काफी अच्छे मिले थे, क्योंकि वो खाली नंबर्स देखते हैं, उसको कुछ मतलब नहीं होता है कंपनी में। कुछ नहीं रहता। तो फिर बोला कि नहीं आपको करना है कि क्या है क्या नहीं है। फिर मेरे से भड़क के बात कर रहा है कि, फिर मैं बताया कि यार सर तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम मेरे पास आए हो काम करने के लिए, वो वीडियो ऐसे भेज रहा है कि मैंने गलती की है ब्लर करके, क्योंकि दूसरे एडवर्टाइजर्स के थ्रू भी आते हैं ना सब, कि देखो इन्होंने हमारी वीडियो ब्लर कर दी थी, क्या है क्या नहीं था, कि मुझको बुरा दिखाने क्या कोशिश कर रहे हो तुम भाई। ये मैं तो तब से मैं यही करता हूँ कि इंडियन ब्रांड्स का अगर आए, मैं तो नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये लोग बहुत ये करवाते हैं, मतलब रिवीजन पे रिवीजन काम होगा, करने ये का होगा। तरीका, मैं सीधा, बताओ मेरे को चुकी आता है फॉरेन का कोई आया अगर कि भाई ये करवाना, मेरे को पता है ये 1-2 मेल करेगा, कोई कॉल कोई मीटिंग कुछ झमेला नहीं, ये लोग को कुछ नहीं जाना, वीडियो का टॉपिक है, ये लोग डलवाएंगे शांति से, पैसे देंगे, अरे निकल लेंगे। जब ये जो चाइनीज ऐप बैन होने से पहले चाइनीज ऐप का बहुत प्रमोशन हो रहा था, वॉलपेपर वाला, तो क्या है क्या नहीं है, अभी तो कुछ नहीं आ रहा, वो एक रेट पे काम करते थे, ठीक ना, वो काम उनके साथ फिक्स काम करते रहता बहुत था मजा भाई, आता है। वो सिंपल देते थे कि इतना से इतना व्यूज आया, हम लोग इतना देंगे, इतना से इतना है, ठीक है, और कोई बहुत झमेला मजा नहीं, आती थी उनके काम, लिटरली बोलू। वीडियो का सैंपल दे देंगे कि हाँ ऐसा वीडियो रहेगा, एक इसी टाइप का बनाना है। मैं बोला ठीक है, एकदम एग्जैक्ट जो वो बंदा बोला मैं वो बोल दूंगा उसमें, क्या उनके साथ मेरे को काम करने में आज तक बहुत मजा आई है। क्या एक्चुअली में क्या हुआ था कि उनका कोई एक बार मसला हुआ था कि उन्होंने वीडियो अनलिस्टेड लिंक मांगी थी और मैंने दी थी, कोई डेडपूल वाली वीडियो थी, और उनका एक डेडपूल 2 का एक सीन नहीं होता जहां पे वो एशियन लोगों को स्पा में मार रहा होता है कि किस पैरों के बीच में वो कपड़े सीन आ गया फंसा के, वो सीन था। उन्होंने स्पेसिफिक होके बोला कि यहां से आपको रिमूव कर दीजिए,
अच्छा हाँ भाई, मतलब हाँ कि वो चाइना वो वालों बताओ, का है देखो ना बहुत, चाइनीज लोग अपने इमेज को लेकर कितने कंसर्न है। बहुत ज्यादा। सोचो मैंने उसके अलावा मैंने उस और वीडियो में डेडपूल का सेक्स सीन दिखाया है, वो प्रॉब्लम नहीं आई है वो। वो हाँ पूरा मतलब सोच रहे हो, अगर वो 30 सेकंड का ऐड डालने के लिए बोले हैं तो वो पूरा हाँ वीडियो भी देख रहे हैं। ऐसा हाँ नहीं कि वो 30 सेकंड का पार्ट देखा, वीडियो एंड कर हाँ दिया, हाँ जबकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो नहीं में नहीं तुमने ना क्या मैं बोला बिल्कुल क्या है, नहीं, मैंने फिर भी एक पूरा बार वीडियो ऐसे देखे ऐसे गए। एक आध वर्ड बोला है हमने उनके एडवर्टीजमेंट वाले वर्ड में, हंस के बोला है, हाँ सरकास्टिक वे में हाँ बोला, उनको कोई दिक्कत नहीं हाँ आई। कोई नहीं, दिख रहा है हाँ सबसे सबसे। बस सही सब सही। देखो वो एड एजेंसी जो कांटेक्ट की थी उसका क्या नाम सेव करके रखा, दिख रहा क्या अभी नहीं दिख रहा है, अब? नहीं नहीं बताओ ना दिखेगा तुम, तो नहीं दिख रहा है। मैं लिखा ही अनप्रोफेशनल एड एजेंसी कि भाई इन फ्यूचर कभी भी कांटेक्ट किए ये लोग, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा या कॉल उठा के काट दूंगा, यही करने वाला कि भाई। नहीं मैं उससे भाई जो अपना जो मेरे को कॉल कर चुका है कई बार बता, मैं मुझको समझ ही नहीं आता, जब मैंने तुमको कई बार इसी बेसिस पे मना किया है कि मैं लिंक नहीं लगा पाऊंगा तो तुम मुझे क्यों कांटेक्ट करो बार बार। भाई एक बार हो गया तो कौन सा कंपनी है भाई जो पीछे पड़ गया? ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि भाई और पीछे पड़ वही गया। आज आज तो वही इसी बात पे मैं भड़क गया कि मुझको बुरा दिखाने के लिए वो एडवर्टाइजर्स को वीडियो भेज रहा है कि देखिए इन्होंने ब्लर कर दी। वाह, दूसरों की तुमको कांटेक्ट ना करे कोई और। हाँ मतलब कि मैं बताऊँ ना, मैं 3 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ किससे किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। हाँ। मैं अपने जो जो मेरा बिजनेस रिलेशन है एडवर्टाइजर्स के साथ, मैं तो सीधे बोल देता हूँ, देखो यार ये प्रमोशंस वाले जो हैं आज हैं कल चले जाएंगे, उसके बीच में हमको हमारा तुम्हारा रिलेशन खराब नहीं करना, ठीक है। उनका बस एक ही है भाई, व्यूज कितने चैनल में उससे मतलब है, उनको बस सब्सक्राइबर्स से भी उतना मतलब है। व्यूज एवरेज व्यू कितना आ रहा वो देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो रेट डिसाइड करेंगे। बार्गेनिंग तो कितना होती है पता ही है भाई, अरे यार ये जब से ये वो इंडिया चल। वाले करने लगे हैं ना, सबसे बहुत घटिया मार्केट कर रहे हैं। मैं इसीलिए आज तक टोटल टोटल आई थिंक 4 या 5 स्पॉन्सरशिप किया हूँ, उससे ज्यादा नहीं किया। मैं बोला भाई पैसा नहीं चाहिए मेरे को, मेरे जॉब से मेरा इनफ आ जाता है, मेरे को यूट्यूब के पैसे की जरूरत नहीं है, मैं साइड में कर रहा हूँ, मजे के लिए कर रहा हूँ, कर लेता हूँ। बीच बीच में मन करता है कि भाई हाँ थोड़ा सा ये ले लेना है वो लेना है, चलो स्पॉन्सरशिप कर लिया जाए, हाँ एक नहीं कुछ जरूरत साइड सबको इनकम पड़ती हो है। जाएगा। हाँ सबको पैसा जरूरत पड़ती किसको है। अच्छा नहीं लगता भाई, हाँ और पैसा किसको नहीं नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। कोई अगर यूट्यूब पे आके ये बोले कि पैसा के लिए नहीं कर रहा है, वो पॉइंट नहीं बनता, मैं बता किसको और एक्चुअली पैसा मैं नहीं चाहिए पैसों के लिए ही यूट्यूब शुरू किया था मैंने। भाई। सब सब वही करते हैं। मैं पैसे के लिए नहीं किया था, मैं तो मजे मजे में, क्या नसीब से, आओ सही बोल रहा हूँ, मैं मजे मजे में किया था। होता है ना 6-7 के बच्चे का चुल मचना वैसा वाला, मैं स्टार्ट कर दिया था बस कि हाँ कुछ करते हैं क्या करना है, कुछ था नहीं तो हूँ एकदम इंट्रोवर्ट, बाहर बाहर जाना उतना पसंद नहीं, तो बस चालू कर दिया और चल गया तो चल गया, चलो ठीक है। तो पैसे के लिए नहीं स्टार्ट किया था, लेकिन पैसा आने लगता है तो भाई मैटर करता है, पैसा मैटर करता है। और वो भी हाँ, एक 6 साल 7 साल के बच्चे को पैसे की, मतलब 10-12 साल के बच्चे को पैसे की जरूरत नहीं है, अब 25 साल का हो गया तो भाई मैटर करता है, पैसा चाहिए, नहीं नहीं भाई जरूरत इम्पोर्टेंट है है। हाँ अपनी पैसा भाई, किसको नहीं आके चाहिए। अब इस एज में अपन अकेले नहीं ना है। हाँ, डिपेंडेंट लाइक उस टाइम तुम डिपेंडेंट रहते हो, एक एज के बाद कोई और तुम पे डिपेंडेंट होता है हाँ भाई कुछ नहीं है तो भाई तो। फैमिली ही आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। अब कुछ नहीं तो कुछ अपना इनपुट अपना कुछ अटेंशन दिखाएंगे। पैसा तो चाहिए, पैसा इम्पोर्टेंट हाँ है, लेकिन बिल्कुल। हाँ मेरा वैसा नहीं है कि भाई मेरे को स्पॉन्सरशिप से भी पैसा हाँ चाहिए, हाँ यूट्यूब वो के ऐड का मैंने भी पैसा चाहिए, वैसा नहीं है कि भाई हाँ जितना आ रहा है मोर देन इनफ है कि भाई मैं अपने अपना अपना फैमिली सब अच्छे से देख सकता हूँ, तो और का नहीं है कि भाई इतना हो जाए इतना हो जाए, वैसा नहीं है। और हो भी तो भाई मेरे को ये किटकिट वाला झमेला नहीं चाहिए कि स्पॉन्सर का हाँ किटकिट किटकिट, भाई अरे मैं वीडियो बना रहा अभी हूँ इसमें क्या करना क्या नहीं करना, वीडियो का टाइटल, इंडियन ब्रांड सारे ये पूछते हैं वीडियो का टाइटल क्या होगा, हाँ उसका उसने स्क्रिप्ट तो शेयर मेरे कर को देना। वो भी रेकमेंड करते हैं कि आप ये वीडियो बनाए वो वीडियो हाँ बनाए, ये वीडियो जो पता बनाओ नहीं वो वीडियो कोई बनाए। ऐसा आया था क्रिप्टो करेंसी ऐप वाला, उन्होंने बोला था कि आप अच्छा क्रिप्टो पे क्रिप्टो आता है, वीडियो। मैं तो वो सब आता है सीधे रिजेक्ट, हाँ मैं बोला क्रिप्टो कि आता है यार मैं रिप्लाई नहीं करता। तुम बताओगे कि मुझे क्या वीडियो बनानी है। हाँ
कोई कोई होता है जैसे कि एक ये सोनी पिक्स वाले, नाम नहीं लेना था हटाओ अमन किया ठीक ना, अमन किया वो डेडिकेटेड वीडियो किया, वो उसके चेहरे पे दिख जाता है कि बंदे के साथ तकलीफ क्या हुई थी, ठीक है, क्योंकि अमन ऐसी वीडियोस बनाता नहीं है, ठीक है। सोनी पिक्स वाले क्या करते हैं, मेरे को भी कॉन्टेक्ट किया था, उन्होंने बोला पहले कि वीडियो बनाना है एक हम लोग का, ये डेडिकेटेड ये प्रीमियर होने वाला है, प्रीमियर होने वाला स्पाइडरमैन का या कुछ कुछ, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना है आपको, वीडियो में एक दो बार बीच बीच में बोल देना है, ऐसे ही लीनियंटली बोलेंगे कि बीच बीच में बोल देना है कि सोनी पिक्स पे आ रहा है, ये टाइम पे आ रहा है, देख लेना वैसा। फिर इन्होंने कॉल रखा, बोलते हैं कि 1 मिलियन व्यू ला सकते हो क्या। मैं बोला कि 1 मिलियन व्यू कहां से पॉसिबल, आप मेरे चैनल का एवरेज देख रहे हो ना। तो मैं बोला कि नहीं, कैसे भी ला सकते हो क्या। मैं बोला कि क्या करके लाऊंगा भाई। मैं समझ गया कि वो लोग बोल रहे हैं कि इलीगल तरीके से व्यू बाई करके या कहीं से भी कुछ जो होता है करके ला सकते। मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं ला सकता। बोला कि नहीं, अगर 1 मिलियन व्यू नहीं ला सकते तो मैं नहीं दे सकता। तो मैं बोला मत दो, नहीं चाहिए। मैं सीधे बोला मत दो, नहीं चाहिए, मैं अच्छा अमाउंट ऑफर कर रहा था, अच्छा अमाउंट ऑफर कर रहा था, सब अच्छा अमाउंट भी ऑफर कर रहा था। वो लोग बोल रहा था कि हम लोग एड भी चलवा देंगे तुम्हारा, मतलब सब, मतलब सारा लालच दे रहा। मैं बोला कि नहीं, मैं चैनल के साथ, भाई ये सब चैनल के एल्गोरिथम के साथ खिलवा दे, ऑर्गेनिकली ग्रो होने दो, जो हो रहा है बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो करवाया वो चैनल, तो होने दो। एड वैट लग जाता है ना तो क्या होगा, सीधे होगा एड चलेगा, ऑडियंस रिटेंशन घटेगा तुम्हारा, ऑडियंस वही आ जाएगी, फिर रिकरिंग ऑडियंस नहीं ना आएगी तुम्हारा, क्या होगा कि सीधे लोग देखेंगे 5 सेकंड का क्लिप, ऑडियंस रिटेंशन तुम्हारा हो जाएगा 0.1-0.2%, नेक्स्ट डे तुमको पता चल रहा है कि तुम्हारा चैनल डेड हो चुका है। एड चलने से यही होता है इशू, कि ऑडियंस तो बस व्यू मिल जाएगा, काउंट हो जाएगा, लेकिन रिटेंशन तो मिलेगा नहीं, वही रिटेंशन मैटर करता। तो मेरे को वैसा नहीं चाहिए, तो मैं मना कर दिया कि भाई नहीं भाई, आप स्पाइडरमैन को भी साथ में रखो, उनका प्रीमियर भी साथ में रखो मेरे को। और वो लोग वीडियो भी बता रहे थे कि वीडियो का टाइटल ये होना चाहिए, स्क्रिप्ट तुम लिखो। मैं बोला कि मेरे को मतलब ही नहीं, मैं अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ, मैं बना दूं, मैं सब कुछ रेडी। यही होती है क्रिएटिव फ्रीडम तुमसे छीन रहे हैं कि भाई अब मैं अपने से टाइटल चूज कर लूंगा। तो उनमें उनको बोला कि ठीक है चलेगा ये टाइटल, मैं बोला कि ये टाइटल मैं चाहता हूँ, इस पे बनाओ, तो बोला कि ठीक है चलेगा। फिर वही जो व्यूज वाला बात आ गया कि नहीं इतना ही व्यूज चाहिए मेरे को, कि ये क्या बात होता है, ये तो पहली बार मैं सुना। भाई अब जितना वैसा कर लो भाई कि इतने व्यूज पे मैं इतने पैसे या जो भी रहता है, बोले कि नहीं भाई वही सब। फिर जितना ये सब जब भी आता है ना, ये जो रिसेंटली अनप्रोफेशनल एड एजेंसी भी है, ये भी कुछ बड़े प्रमोशन के लिए आए थे, तो ये भी वैसे ही किए थे भाई। इन्होंने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया बिना कुछ फॉर्मल रिप्लाई। मेरे से कोई गारंटी मांगता है ना व्यूज की, इतनी ले आओ उतनी ले आओ, मैं बताता हूँ कि मैं 10,000 व्यूज की भी गारंटी नहीं लेता हूँ। मैं फिर सीधे बताता हूँ, मैं कहता हूँ आप मेरा चैनल देख सकते हैं, आप मेरा देख सकते हैं, कितना क्या एवरेज आ सकता है, आप उसके हिसाब से आप बताइए करना है कि नहीं आपको। गारंटी में लेता ही नहीं, छोड़ दिया गारंटी वाला का, मेरे को नहीं, कोई पॉइंट नहीं है कि मैं मेरे जो, मैं तो स्लैब बना लेता हूं कि भाई इतना से इतना आया तो मैं इतना लूंगा, इतना से इतना आया इतना लूंगा, बस वैसा। कोई झमेला ही नहीं कि यार बाकी सब अपना इतना इतना रूल्स रखने लगते हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। स्पॉन्सर मैं इसलिए नहीं लेता, मेरे को झमेला, मैं लिटरली यूट्यूब रिलैक्स होने के लिए करता हूँ। जो ऑफिस का जो लोड रहता है, ऑफिस का काम रहता है दिन भर गाली सुनो मैनेजर का, वो सब की बात, कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं, पसंद करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए मैं बैठता हूँ। भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसलिए मैं उतना वीडियो भी नहीं बनाता कि भाई बहुत ज्यादा वीडियो बना रहा या बहुत कम। एक डिसाइड कर लिया कि हाँ, एक मेरे को न्यूज वाला बनाना है, एक नॉर्मल वीडियो बनाना है जो मेरा मन करे, तो मैं बना लेता हूँ, बस वही है रिलैक्स करने के लिए, मतलब मेरा चिल टाइम हो गया। बस वही है ना, काम प्रेशर में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, काम अगर प्रेशर के साथ होगा ना तो फिर वो जिम्मेदारी हो जाती है कि अरे यार करना ही है।
इसीलिए मैं उल्टी सीधी वीडियो मेरे से क्यों बन जाती है, ठीक है, मैं प्रेशर में काम नहीं करता। वही वही होता ना कि तुमको जो मन किया तुम बना दिए, ठीक है, मेरा आके बोलने लगेगा कि भाई तुम ये बनाओ, मेरे मन नहीं है, नहीं बनाऊंगा अभी, वही ना, अभी पैसे दूंगा। मेरे को आइडिया आया कि कौन कौन सुपर हीरोज बिना कपड़ों के लड़ चुके हैं, कहते यार मेरे को भी जानने का इंटरेस्ट है कि कौन कौन लड़ चुका है, इसी बना देते हैं। कि भाई आइडिया बुरा है लेकिन इतना बुरा भी नहीं, ठीक है, बना देते हैं। इंटरेस्टिंग रहना ही चाहिए, कम से कम बनाते समय बोर नहीं ना हुआ मैं। हाँ, कुछ पता चला, कुछ मजा भी आया, हंसी भी आया, और क्या, इसी वही रहा। पहले मैं सुना था कि जब नया नया मैं आया था, ठीक है, इस कम्युनिटी में जो भी था, ये जो सुपर हीरो कम्युनिटी, कुछ लोग आए थे, मतलब कि साथ में थे। पहली बार किससे कांटेक्ट हुआ था तुम्हारा? सबसे पहले कोलैबोरेशन, मैं तो किसी को मैसेज कांटेक्ट, जैसे कि बात किससे हुई होगी, किसी और चैनल से? आई थिंक अमन भाई से हुई थी। अमन भाई से, ठीक है, तुम्हें कांटेक्ट किया था, क्यों उन्होंने किया था? वही किए थे, वही कोलैबोरेशन होने वाला था उसके लिए। मैं सही में फॉर्मली जाके बात करने के, मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट, बहुत, मतलब मैं अप्रोच करना मेरे तरफ से मान लो कि इम्पॉसिबल है, कि और ऐसा नहीं समझना कि भाई जबर ये बहुत ये ऊंचा समझ रहा है, ये समझ रहा, वैसा नहीं है मेरा, बस मैं अपने में रहता हूँ, ये बात है कि अपने में रहता हूँ मैं, अप्रोच करने में उतना अच्छा नहीं हूँ कि किसी को अप्रोच कर पाऊंगा। मेरे को अमन भाई ने जो एक बार सुपर कोलैब हुआ था उसके लिए अप्रोच किया था, उसी के बाद एक ग्रुप बना था, तो उसी के बाद से जो ग्रुप में तुम भी हो ना, वही ग्रुप शायद उसी टाइम बना था, तो उसी टाइम से वो ग्रुप है। फिर मोहित भाई ने अप्रोच किया था एक बार, वो कि एक जो हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल किए थे ना एक बार वीडियो में, कि उसमें आ सकते हो क्या, तो मैं बोला कि उस दिन तो मैं बिजी हूँ, अगर फ्री रहा तो आप बता देना, मैं आ जाऊंगा अगर फ्री रहा तो। मैं ऐसे ही डायरेक्ट आ गया था बिना अनाउंसमेंट के, तो यही हुआ था लास्ट टाइम, तो बस ऐसे ही हुआ था। मैं किसी को वैसे जाके अप्रोच कभी नहीं किया, मतलब सिर्फ बात करने के लिए। नहीं, वो मैं एक्चुअली मैं आया था जब मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो ज्यादा लोग से मेरी बात नहीं हुई थी, मैं जान नहीं रहा था कि कौन कैसा है क्या नहीं है। फिर बाद में जो लोगों से इनिशियल तौर से जिन लोगों से बात करना शुरू हुई थी, तो उनसे फिर पता चला कि मुझको लोग पसंद नहीं करते हैं यार। मैं ऐसा क्या कि मतलब ये कैसा कंटेंट बनाता है यार, ये क्या है क्या नहीं है। तुम मेरे को भी कांटेक्ट किया ना पहले कभी? शायद बात मेरे को हुई, मैंने फोन किया था कि नहीं किया था? फोन तो रिसेंटली जो हुआ हम लोग, रिसेंटली कुछ महीनों पहले फोन किया था, वो ना कॉन्फ्रेंस पे बात हुई थी। हाँ, पहली बार कॉन्फ्रेंस पे बात हुई थी। हाँ, याद है। हाँ, बस वही हुआ, कॉन्फ्रेंस पे बात हुई थी। उसके बाद कभी कभार बात हुई, ठीक है। फिर वही बात, क्योंकि मुझे धीरे धीरे लगा ना कि लोग मेरे को पसंद नहीं करते क्या, मतलब कि सुनने में आया था कि तुम कैसा कंटेंट बनाते हो, तो कम्युनिटी के लोग तुम्हें मेरा पसंद देखो है। मैं मेरे को याद है कि तुम्हारा 3-4 वीडियो मैं सजेशन में देखा, मैं देखा नहीं था कभी। फिर सबसे पहला जब मैं म्यूजिक वीडियो डाला था तो तुम्हारा भी म्यूजिक वीडियो आया था सजेशन में, मेरे को लगा ओरिजिनल है क्या, देखते कोई ओरिजिनल बनाया है क्या, देखा कि नहीं ओरिजिनल नहीं है। फिर चैनल का देखा पीजे स्प्रिंट, इंटरेस्टिंग लगा, हाँ सही चैनल है, अच्छा चैनल है, यूनिक टॉपिक पे बना रहा है, चलो सही है। बस वही, मैं कभी ये नहीं, मतलब वैसा कुछ इमेजिन ही नहीं किया अच्छा कॉन्टेंट, हाँ यूनिक कॉन्टेंट है। और मेरा एक फ्रेंड है यश नाम का, उसको तुम्हारा चैनल बहुत पसंद, वो भाई दिन रात देखते रहता है, बोलता है कि भाई उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो बोलता है कि हाँ मेरा चैनल भी देख लेगा तेरे से अच्छा कंटेंट, लेकिन पता है मेरा मैं बोलता मैं सच बोलता मेरा कंटेंट बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे देख लेंगे, पीजे अगर एडल्ट कंटेंट देखना फिर पीजे के पास जाओ। मैं वो देखता है, वही सोचा था ना कि भाई कि बच्चे बड़े भी तो हो जाते हैं, उनके लिए भी तो कुछ बनाना जरूरी है। होंगे ही बच्चे बड़े, इसलिए तो मेरे व्यूज कांस्टेंट हो गए हैं कि भाई बच्चे कुछ बड़े होते आ रहे हैं, कुछ छोटे बच्चे नहीं होते आ रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट पहुंच गया है कि यार चलो। फिर बाद में पता चला कि नहीं यार ठीक है अपना। मैं चैनल स्टार्ट किया था ना, मतलब इस कंटेंट पे, मतलब ये चैनल तो मेरा बहुत पुराना है, इसपे बहुत कुछ, बहुत सारा कुछ हो चुका है, बहुत कांड किए, मतलब इस कंटेंट पे मैं, मेरा मतलब ऐसे ही मैं देख रहा था शायद
कौन सा एक इंग्लिश चैनल है इमरजेंसी ऑसम, हाँ मैं सोचा था कि हाँ उसका कंटेंट है, मैं कि ऐसा तो मैं भी बना सकता हूँ, हॉस्टल में बैठा हुआ बोर हो रहा, चलो बनाते हैं, मार्वल की मूवीज देखता, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला वीडियो डाला, अपलोड मारा, और नेक्स्ट डे देखता हूँ कि भाई 16-17 हज़ार व्यूज हो गए। मैं बोला कि सही चल रहा है। मैं व्यूज चैनल खोला अपना, सजेशन में आया सुपर सुपर का वीडियो। फिर मेरे को पता चला कि भाई इंडिया में भी ऐसा कंटेंट बन रहा है। बन रहा है, शुरू हो रहा है। आई थिंक उस टाइम लगता है मेरे से 3-4 महीने पहले सुपर सुपर स्टार्ट हुआ था, अमन भाई ने स्टार्ट किया था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि बस ये हम लोग दो चैनल हैं जो है इंडिया में अभी। मैं बोला कि लग जाते हैं इसमें, फिर क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। फिर लग गया मैं भी वीडियोस पे वीडियोस, स्टार्टिंग के वीडियोस मोबाइल ऐसे लेता था, मोबाइल ऐसे पकड़ा, ऊपर से रुमाल लगाया, ये हो गया मेरा पॉप फिल्टर, रिकॉर्डिंग चालू, बन गया चैनल। और ग्रोथ हो गया भाई, मतलब 5-6 मंथ्स के विद इन 50,000 पहुंच गया था। नहीं, जब मैं आया तो काफी 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 चैनल्स आ गए थे, और उसपे लॉर्ड नोस भी काफी एक्टिव था, काफी ज्यादा एक्टिव था लॉर्ड नोस का। हुआ क्या लॉर्ड नोस का, पता नहीं, डेली के 3-4 वीडियो आते हैं भाई, कॉमिक्स एक्सप्लेन, क्या क्या नहीं था, एकदम मेरा कमेंट सेक्शन में लॉर्ड नोस से बात भी हुआ था, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ कभी, मेरा बात हुआ था लॉर्ड नोस से, मतलब कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के थ्रू ही बस, उससे ज्यादा नहीं। मतलब एक वीडियो बनाया था, हम लोग भी करीब एक दूसरे के लेट से आए ना। अब भी हाल फिलहाल हुआ होगा कुछ महीने, 7-8 महीने हुए होंगे, तब जाके ये हम लोग अपना एक्टिव हुए। नंबर तो सबका सबके पास था, सबके पास है, लेकिन सब ग्रुप तो वो समझो डैडी है, व्हाट्सएप का जो है वो कुछ ज्यादा नहीं है। मैं भी नहीं खोल के देख पाता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, रोज के 300-400 मैसेज आते, कौन पढ़ेगा यार बार बार उसे। तो फिर बाद में चलो, फिर बाद में हुआ, लेकिन उसके बाद किसी का लॉर्ड नोस का पता ही नहीं चला। फिर लॉर्ड नोस का अचानक में देखा कि भाई चैनल डिलीट हो गया, भाई इतना सही कंटेंट बना रहा था, मतलब कि मेरे को वही लगता है कि डेली का 3-4 वीडियो डालना और उतना टॉपिक सोच लेना आसान काम नहीं है, और उतना कंटेंट निकाल लेना, रिसर्च कर लेना, वीडियो एडिट करके डाल देना, मतलब कि बहुत, मेरा तो वैसा मतलब चाह के भी नहीं होगा मेरा, तो वीक में 2 वीडियो बनाना भारी लगता है। वही बात है ना कि यार इस क्वालिटी की वीडियो बना देना काफी मेन बात, अगर वो लॉर्ड नोज आज भी होता ना, तो कम से कम अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा और पुश करता एक और लेवल पे। क्योंकि किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई भी सब्सक्राइबर एक चैनल पे ही डिपेंडेंट नहीं होता है, वो कई तरीके के चैनल देखते, वो मूव कर जाएंगे मूव ऑन कर जाएंगे। जैसे ये भी देखता है, वो भी देखता है, तरह तरह की चीजें देखता रहता है। हाँ, कोई भी वैसे ही रहेगा ना, उसके नीचे मैं रिकमेंड हो रहा हूँ, तुम हो रहे हो, अमन हो रहा है, सब हो रहा है। हम लोग का तो अपना ये बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है आपस में एक दूसरे का रिकमेंडेशन, मेरा तो वही रहता है रिकमेंडेशन में देखूंगा भाई आज इसने अपलोड किया था, इसके रिकमेंडेशन में मैं, मेरा रिकमेंडेशन के में तुम, यही रहता है पूरा स्टूडियो में दिखाता ही है। उसने वेनम पे बनाया तो वेनम की फिर और फ्यूचर न्यूज के लिए तुम्हारे पे आ गया, वेनम की भाई सेक्सुअलिटी हुई तो मैं आ गया। बस वो भी सब सेम थोड़ी ना बना रहा, सब अलग अलग तरीके की चीजें बना रहा है अपने। और उसके बाद भी सब कहते हैं कि यार ये क्या है, कॉपी है कि कहाँ से है, कॉपी तो कॉपी मैं सुन के बोर हो चुका हूँ भाई। इंग्लिश चैनल की कॉपी सबसे पहले तो ये आता है, मैं कितनी बार बोलता हूँ कि भाई अगर कोई एक ABCD पढ़ा है और दूसरा भी ABCD पढ़ा है, तो वो एक दूसरे का कॉपी नहीं हो गया, वो एक ही चीज बता रहे हैं। अगर मैं किसी एक मूवी के बारे में कुछ बता रहा हूँ और दूसरे ने भी वही बंदे ने कुछ वही बताया है, तो ऐसा नहीं कि दोनों ने कॉपी किया है, वो दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो जनरल सा हो जाता है कि सिमिलर पॉइंट मिल जाएंगे। हाँ, नहीं एक बार इसी बात पे कैनेडियन लैड ने एक पोस्ट डाला था, कम्युनिटी पोस्ट, कि इंडियन व्यूअर्स कैसे कुछ था कि बात हो रही थी, तो इंडियन लैड ने भी कहा था कि वो रेडिट से उठाता है, क्योंकि इधर के बता रहे थे कि इंडिया में ऐसी हेट मिल रही थी इधर लोगों को कि भाई ये कनेडियन लैड से कॉपी किया क्या नहीं किया। मेन बात होते हैं इन्फ्लुएंस मिल जाता है कि कनेडियन लैड से। देखो मैं जब क्या बोल रहा था,
ये था ना फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ट्रेलर ब्रेक, ट्रेलर नहीं ये सीरीज ब्रेक डाउन कर रहा था सारे एपिसोड का, तो हर वीडियो में यही होता था, अगर मैं कैनेडियन लैड से पहले अपलोड कर दिया कुछ कमेंट नहीं, अगर एक घंटे बाद भी अपलोड, एक घंटे बाद तो बोलेगा कैनेडियन लैड की कॉपी, कैनेडियन लैड की कॉपी। भाई एक घंटे में कोई दूसरे का वीडियो देख के कॉपी करके पूरा वीडियो बना सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है भाई, एक घंटे में वीडियो बनेगा ही नहीं भाई, नहीं वीडियो बनाने में 6 घंटे लग जाते हैं, 6 घंटे मिनिमम भाई, मेरा रेंडर होने में लग जाता है 2 घंटा कभी कभी, और क्या, वो तो डिपेंड करता है, मैं तो खुद ही परेशान हो जाता हूँ, 5 मिनट की वीडियो इतना टाइम ले रही है कि क्या है क्या नहीं। हाँ भाई मेरा क्या पता, लैपटॉप वैपटॉप पुराना हो गया है, कभी तो वीडियो रेंडर करूंगा 10 मिनट की वीडियो 20 मिनट में रेंडर हो गई, कभी हो रहा है हो रहा है हो रहा है, फिर आ जाएगा डायलॉग बॉक्स एरर डोंट सेंड सेंड। देखो चाहे जो भी, देखो कैनेडियन लैड के साथ चाहे जो भी हो गया, ठीक है, उसने लोग कह रहे कमेंट में कह रहे थे कि ये इस फलाना इंडियन क्या कहते हैं चैनल्स आपके कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, हाँ तो कैनेडियन लैंड ने पूरा एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, लेकिन एक बात मुझे इस बात से अच्छी लगी कि चलो अपनी इंडियन ऑडियंस इतना तो एक्टिव है कि किसी फॉरेन यूट्यूबर को याद दिला दिया कि हम हैं, ठीक है। वो पॉइंट है, हाँ ये एक पॉजिटिव साइड करके देखे तो गुरु लोग हम हैं, ठीक है, अभी ऑडियंस अपने साथ नहीं है, जिस दिन अपने साथ हो जाएगी मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर ब्रेकडाउन ये सब देखना है समझना है कि भाई ब्रेकडाउन हम लोग कैसे करते हैं, ब्रेकडाउन करने का क्या, सबसे पहले तो वीडियो स्लो करके देखो, और ऑब्वियस है कि हम लोग को भी सब कुछ पता नहीं है, नहीं एटर्नस का ट्रेलर अगर मैं देख रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि मेरे को कहीं पे जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही पता चलेगा। और ऐसा नहीं कि तुम लोग कोई जो व्यूअर्स ठीक है ठीक है, अरे यार मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ कुछ चीजें ऐसे वो लोग बताते हैं ना कि शांग-ची के ट्रेलर में बैकग्राउंड में वो स्पाइडरमैन का वो वाला कैरेक्टर था कि फ्लिप करो स्पाइडरमैन की क्या है, एक उल्टी गुलाटी मारो, मैं ये सब क्या याद रखूंगा मैं, और ये किसको याद रहेगा, ये किसी को याद नहीं रहेगा, ये क्या होता है कि भाई इतने सारे इतना बड़ा कम्युनिटी ना रेडिट, मैं बोलता हूँ कि भाई व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं रेडिट पे जाओ, मार्वल स्टूडियोज का पूरा अलग से एक पेज बना हुआ है, मतलब एक पूरा रेडिट है, सब रेडिट है, उस पे जाओ, उस पे डिस्कशन होते रहता है दिन रात, कुछ भी नया आएगा तो एक अलग पोस्ट बनेगा, उस पे डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन में एक बार घूम जाओ तुम, इतने सारे ईस्टर एग्स रेफरेंसेस सब मिलेंगे ना, तुम लोग खुद से निकाल सकते हो। और क्या, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तुम लोग तक लाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ वही ना अपने से, हाँ कुछ कुछ ऐसा होता है कि भाई अपने से मिल गया रेफरेंस, कि हाँ ये रेफरेंस किसी को नहीं मिला मेरे को मिल गया, बता देना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो हम लोग को रेडिट से मिलता है, हम लोग ऑब्वियस है कि भाई सब कुछ पता नहीं होता, नहीं नहीं सब कुछ पता करना पड़ता है, और क्या, और लाइक तुम लोग वीडियोस कोई भी देख रहा, हम लोग का वीडियो देख रहा, तो हम लोग उसी मेहनत का वीडियो देख रहा, वो रिसर्च करना भी ऐसा नहीं कि तुम चुटकी में ऐसे कर लोगे, टाइम लगता है उसमें भी, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें नहीं जरूरी हैं, क्या नहीं बताना है, क्या बताना है। अब जैसे मैं ओरिजिन वीडियो बनाता हूँ बहुत सारे कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर का स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अब क्या उसमें से क्या रखना है क्या नहीं रखना है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का स्टोरी में माइनर चेंजेस भी करके बताता हूँ कि सिंपल लगे समझने में, तो उतना डिटेल में मतलब थोड़ा ये हो जाता है, क्या बोलूं मैं, मेहनत है, और कॉपी तो नहीं कह सकते कि भाई कॉपी कर लिए, क्योंकि तुम्हारा कैनेडियन लैड भी रेडिट पे जा रहा है, और क्या, वो सपना थोड़ी ना आएगा, कौन देखता है इतने स्लो में पिक्चर, कोई कोई नहीं देखता कोई नहीं देखता, वो तो एक तो क्या कहते हैं वो मेटाफोर होता है लिखने का, एक अंश है कि भाई वो कहने की बात है, फिगर ऑफ स्पीच, इतना स्लो में मूवी नहीं देख रहा नहीं, तो कैनेडियन लैड ने भी जितना इन्फो दिया है वो पहले से भी पता है सबको, मतलब एग्जिस्ट करता, अलग अलग लोगों ने ढूंढ के रखा है, मैं बताया मैं क्यों मैं एक्सपैंड कर गया अपने कॉन्टेंट से लेकर कि एक्चुअली मैं जो ये नेकेड हीरोज की फाइटिंग वाला ऐसे कुछ वीडियो था वो उस दिन जब मैंने वीडियो डाली थी वीडियो चला था बहुत अच्छा चला था, लेकिन मेरे को पर्सनली अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था कि क्या ऑडियंस यही देखना चाहती है, आगे अपनी लेगेसी में मैं इसीलिए जाना चाहूंगा, इसके लिए मैं मतलब अपने चैनल को एक्सपेंड करने के लिए मैं दूसरा चैनल बनाया था, और हाँ तुम इतना देर पॉज हुए मेरे को लगा हैंग हो गए,
नहीं नहीं मेरे को मेरा मेरा इंटरनेट गया था, मैं देखने वाला था राउटर पर। नहीं, तो मैं इसीलिए सेकंड चैनल बनाया था कि दूसरे फ्रेंचाइजी को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। टाइम ही नहीं मिलता है यार, नहीं कभी उधर भी जाओ, क्योंकि आदमी वो देख लिया है ना कि भाई देसी नर्ड एकदम फ्लो में बोलता है, बिना किसी तकलीफ के आराम से चलता रहता है। अब मेरा मैं बोलने में बहुत है, मैं रेगुलर बोल सकता हूँ, रेगुलर बात कर सकता हूँ। एक बार बातचीत स्टार्ट हो गई तो भाई उसी दिन हम लोग फोन पे बात कर रहे थे, एक घंटे बात हो गया था, एक घंटा बात वही बात किए थे कि भाई इससे इसी को पॉडकास्ट बना लिए होते आराम से। हम लोग का एक घंटा बात हो गया, पता नहीं चला। और मेरा मेरे को कभी कभी लगता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं मेरा मतलब मैं वो बंदा हूँ ना कि जैसे कि अगर जान पहचान है तो मैं होता है ना कि हाथ पकड़ के हाथ मिलाए हुए बात कर लिए जाते आते गेट पे। मैं वही बंदा हूँ कि भाई जाने से पहले भी मतलब बाय बाय टाटा हो गया, गेट पे हाथ मिलाने के बाद भी आधे घंटे एक्स्ट्रा बात कर लिया। हाँ यार, इससे ये बात पूछना तो हम भूल ही गए, ठीक ना। ऑडियंस को इसे चैनल की ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, वो पर्सनल बातें तुम्हारी जानना चाहता है। क्या आप अभी है कि नहीं रिलेशनशिप में? नहीं है, अपने काम के साथ। कभी थे कि नहीं? शायद कभी नहीं था। ये शायद वाला हिसाब मत दीजिए आप। अरे समझ लो, शायद कभी नहीं था तो ऐसा समझो कि अभी मेरे लिए काम ही सब कुछ है। मतलब कि मैं अपने पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो दूसरों को क्या टाइम दूंगा, वैसा हाल है। यार ये कोविड वाला मामला बड़ा खराब हो गया यार। अब तो भाई अब तो लॉकडाउन हो गया, अब क्या करें। अब मैंने, तो मैंने ये मैंने, साल मैंने लॉकडाउन में ट्राई करने की सोचा था यार। मैंने मैंने कोशिश भी की थी 1.5-2 महीने के लिए, और मैंने तो मोहित के वीडियो में पूरे बकायदे आधा घंटा समझाया उस बात को, क्या किया था। आधा घंटा समझाया, इसीलिए मैंने उस वीडियो में, वीडियो में देखोगा उसीलिए बीच में इसीलिए वन ऑफ द रीजन है कि मैंने उसमें टाइम स्टैम्प नहीं दिए, और क्योंकि हाल फिलहाल में मुझे पता चला है मेरी फैमिली सर्कल में लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है भाई, मेरे यहाँ तो सब देखता है, सब देख। मतलब मैं अगर वीडियो डाला मतलब, और उसके बाद मेरे को दूसरे रूम से पापा के फोन का आवाज आएगा कि मेरी ही आवाज आ रही है, अच्छा वीडियो चालू हो गया। अरे बाप, पापा को समझ में आए या ना आए, पापा वीडियो देखेंगे। अरे मेरे पापा तो मुझसे कभी पूछे नहीं है कि अच्छा बताओ चैनल का नाम क्या है, वीडियो क्या है, कैसे, लेकिन मुझको डर लगा रहता है किसी दिन पूछेंगे और मैं क्या वीडियो डाला रहूंगा उस दिन, मुझको खुद नहीं पता। Obviously, पूछेंगे, इसलिए मेरा content बहुत सही है। नहीं, पारिवारिक। लेकिन जो बाहर जो फैमिली सर्कल है, जैसे कि मेरे नानी क्या, मेरे चाचा क्या, और भी दूर के। अब तो लगता है फेस कैम करना भी स्टार्ट किया ना। हाँ, फेस कैम करना शुरू किया। अब तो जो नहीं भी जानते वो भी नहीं, जानेंगे, नहीं पड़ोस वाले लोग। मेरे मोहल्ले में सब बोलते हैं कि यार भाई वीडियो नहीं डाल रहे हो, कहते अब कितनी तेज वीडियो मैं डालू। अब कितना तेज डालू मैं वीडियो तुम्हारे लिए। क्या ये आ गया यूट्यूबर वहां से पूरा। वो मेरा भी फ्रेंड, मेरा मतलब किसी को पता नहीं है, मतलब पड़ोस पड़ोस धीरे धीरे पता चल जाता है, बस यही होता है, धीरे धीरे पता चल जाता है। जैसे कि मेरे मम्मी को पता था तो उन्होंने बता दिया कि ये ऐसे कैसे करता है, ठीक है, मेरा बेटा यूट्यूब पे वीडियो डालता है। नहीं, उनको ये पता था वीडियो डालता है, फिर बाद में उन्होंने जो घर में भाई है, ठीक ना, मेरे आंटी के लड़के, उन्होंने डिटेल बता दी पूरी कि भैया का चैनल है पीजे एक्सप्लेन नाम से, ये वीडियो बनाते हैं। क्योंकि उनको भी पसंद है ना सुपर हीरो मार्वल डीसी, तो वो भी बनाते हैं। कभी हम मुझसे नहीं पूछते ऐसा सवाल बात कि क्या कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, ठीक है, मैं उनको डायरेक्ट बता दूं, मेरे को कुछ पता होता नहीं है, ठीक है। वो डिटेल बता देते। और मेरे साथ 3-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले उन्होंने बताया था कि क्या वीडियो नहीं डाल रहे हो, कहते देख रहे हैं आप चैनल क्या है। 4 दिन से लगातार 4 वीडियो आ रही है, मेरी नींद खराब हो चुकी है। नोटिफिकेशन बेल बटन नहीं दबाया। मेरा देखो, मेरा मेरे घर में तो पहले से ही सबको पता था कि इसका चैनल है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट किया था 7th या 8th क्लास में था तब। उस टाइम का मेरा कंटेंट था, मतलब उस टाइम WWE बहुत देखता था, बहुत ज्यादा, मतलब दिन रात मेरा WWE, मेरा प्यारा WWE, बस यही होता रहता था। तो बस WWE का कमेंट्री या कुछ रिजल्ट आया या कुछ भी आया तो वो सब बताता था। उससे मेरा चैनल लगता है 2010 से
2014 तक मैं एक्टिव था, लगभग 8-9 हजार सब्सक्राइबर ग्रो हो गए, और उस टाइम ये नहीं था, 2010 में एडसेंस नहीं था। अच्छा, 9 में नहीं था, 2010 में एडसेंस नहीं था। अच्छा, एडसेंस था, मतलब एडसेंस एग्जिस्ट करता था, इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं बनाया था। अच्छा, इंडिया को नहीं कर सकता। हाँ, इंडिया वाले नहीं यूज कर सकते हैं। अराउंड 2012 में ये सब किया उन्होंने, और उस टाइम मेरा ध्यान भी नहीं था ये सब। फिर 2012 के बाद तो एक दो साल चैनल छोड़ दिया। 2015 में जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, तो वहां सोचा कि अब यूट्यूब चैनल पे कुछ करना चाहिए। मैं अब जो करता है कि भाई डेड चैनल है, क्या करना है, दूसरे का वीडियो लो, डाउनलोड करो, अपलोड। मैंने भी किया है, ट्राई किया। तो बस डाउनलोड किया, अपलोड मारा, डाउनलोड किया, अपलोड मारा, वैसे ही एक वीडियो 2-3 मिलियन व्यू पहुंच गया, एक वीडियो। वो पहुंचा तो मेरा चैनल अराउंड 10-12 हजार सब्सक्राइबर के पास आसपास पहुंच गया। और वही उसी टाइम पे अराउंड, मतलब यही सब चल रहा था, तो अराउंड 2017 में शायद, फिर कंटेंट पूरा स्विच। फिर बीच में कुछ कुछ और ट्राई किया, मतलब कॉलेज के दोस्त लोग के साथ एक दो वीडियो तो अभी भी होगा, शॉर्ट फिल्म टाइप का। अच्छा, मैं हूँ नहीं वीडियो में, मैं हमेशा कैमरे के पीछे रहता हूँ। अच्छा, अरे रहते तो मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था, मैं एक थी अभी तक वीडियो है वहाँ पे, और मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं भी नहीं बताना चाहता, कोई मत देखना, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा। इतना बेवकूफ, पता है कैसे, एक बहुत ही बुरी शर्ट पहना हूँ और एकदम टाइट जींस, पैरों में चप्पल, चश्मा गए यार, छपरी निभा, मेरे को पता नहीं चला था मैं इतना बुरा दिखता हूँ यार। तो वही होता है ना, मतलब उस मतलब एक्सपेरिमेंट का टाइम था वो, मतलब कॉलेज में होता है जो जाके दोस्तों के साथ कुछ भी बनाया, अपलोड किया, दूसरा चैनल है एक, उसके दूसरा चैनल है पूरा डेडिकेटेड, 250 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, जो मैंने हॉस्टल में रूम में जाके भाई सब्सक्राइब कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ऐसे करके सब्सक्राइब करवाया था। तो वो था, हाँ, तो वो चैनल फिर उसके बाद बंद हो गया। फिर होता है ना कि दोस्त लोग, अरे नहीं बनाने का मन है, नहीं बनाने का मन, फिर वो छूट गया। फिर जाके मैंने ये चैनल, मतलब इसमें पुराने वीडियो सारे प्राइवेट किए, एक वीडियो शायद अभी भी होगा जिसमें गेमिंग से रिलेटेड कुछ होगा, गेम के वीडियोस भी बनाया था, बाकी जो मुझे लगे कि बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी का सारे मतलब डिलीट ही कर दिए प्राइवेट। हाँ, उस टाइम मतलब एकदम हेडफोन से ऐसे करके रिकॉर्डिंग कैसा होगा। हाँ, नहीं, बात सही है। हाँ, तो बस उसके बाद कंटेंट स्विच किया, तब जाके मतलब चैनल स्टेबल। ये जो सब लोग बोलते हैं ना कि सेटअप जरूरी नहीं होता है चैनल चालू करने के लिए, मैं कहता हमेशा पूरी सही नहीं है, ठीक ना। तुम्हें बताए माइक सही से रिकॉर्ड करे, बिल्कुल घटिया आवाज आएगी, मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा तुमको जुगाड़। अब जैसे कि मैं मतलब मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना चालू किया था, तो मोबाइल में लगाया, रुमाल लगाया ऊपर से, तो थोड़ा ऑडियो क्वालिटी बेटर हुआ। हाँ, नहीं तो तुमने ट्राई किया ना, तुमने ट्राई किया? हाँ, क्या फिर मेरा अराउंड 40-50 के हुआ, तब मेरे को लगा कि इनकम भी आया थोड़ा, लेकिन अब पैसा जो आया है लगाओ इसी में, माइक खरीदो, फिर देखते क्या होता है। और उसके बाद लगता है मैंने यूट्यूब पे कोई पैसा नहीं लगाया। एक लैपटॉप, माइक और कोई पैसा नहीं लगाया, यही माइक लिया था बस, स्नोबॉल वाला, स्नोबॉल, और उसके बाद मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। मैं बताऊं, मैंने यूट्यूब में पैसा अभी अपने सेटअप में पोका है, तो मैंने अभी हाल फिलहाल में पोका है। मैं बताऊं, 3 लाख सब्सक्राइबर्स तक तो मैं अभी फोन से रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद मैंने ये माइक खरीदा, फिर मैंने कैमरा खरीदा वेबकैम के लिए, ये शुरू करने के लिए कि थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। फिर उसके बाद एक लाइट खरीदी, वो ठीक नहीं पड़ा, फिर दूसरी लाइट खरीदी, अभी एक तीसरी लाइट खरीदने जा रहा हूँ, क्या वो अगले। अच्छा। तुम्हारा सही है ना कि तुम्हारा एक प्रॉपर रूम है। हाँ, मैं अभी अपने भैया भाभी के रूम कब्जा करके बैठा हुआ हूँ, मेरे भैया भाभी गुड़गांव में। मैं लैपटॉप मेरा पुराना खराब हो गया, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई दिन भर एक ही जगह बैठ के मैं काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मुझे घूमने को चाहिए, ठीक ना, मैं इधर उधर जाऊंगा। और एक्चुअली मैं ये जो कमरा देख रहे हो ना, ये पूरा कमरा बेड छोड़ के पूरा यूट्यूब के मैं सोचा। अच्छा, ऊपर से नीचे एक इंच पूरा यूट्यूब का है।
सही है, मतलब पूरा तुम ही, मतलब एक डेडिकेटेड सेटअप, मतलब अब तो बना, मतलब अच्छे से सेटअप कर लो बैकग्राउंड, बहुत सही हो जाएगा। इसीलिए स्पेस लिया ना, अभी ये बेड है उसको पीछे कमरे में लेके जाऊंगा, पीछे वाला कमरा जो स्टोर में करा हुआ है कि अब नहीं, अब स्टोर में सो जाएंगे अपन। ये अपना पूरा कमरा ये वीडियो के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी नहीं, बहुत सही सेटअप हो सकता है, अच्छा खासा रूम है, क्योंकि अगर स्पेस मेरा तो देख ही रहे हो, मेरे मेरे पीछे क्या दिख रहा है तुमको, वो सब क्या बोलते हैं उसको, जहाँ मेकअप वेकअप किया जाता है वो सब है। अरे ये सब कोई दिक्कत नहीं है यार, ये फॉरेन यूट्यूबर्स किसी को देखता हूँ वो किचन में बैठ के बना रहे होते हैं वीडियो। मैं देखूंगा, मैं फेस कैम का सोचता हूँ, लेकिन वही है ना कि फेस कैम के लिए प्रॉपर मतलब सेटअप, और मेरा उधर इतना मूवमेंट हो रहा था जब मैं ये था ऑफिस में, ऑफिस का काम के चलते इतना मूवमेंट हो रहा था कि मैं भाई एक महीने कोलकाता में, एक महीने हैदराबाद में, तो एक महीने कहीं और, कहीं और, वैसा हो रहा था। नहीं, अभी जाके ऐसा तुमने सर, तुम ऐसा देख लो जैसे मोबाइल सेटअप होता है गो टू वाला, वैसा कि हाँ कहीं भी बैठा बना दिया किस तरीके ने, इसे शायद न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो गो टू माइक लेके चलते रहते हैं, ठीक ना, उनका अलग माइक सेटअप करके। हाँ जैसे तुम देखो अलग अलग आदमी के लिए अलग तरीके के सेटअप सब अवेलेबल है। क्या देखते रहे टेक्निकल गुरुजी कहीं भी वीडियो बनाना चालू कर देते हैं, गुरुजी तो भाई डेली का दो वीडियो। सोचो कि सारे को कि एयरपोर्ट पे बैठ के आदमी ऐसे ही टेक न्यूज़ दे रहा है, वाह रे वाह, इतनी नर्वसनेस खा जाएगी मुझको। मैं मेरे से तो नहीं होने वाला भाई, मैं रहा मैं तो पिघल जाऊंगा, कोई देख तो नहीं रहा। हाँ वही बात है, अपने देख तो नहीं रहा मेरे से नहीं, ब्लॉगिंग वाला चालू किए बस बन गई वीडियो, काम खत्म। वो बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान है, बहुत ज्यादा, उतना भाई उतना हम लोग से नहीं होगा। जब तो अभी हम लोग ठहरे नर्ड लोग। अब वैसे भी मेन बात है ना, लोकेशन का भी असर पड़ता है। मैं अभी मैं छोटे शहर का हूँ, मैं जाऊंगा तो तुम्हें खेत खलियान भान नजर आएगा, ठीक है, दो महीने पहले तो फाइबर आया है, कहाँ ही जाएंगे हम लोग, मेरा भी तो वही हाल है। अभी गुरु जी है तो भाई एमिरेट्स में फाइव स्टार सब अपना ग्लैमरस ग्लैमरस चीजें भी देखने को मिलती है। हाँ हम लोग को भाई वही जो जी रहा हूँ जमाना हो जाता है के वही जो जी रहा हूँ वही मैं तुमको दिखाऊं, क्या नया चीज है। वही ब्लॉग वही हो सकता है, अगर वही करोगे तो हो सकता है यूनिक हो जाए। ये भी नहीं, बीच में हुआ था एक चैनल को अपना जो बंदा अपना गांव का टूर दे रहा था, हाँ गांव का टूर दे रहा था, शायद फिर उसी के पैसों से वो अपना दुबई भी गया था घूमने के, सारे मैं कभी नहीं गया जा पाया YouTube के पैसों से। लेकिन यार ठीक है, लेकिन फिर मैं उसको अब नहीं देख रहा हूँ कहाँ पे क्या, जैसे कि ना ट्रेंड चलता है फिर खत्म, ठीक है। एक समय पे तुम भी रियलाइज करोगे टॉप 10 चैनल्स का बहुत ट्रेंड चल रहा था, अब नहीं है, टॉप 10 वो टॉप 10 ये खत्म हो गया, ठीक है। अपना जॉनरा टॉप 10 का देख, टॉप 10 का वीडियो मैं भी बहुत बनाया, टॉप 10 का वीडियो देखो, मैं टॉप 10 का वीडियो तभी बनाता था ना, दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, टॉप 10 बना दो सीधे, यही है, यही टॉप 10 की कहानी, यही है टॉप 10 कहानी, यही है। अगर कंटेंट नहीं मिल रहा टॉप 10 बना दो, अगर मेरे चैनल पे टॉप 10 है तो मतलब कि भाई ये सोच नहीं पा रहा अभी, यही है। हाँ नहीं सोचा गया उससे, होता है कभी कभी होता ही है कि भाई कितना सोचोगे, कितना सोचोगे नया टॉपिक, चलो टॉप 10 बना दो, मेरा टॉप 10 का वही रहता है। अगर मैं ओरिजिन वीडियो बनाया हूँ तो समझ लो कि सिर्फ तुमको उस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानना था, मेरे को भी उस कैरेक्टर के बारे में जानना था। हाँ, नहीं वही वही मैं भी इंटरेस्टेड था, वही वही चीज कि अगर मैं भाई अगर मैं समझा रहा हूँ कि वंडर वुमन पैंट्स क्यों नहीं पहनती है तो मेरे को भी जानना था कि क्यों नहीं पहनती है, ठीक है। तो बस तो उसके लिए तुमने रिसर्च किया तो वीडियो भी बना दिया कॉम्प्लीमेंटरी साथ में, तो बस वही रहता है कि हाँ ओरिजिन वीडियो बन रहा तो कि हाँ भाई, मेरे को जैसे पता चला कि क्रिश्चियन बेल गौर का कैरेक्टर प्ले करने वाला, मैं सोचा कि भाई गौर के बारे में तो थोड़ा थोड़ा जानता था, चलो डिटेल में रिसर्च किया जाए, तो पूरा डिटेल पढ़ा, फैंडम पे जाके डिटेल पढ़ा, फिर कॉमिक्स ढूंढा उसका, फिर कॉमिक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ा कि अच्छा ऐसा है भाई, वेनम तक कनेक्टेड है यहाँ गौर में, तो भाई चलो बनाया जाए वीडियो। तो मतलब तुमको नहीं जानना, मेरे को भी जानना है, इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे को पहले से पता था, ऑब्वियसली बात है हजारों कैरेक्टर हैं, सबके बारे में पता नहीं रहता। अरे कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, किन किन के बारे में जानकारी आदमी रखेगा। हाँ और उसके ऊपर भी
पिक्चर की भी अपनी अपनी एक अलग ही कहानी चलती रहती है, फिर उसका क्या है, पिक्चर निकलने एक घंटा नहीं होता है कि एंडिंग एक्सप्लेन चढ़ जाती है, ठीक है। वही भाई, मूवी मूवी का रिलीज टाइम है, मान लो कि मैं देखा हूँ मूवी का, नहीं बताऊंगा कौन क्या, मूवी रिलीज का टाइम जिस टाइम मूवी रिलीज हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी टाइम पे जिस टाइम रिलीज हुआ उसी टाइम हाँ रिव्यू भी आया है। अरे वो सब जान रहे हैं किसकी बात हुई है किसकी बात हुई है। हाँ तो वही मेरे को समझ में नहीं आता है कि हाँ भाई जो मूवी इंडिया में मैं रिलीज नहीं हो बताऊँ, रही उसका भी रिव्यू हो रहा है। ये जो पायरेसी वाला मामला है ना, मैं खुद उसके खिलाफ। क्या है कि अगर मैं जैसे एंड गेम वाली पिक्चर की हो गई, मैं उसको पायरेट करके देख ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं वही बताऊँ कोई ये, मैं मतलब बताऊँ नहीं पाप बनता हो ना जाएगा, पाप हो जाएगा, क्योंकि सुपर हीरो फैन कहता हूँ। एंड और एंड गेम जैसी पिक्चर को भाई। अगर आप फोन में देख मैं रहे हो। तो ये मैं ये बोलता हूँ कि भाई हाँ जिस मतलब जिस चीज के चलते से खाना चल रहा है भाई, खाना रोटी आ रहा है घर में, उसी के लिए तुम ऐसा करोगे हाँ तो कोई माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा। कोई माफ नहीं करेगा हाँ भाई। एक तरह से कहो कि रोटी आ रही है हाँ और तुम जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में छेद कर वही रहे हो तो ना, बहुत गलत हो जाएगा। वही ना। इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी कि अगर सब हाँ पायरेट ही करना चालू कर देंगे। और इंडिया में ना वही पायरेसी बहुत पायरेसी ही नॉर्मलाइज है, बता रहा हूँ, बहुत बहुत भाई, बहुत डाउनलोड नॉर्मल। करके देख लेता भाई। मैं कितना बार हाँ मैं बताया था कि डिज्नी प्लस पे कैसे कैसे शो क्या है, तो कमेंट में यही एक नॉर्मल टेलीग्राम, अपने लिए तो हाँ टेलीग्राम लिंक पे दे दे आएगी भाई, अब। क्या है क्या क्या नहीं हो हाँ गया वही यार। वही चलेगा हाँ भाई, लिंक दे दे, ईमेल तक आता है कि भाई हाँ लिंक दे दे इस मूवी का। हाँ मैं बोला कि भाई लिंक, मैं डिज्नी प्लस मैं शेयर किया हूँ, हाँ लिंक आया मैं डिज्नी प्लस का लिंक दे दिया। मैं पता है मैं वॉच पार्टी देख रहा था उसकी, फाल्कन एंड द विंटर हाँ सोल्जर की, तो बोल रहे लिंक दे मेरे को। मैं लिंक दे, मैं लाइव दे देता दे देता वही देख लिंक दे देता ऊपर से डिज्नी रहा प्लस का लिंक, लो भाई तुम भी देखो, हूँ भाई ये मैं लाइव देख रहा सब्सक्राइब हूँ कर बैठ के भाई, यार। पैसे लगाए हैं हाँ हमने भी, पैसे लगाए हैं तुम भी लगाओ भाई थोड़े। और क्या, ये बात सही है। बहुत सब लोग ऑफ नहीं लगा सकते कि हाँ सब। बहुत है कि बहुत बच्चे लोग हैं जो नहीं लगा सकते, बहुत हैं, तो अब उस केस में मैं नो कमेंट्स, जो करना है भाई करो। हाँ ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अब वो उसके लिए अब हम क्या बताएं, उसके हम हाँ मैं उसके लिए धर्मशाला खोल बुरा के भी नहीं नहीं बैठा है, हूं हाँ उसके लिए भाई जो करना है करो, अगर नहीं है, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है कि नहीं ले सकते हो घर से, अलाउ होता है, घर से अलाउ नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं देखने देंगे, होना ही नहीं है, तो जो करना है वही करो उसमें जुगाड़ अब। होता है ना। जैसे कि मैंने जब मार्वल मूवीज देखना शुरू की थी, तो मैं अपने दोस्त से डीवीडीज मांग लिया करता था। तो भाई अच्छा शेयरिंग करना तो पायरेसी नहीं होता है भाई। हाँ शेयरिंग करना उसने पायरेसी खरीदी, वो मेरे को शेयर कर रहा है, ठीक है मुझे नहीं। दी, देख ले भाई, मैं देख लिया मैंने, और मैंने उसकी डीवीडी घुमा उस दी टाइम तो इंटरनेट का था भी नहीं जब मार्वल और मूवी क्या। आया, तो उतना हम लोग के हाँ पास कहाँ इंटरनेट, नहीं, उतना नहीं था अभी तो इंटरनेट भाई जियो के बाद इंटरनेट चालू हुआ है, वो। हाँ जियो उसके के बाद पहले इंटरनेट आया 400 उसके। में 1 GB यूज करना किसका दम था। नहीं नहीं भाई 400, मेरे को अभी याद है, 15 रुपए का आइडिया का पैक भरा के पहले 200 MB दिया करते थे हरामखोर। 200 से 150 किए, 100 किए, 80 MB, फिर 60 MB भी कर दिए उसे 15 रुपए भाई में। साहब बहुत फिर लूटा ये लोग। बहुत, अब मैं क्या करता था कि नेट खोला, फेसबुक गया, लाइक विक मारा, लेकिन बंद। ऐसा फील नहीं होता कि उस टाइम इंटरनेट कम यूज होता था, अब बहुत यूज हो जाता है। हाँ अभी तक तुम, अब बंद ही नहीं होता इंटरनेट, चालू ही रहता है हाँ अपना। पूरा हाँ इंटरनेट तो अब कनेक्टेड है, अब तो घर में वाईफाई भाई, हाँ अब तो मेरा वाईफाई तो वाला था। सिंपल, मेरा वाईफाई जो लगा हुआ है वो भी ऑफिस वालों ने दिया है, बोले हाँ नहीं बता रहे थे सही ऑफिस ऑफिस वाले, वालों कोई का बहाना नहीं वाईफाई, छोड़ रहे तुम पे। हाँ कोई नहीं भाई, ऑफिस वालों ने कॉल अटेंड करने के लिए टैबलेट हाँ भेज दिया, कौन सा भेजा है। सैमसंग गैलेक्सी S6 Lite, हाँ आईफोन का थोड़ी भेजेंगे, वो नहीं, आईपैड थोड़ी अरे भेजेंगे। अरे बोला वही कि भेज भाई दिया। अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, कॉल तो अटेंड हो ही रहा, वो ऐप के लिए सारा न्यूज मैं इसी से अपडेट कर रहा हूँ, एक नहीं काम इजी हो गया। अरे काफी अच्छा है, उसको कम से कम कंटेंट कंज्यूम करने में भी काफी अच्छा रहेगा। हाँ कैसा एक्सपीरियंस दे हाँ रहा है अब वो। इसे टैबलेट तो सही है, बहुत सही, मेरे को मतलब एक चीज लगा कि अगर टीवी वीवी नहीं देखते हो तो सही है, टैबलेट रहेगा। और अच्छा ये लगता है ना कि भाई मेरा एक काम तो ये हो गया, न्यूज का अपडेट हो गया, मैं अब खा रहा हूँ तो आराम से रख दिया और यूट्यूब का वीडियो देख लिया थोड़ा, मैं किचन नाइटमेयर्स बहुत देखता हूँ तो किचन अच्छा नाइटमेयर्स लगा दिया अच्छा वही हाँ देखा। हाँ नहीं
अभी हाल फिलहाल मैं भी पहले बहुत देख रहा था जेम्स गॉर्डन पूरा एकदम से आर यू फकिंग डोंकी बड़ा चाल बस काफी अच्छा था उसका. अभी देखते हैं अभी ये वैनर ब्रदर्स की सुसाइड स्क्वाड डीसी की तो वही एक अगली आने वाली है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा. वो जेम्स गन है तो भाई कुछ इंटरेस्टिंग करेगा. जेम्स गन है तो मेरा एक्सपेक्टेशन जेम्स गन से तो वही एक्सपेक्टेशन रखो भाई म्यूजिक कलरफुल कलरफुल और कलरफुल कहानी में मीनिंग भी रहती है ना उसकी एंडिंग. हाँ, पिक्चर की एंडिंग बहुत जोरदार होती है उसकी. जो भी गार्जियंस होता है उसमें मजा आएगा. उसमें मजा आएगा बहुत अच्छा उसका तो अभी परसों हिंदी ट्रेलर भी ले आया. हाँ हिंदी ट्रेलर देखते हैं क्या होता है. ये पहले HBO Max वाले पहले ये भी आ जाएगी ऑनलाइन. सुसाइड स्क्वाड का भी तो यही है ना शायद. हाँ, नहीं HBO Max इस साल जितनी भी पिक्चर आएगी मैट्रिक्स तक वो सब देखेंगे. मैट्रिक्स का तो कुछ अपडेट नहीं आ रहा वैसा कुछ न्यूज नहीं सुन रहा. हाँ, शायद शूटिंग भी स्टार्ट हुई है क्या. नहीं पता नहीं अभी शायद जॉन विक 4 की शूटिंग. हाँ जॉन विक 4 की शूटिंग का मसला है अभी. जॉन विक 4 का अभी कैंसल एम्बर हर्ड भी चलेगा. वो तो वो अभी नहीं होने वाला जो भी कर लो अब हो चुका जो होना है जो होना हो गया. सुसाइड स्क्वाड में इसलिए लग रहा है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि होगा क्या कैसे करेगा. तुम्हें क्या लग रहा है कौन मरेगा क्योंकि जेम्स गन की पिक्चर कोई ना कोई मरता है बहुत पावरफुल होता है. कौन मरेगा. हार्ली क्विन तो नहीं मरने वाली सीधी सी बात है. हार्ली क्विन तो नहीं मरेगी. और वो भी अपना जॉन सेना भी नहीं मरने वाला. उसका तो सीरीज आ रहा है स्पिन ऑफ आ रहा है. स्पिन ऑफ उसका प्रीक्वल भी तो हो सकता है लेकिन मेरे ख्याल से वो भी नहीं मरेगा. और कौन कैरेक्टर है एल्बा और कौन मेजर कैरेक्टर एल्बा मरेगा नहीं मरेगा. मैं वो फिर से उसको नहीं ना मार देगा. मेन बात क्या है ना कि जो जो जैक योंडो वाला एक्टर का नाम क्या है वो तो थोड़ा रूकर माइकल रूकर नाम है ना. वो थोड़ा बुरे नेचर. जेम्स गन के मारने वाला जो क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा जो स्वीट कैरेक्टर्स होते हैं ना जो स्वीट सा फील होते हैं उनको पहले मार देता है. जैसे उन्हीं को मारता ही है. जैसे मेरे जैसे कि ग्रूट हो गए और वही अपने जो सीटी बजाता क्या नाम है उसका फिर से इसमें योंडू है ना क्या योंडू. हाँ जो स्वीट सा कैरेक्टर है जो काफी अच्छा लगता है उसको मार दे. कौन स्वीट कैरेक्टर है. किंग शार्क बना लो उठा लो. किंग शार्क के मरने से किसी को उतना इम्पैक्ट नहीं फील होगा. देखते हैं क्या कर सकता है अभी. नहीं डिपेंड करता है ना कि मूवी किस तरह दिखाए कि किस तरह से सारे कैरेक्टर से कनेक्ट करवाता है. हाँ उस पे डिपेंड करता है. अब जेम्स गन की वो ब्राइट बर्न मेरे को अच्छी लगी थी यार वो काफी अच्छा. अभी तक तो ट्रेलर देख के मैं किसी कैरेक्टर से वैसा कनेक्शन फील नहीं हुआ. सुसाइड स्क्वाड के किसी भी कैरेक्टर से वैसा कनेक्शन फील जानी नहीं. हार्ली क्विन छोड़ के यार कौन जानता है उसको. हाँ कोई किसी को जानता नहीं है. और मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि हैंडल कैसे करेगा इतना कैरेक्टर. बहुत बड़ी कास्ट है यार. बहुत सारा हाँ, बड़ी कास्ट है. कैसे इतने सारे लोगों को लेके कैसे करेगा वो देखने का मेरे को मन कर रहा है कि कैसे ऐसा करेगा. भाई ये नहीं है कि 6-7 लोग का जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में बस उतने ही थे. और बट इतने सारे कैरेक्टर्स को कैसे हैंडल करेगा. यार वार्नर ब्रदर्स जो कि काटता है पिक्चर में से सीन. ठीक है भाई. और क्योंकि ऐसे सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं करेगा. दो ढाई घंटे ढाई घंटा मैक्सिमम उससे ऊपर पिक्चर नहीं जाने वाली. उससे कम ही रहेगी. वो तो फिक्स है. उससे ऊपर वो तो फिक्स है. तीन घंटा नहीं ले जाएगा. मूवी का लेंथ 3 घंटे का नहीं होने वाला. तीन ये लोग वार्नर ब्रदर्स वाले पहले भी करते थे. जितने भी जैक स्नाइडर की मूवी पिछली आई है वो 2.5 घंटे में पहले रिलीज करते थे फिर एक्सटेंडेड कट रिलीज करते थे. वॉचमैन परेशान हो गया मैं उसपे. डायरेक्टर्स कट एक्सटेंडेड कट फिर अल्टीमेट कट फिर बाद पता नहीं कौन कौन सा कट उन्होंने निकाला. मैं तो वो मेरे को भी याद नहीं है. अभी आ रहा है कि देखो अभी तक गॉडफादर का अभी तक कट आ रहा है भाई. 1990s में खत्म हो गई पिक्चर. मैं जो वॉचमैन का कट देखा था उसमें बीच बीच में एनिमेटेड स्टोरी भी चलता था. वो वाला देखा मैं. ना मैंने भी वही देखा. मैंने फाइनल वही देखा है. उसके बाद मेरा और कोई कट देखने की इच्छा नहीं हो रही भाई.
मैं बस एक बार अब देख लिया, अब नहीं मन करेगा मैं भाई यार अब खुद दो मिनट के सीन के लिए पूरी पिक्चर देखूं यार, अब फिर से उसके ऊपर मीनिंग वीनिंग यार मतलब बदल जाता है तो रैनर ब्रदर्स सुधरेगा नहीं। और कुछ रहा क्या टॉपिक? 3 घंटे हो गए आज भी हम लोग को। एक्चुअली बताओ मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, मेरे को याद ही नहीं था। अरे हम लोग तो ऐसी बात कर लेंगे, क्या लिखना क्या है, मैंने लिखा ही नहीं था। मेरे को पता था कि भाई उस दिन कॉल पे हम लोग 1 घंटे बात कर गए, तो बात तो ऐसे ही कर लेंगे, बात करने में कोई इतना टेंशन नहीं है। चलो अभी यहीं पर रहने देते हैं, आज भी मैंने कोई वीडियो पे काम किया नहीं है, अब कल ही से काम करूंगा मैं। मेरा तो कल का रहेगा, वो न्यूज वाला बनाता हूँ वीकली, तो उसी में शायद मैं ऐप भी अनाउंस कर दूं, शायद श्योर नहीं। चलो ठीक है, इसको मेरे ख्याल से ये अब टाइम्स टाइम्स डाल नहीं रहा हूँ, जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। ठीक है चलो, हाँ टाइम्स टाइम्स रहने दो, टाइम्स टाइम्स डालने के लिए तुमको मेरे को साथ में करते रहते, बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम, टाइम्स टाइम्स डालने में बहुत है। उसके लिए तुमको आपको जो सीन अच्छा लगता है आप टाइम्स टाइम्स डाल दीजिए। टाइम्स टाइम्स खुद डाल दो यार तुम, आप डाल दीजिए आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ आपके फेवरेट मोमेंट्स जैसे भी कुछ मीम निकलता है, मीम भी बना दो, मीम भी बना दो। हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेस रिवील भी हो गया, पीजे ने प्रमोशन ले लिया, ये भी चलो खुश हो जाओ। वैसे फेस रिवील मेरा इंस्टा पे भी हो गया था बहुत पहले वीडियो के फॉर्म में पहली हुआ है, वीडियो के फॉर्म में पहली बार हुआ है, एक्सक्लूसिव पीजे के चैनल। इसकी टाइटल रखा हुआ एक्सक्लूसिव फेस रिवील, फर्स्ट टाइम फेस रिवील, ऐसे कुछ बनाऊंगा, बस डाल देना। और अगर आपने यहाँ तक पूरी पॉडकास्ट देख ली है तो भाई काफी अच्छा है भाई, 3 घंटे तुमने अपनी जिंदगी की दी है, काफी कुछ सीखा ही होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम सबको आती हैं एज ए क्रिएटर के रूप में, और कितना ग्रो करने का भी पोटेंशियल है हम सब में, और आगे भी हम सब करेंगे। होप करता हूँ कि और भी नए लोग आएंगे और तरीके के हम लोग जॉनरा से एक्सप्लोर करेंगे। बाकी ऐसे और भी पॉडकास्ट आएंगे, काफी काफी कुछ नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है, लास्ट फर्स्ट है बस। ये तो अपन ये टाइम बैरियर को देख के हम लोग कम काट रहे हैं। 3 बज गए अभी, पापा मेरे दूसरे रूम से आके मेरे को सोड देंगे पूरा। हाँ तो अभी करेंगे किस दिन और भी अच्छे सारे टॉपिक्स पे, होप करता हूँ। और मेरी तरफ से भी आपको कई सारे और अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगे, मैं भी अभी उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तैयार हो जाता हूँ तो फिर मैं भी बता देता हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं। तो चलो ठीक है, अभी इसको यहीं पर रखते हैं, और लाइक सब्सक्राइब और जो करना है कर दो भाई, ठीक है। पॉडकास्ट में लाइक सब्सक्राइब, चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल दोनों तरफ से, ठीक है। मेरे चैनल को भी कर देना यार, जो इधर से उधर जा रहे हैं, जो उधर से इधर आ रहे हैं। हम सब होप करते हैं कि अमीश भाई अपन को मेंशन करेंगे उसमें, क्या कहते हैं, जुपिटर्स लेगेसी की हीरोइन को क्लोई। मैं ये पॉडकास्ट भेजने वाला हूँ टाइम्स टाइम्स के साथ, बिल्कुल बता देना कोई कहाँ पे बात हुआ। बेचारी ने इतनी मेहनत की है, तुमने कम से कम एक बार तो मेंशन नाम ले लो उसका। मैं फॉलो किया यार, वो फॉलो बैक करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी फॉलो किया, मैं भी अभी तक फॉलो किया हूँ, ठीक है। मैं हिंदी से इम्प्रेस हो गया, वाह बात है यार। चलो अभी इसको यहीं तक रहने देते पॉडकास्ट, तो देखते रहिए पीजे और पीजे एक्सप्लेन को।